मैं आपके बचपन के डर को सच कर देने वाला है, क्योंकि आपने बचपन में कभी ना कभी तो सोचा हो कि कहीं मेरे माँ बाप बहुत अमीर तो नहीं थे और मैं कहीं हॉस्पिटल में बदल तो नहीं गया उनसे। तो ये एनीमे उसी चीज पे बेस्ड है, लेकिन बहुत सारे ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ जो कि आपने नहीं सोचा होगा। सीन की शुरुआत होती है हॉस्पिटल से, जहाँ पर दो बच्चों को दिखाया जाता है और गलती से क्या होता है कि नर्स ने दोनों बच्चों की अदला बदली कर दी रहती है। अब बहुत सालों के बाद हमें नागी और उसकी छोटी बहन एरिका को दिखाया जाता है। नागी एक बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्सिबल बड़ा भाई रहता है और एरिका उसकी बदमाश बहन रहती है। और फिर यहाँ पे नागी की मॉम आ जाती है, जो बोलती है कि आज तुम अपने रियल पेरेंट्स से मिलने के लिए जा रहे हो, क्योंकि इन्हें पता लग गया रहता है कि नागी इनका बेटा नहीं है और वो अब अपने रियल पेरेंट्स से मिलने के लिए जा रहा होता है। नागी भी सोचता है कि कैसे, मतलब बचपन का डर सच हो गया कि बचपन में बच्चे बदल जाते हैं और अब आज मैं सच में अपने माँ बाप से मिलने जा रहा हूँ, असली वाले माँ बाप से। तो उसकी मॉम उसे हैप्पी बर्थडे बोलती है, नागी वहाँ शर्मा गया रहता है। अब एरिका आती है और कह रही होती, भैया क्या आप सचमुच अपने पेरेंट्स के पास में चले जाएंगे? नागी कहता है कि नहीं, बस मैं उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ, मैं उनके पास वापस नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि एरिका बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है अगर नागी चला जाएगा तो। वैसे भी नागी हमारा 16 साल का रहता है, एरिका उससे कुछ ही छोटी रहती है और वो एकदम रोने जैसा शक्ल बना लेती, कहती है कि अगर आप चले जाएंगे तो मैं कैसे रहूंगी आपके बिना। उसे काफी दुख लग रहा होता है, लेकिन नागी उसे समझाता है कि नहीं, चिंता बिल्कुल ही मत करो, मैं नहीं जाने वाला हूँ, तुम लोग को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊँगा, मैं बस उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे असली मॉम डैड है और मैं कभी उन्हें नहीं देखा हूँ। सो उसके बाद जब वो जा रहा होता है स्कूल के लिए, तभी वहाँ पर उसे एक बहुत ही सुंदर लड़की यहाँ पे दिखाई देती है और वो देखता है कि ये कहीं कूदने तो नहीं वाली है, कहीं इस लड़की का दिमाग खराब तो नहीं ना हो गया, ये पागल हो चुकी है क्या। तो वो रेलिंग पे से कूदती, उससे ही पहले हमारा नागी दौड़ के जाता है और उसे बचा लेता है एकदम खतरनाक तरीके से, लेकिन कैमरा में सब चीज रिकॉर्ड हो चुका रहता है कि नागी ने उसे बचाने के लिए कहाँ पे टच किया। वो उसे एक जोरदार चाटा मारती और बता रही होती कि मैं ये सब इंस्टाग्राम पे रिकॉर्ड कर रही थी। वो पूछता है क्या तुम कोई इन्फ्लुएंसर हो, वो बताती कि हाँ मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स और मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं वीडियो बना रही थी, असल में मैं वीडियो इसलिए बना रही थी क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरी अरेंज मैरिज करवाना चाहते हैं, वो भी किसी ऐसे बंदे के साथ जिसे मैं जानती तक नहीं। वो एकदम चौंक जाता है, कहता है क्या तुम 16 साल की और तुम्हारी शादी होने वाली है? वो कहती कि हाँ 16 साल में मतलब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब ये अपने बारे में बताता है कि मैं अपने आज रियल मॉम डैड से मिलने के लिए जा रहा हूँ, और फिर यहाँ पर ये उसे सारी कहानी बता रहा होता है, एरिका नाम रहता है। वो एरिका से स्कूल के बारे में पूछता है, तभी उसे अपने गर्ल्स एकेडमी के बारे में बताती है। हालांकि पास्ट में भी नागी ने इसके बारे में सुना रहता है कि इसके दोस्त कह रहे थे कि ये कितनी क्यूट है, लेकिन नागी को लगा था कि इसने पक्का फिल्टर मारा होगा, कम 10 वो फिल्टर मारा होगा तब इतनी क्यूट है, लेकिन नहीं, ये रियल में ही इतनी ज़्यादा क्यूट है और अब इसे भरोसा हो गया रहता है। और फिर वो उसके एकेडमी के बारे में पूछती है, तब ये बताता है। वो काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है कि तुम जिस स्कूल में पढ़ते हो वो तो बहुत ही फेमस स्कूल है और वहाँ के बच्चे बहुत होशियार रहते हैं, अब तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे, लेकिन वो मना कर देता है। वो कहती है कि तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनना पड़ेगा ताकि मैं अपनी मैरिज को टाल सकूँ, बस तुम ऐसे ही जानबूझ के दिखावा करना है और कुछ भी नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, तुम उस स्कूल से पास आउट हो जाओगे और तुम्हें बस ऐसे ही दिखावा करना है मेरा बॉयफ्रेंड होने का। मगर नागी कह रहा होता है कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ, मैं जा रहा हूँ, मुझे अपने रियल मॉम डैड से मिलना है, मुझे लेट हो रहा है। तो वो जाने लगता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गई रहती है। एरिका कहती है कि क्या तुम एक्टिंग करने के लिए मुझे मना कर रहे हो? तो वो उसे वीडियो दिखाती है और वो कहता है कि तुमने कब रिकॉर्ड किया? वो कहती है कि मैं रिकॉर्ड ही कर रही थी, तभी तुम मुझे बचाने के लिए आ गए। अब बेचारा मरता क्या ना करता, उसे ना चाहते हुए भी करना पड़ रहा होता। और वो कहती है कि अगर नहीं मानोगे बात तो स्कूल एकेडमी में इस वीडियो को भेज दूंगी, अगर उसने ऐसा किया तो इसका पूरा कैरियर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो नागी को यहाँ पे उसकी बात अब मानी पड़ रही होती है और वो कहती है कि ठीक है, हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला स्टफ़ करेंगे, लेकिन वो उसे पता नहीं रहता है कि आखिर ये चीज़ होती क्या है, क्योंकि वो तो बचपन से पढ़ाई करता था। तो यहाँ पर एरिका सेल्फी ले रही होती है, अब बेचारे को सेल्फी भी ढंग से नहीं लेने देता है और वो कहती है कि तुम्हें अच्छा सा पोज बनाना चाहिए, समझे बिल्कुल कहीं के थोड़ा बढ़िया पोज बनाओ। तो वो कहता है कि क्या, और फिर वो उसके और क्लोज आ चुका रहता है और काफ़ी अच्छी खुशबू रहती है, तो इसलिए ये फोटो ऐसा आ गया रहता है क्योंकि वो खुशबू सूंघ रहा होता है एरिका की। और वो कहती है बड़ा ही ठरकी टाइप का ये बंदा लग रहा है, चलो कुछ कपड़े खरीद देती हूँ तुम्हारे लिए। तो ये लोग जाते हैं यहाँ पर शॉपिंग मॉल में और कपड़े देख रहे होते हैं, तो बहुत सारे कपड़े रहते हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव टाइप के कपड़े रहते हैं और इसका बिल आया हुआ रहता है टोटल लगभग 4,000। और ये सोचता है कि 4,000 मेरे पास तो सिर्फ 1,000 है, लेकिन वो बहुत ही अमीर बाप की बेटी रहती है तो वो पूरा 4,000 पे कर देती है। और ये सोचता है कि मेरे दोस्त सही कह रहे थे, ये सचमुच काफ़ी अमीर है। एरिका कहती है थोड़ा बोल्ड टाइप का पोज देना, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को ताकत और लड़के अच्छे लगते हैं, तो वो थोड़ा बोल्ड टाइप का पोज देता है। लेकिन यहाँ पर अभी भी नागी को समझ में नहीं आया रहता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों कहा। तब नागी के दिमाग में घूम रहा होता है कहीं इसकी फैमिली कोई बदमाश गुंडा तो नहीं ना है, तो वो डरते हुए पूछ रहा होता है कि तुम्हारी फैमिली का काम क्या है। तब वो बोलती है कि हमारी फैमिली एक होटल चलाती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अमीर फैमिली से एरिका बिलोंग करती है। वो कहती है कि मैं ये फोटो एक काम करती हूँ अपनी मॉम को भेज देती हूँ और उन्हें दिखाती हूँ कि आखिर किस तरीके से
ये मेरा बॉयफ्रेंड है, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, ऐसे ही ये लोग मजाक मस्ती कर रहे होते, ये वाली फोटो भेजूंगी। वो कहता है जो भी करना है तुम कर सकती हो, मेरा इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, और काफी ज्यादा शर्मा भी कह रहता है। तो वो फोटो को भेज डालती है, कहती है कि चलो देखती हूँ आखिर मेरी मॉम का इसमें क्या रिस्पॉन्स आता है। तब तक वहां पर कुछ बंदे आ चुके रहते हैं और ये कह रहे होते हैं कि अरिगा ये कौन है, क्या ये तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? नागी कहता है कि ये कौन है? तब वो कहती है कि ये मेरे बगल वाले स्कूल के बच्चे हैं, मैंने एक दिन हंसते हुए बात क्या कर ली इनसे, अब ये सोचते हैं कि मैं इसे पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे वो कह रही होती नागी को कि कुछ उल्टा सीधा मत करना, लेकिन नागी आगे बढ़ता और कहता है कि हाँ मैं ही इसका बॉयफ्रेंड हूँ। तो वो बंदा काफी गुस्से में रहता है और कहता है कि तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी, लेकिन नागी तैयार रहता है, मारता उसे एक जोरदार पंच। नागी इतना ताकतवर रहता है, एरिका भी हैरान हो जाती है, और वो बंदे भाग चुके रहते हैं यहाँ से। सो यहाँ पर ये कह रहा होता है कि टेंशन मत लो, मैं ही जीत जाऊंगा। वो कहती है कि बहुत अच्छा आइडिया आया है, जिस बंदे से मेरी शादी होने वाली है मैं उसे आज देखने के लिए जाऊंगी। तो एक काम करूंगी, जब वो आ जाएगा तब मैं उसके चेहरे पर एकदम ऐसा ही जोरदार घुसा मारूंगी ताकि वो मुझसे नफरत करे। नागी कहता है कि ऐसा मत करना, लेकिन वो कहती है कि नहीं ऐसा ही करूंगी। तो इसके बाद अब उसका कार आ चुका रहता है, ये इतनी अमीर रहती है कि ड्राइवर लेने के लिए आया रहता है, और ये कहती है कि मेरा कोई भी दोस्त नहीं और मुझे नहीं लगता कि हम लोग फिर कभी मिलने वाले हैं, लेकिन आज तुम्हारे साथ दिन बिताने के बाद मुझे ऐसा लगा कि काश काश हम दोनों की मैरिज होती, तब मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती। लेकिन खैर छोड़ो, अब इसमें क्या हो सकता है। मॉम ने रिएक्शन भेजा और वो कह रही थी कि बहुत ही क्यूट फोटो है, लेकिन मुझे अब घर जल्दी जाना पड़ेगा, बाय बाय, मैं वो फोटो भी डिलीट कर दूंगी। अब ये याद आता है कि अरे हाँ, मुझे तो अपने रियल पेरेंट्स से मिलने के लिए जाना है। तो वो वहाँ पे मिलने के लिए जाता है, ये उसके रियल पेरेंट्स रहते हैं नागी के, और वो कह रहे होते हैं कि बेटा आ जाओ। तो वो देखता है सचमुच क्या ये मेरे रियल पेरेंट्स हैं, और वो जो अंकल रहते हैं कह रहे होते हैं कि मैंने देखिए तुम दोनों की फोटो, मतलब इसे समझ में नहीं आता है कि किसकी फोटो। तब ये बोलते हैं कि तुम और एरिका, मैंने देखिए तुम दोनों का साथ में फोटो था ना, बहुत अच्छे लग रहे थे, और तुम दोनों की मैरिज होने वाली है। और अचानक से हम देखते हैं कि एरिका वहाँ पे आ चुकी रहती है, एरिका को भी नहीं पता रहता है, और ये कह रहा होता है कि नहीं कौन सी मैरिज, आप लोग क्या बात कर रहे हैं, मतलब ये वही दोनों बच्चे रहते हैं जो बचपन में अदला बदली हो गए रहते हैं। अब एरिका उसे पंच मारती है जैसा कि उसने वादा किया था, वो क्या ही कर सकती थी। अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि अपने क्लास में जा रहा होता है, तो इसका क्लास ए रहता है। अचानक से एक लड़की दौड़ते हुए आती है, इसका नाम हीरो रहता है, हीरो इससे टकरा गई रहती है, कहती है कि प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर देना। फिर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन नागी इसका कॉम्पिटिटर रहता है, वो कहता है कि हीरो मैं तुम्हें अगले टेस्ट में हरा के रहूंगा, देखना मैं टॉप पोजीशन पे आऊंगा। हीरो कहती है कि अबे तू है कौन, मैं तो तुझे जानती भी नहीं हूँ। वो कहता है कि मैं वो हूँ जो हमेशा सेकंड आता है, और देखना इस बार मैं फर्स्ट आके रहूंगा। असल में वो इसलिए कह रहा था क्योंकि एक बार हीरो ने कहा था कि जो भी उससे स्मार्ट बंदा होगा वो उसी को एक्सेप्ट करेगी, मतलब प्रपोज करेगा तभी एक्सेप्ट करेगी, इसलिए फर्स्ट आना चाहता और फर्स्ट आकर हीरो को प्रपोज कर देगा। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ साची को, साची सोच रही होती है कि नागी मेरा सिबलिंग नहीं है, और ये यहाँ पे वही कॉमिक बुक पढ़ रही होती है जो बहुत सारी लड़कियाँ पढ़ती है, वही ठरकी वाला कॉमिक जिसमें बंदे सिबलिंग। नागी के पेरेंट्स बोलते हैं कि आज वो तुमसे यहाँ पे मिलने के लिए आने वाली है, लेकिन ये कहता है कि मैं उससे शादी नहीं करना चाहता हूँ। तब उसके डैड कहते हैं कि क्या कहा तुमने, असल में नागी के दिमाग में तो कोई और ही रहती है, और वो बात आपको पता है कि ये हीरो को पसंद करता था, उसे प्रपोज करना चाहता है, मगर उनके पेरेंट्स को क्या ही पता है। और वो कहते हैं कि चलो तैयार हो जाओ, एरिका कभी भी यहाँ पर आ सकती है। ये सब बिल्कुल नहीं करना था, उसे तो मन था कि मैं बता दूं कि मैं शादी नहीं करना चाहता हूं उससे, मेरा ऐसा बिल्कुल भी मन नहीं है। बेचारा फ्रस्ट्रेटेड हो गया रहता है यहाँ पर, और फिर घर साफ सफाई कर लेता है, इंतजार कर रहा होता है कि कब आएगी वहां पर, और जब वो आएगी तब मैं उसे बता दूंगा एरिका को कि मैं शादी नहीं करने वाला हूं। तब तक उसकी बहन आ चुकी रहती है, यहाँ पे वो कह रही होती है कि मैंने आपकी सारी बातें सुन ली है, और क्या आप भी पसंद करते? वो कहता है कि मैं पसंद नहीं करता हूं, और देखो तुम्हें ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए, आखिर वो असल में तुम्हारी ही बड़ी बहन है, एरिका के बारे में बात कर रहा। तभी उसे मार के कहती है कि ऐसी बातें मत कहो, समझे, मुझे वो अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि वो इससे दूर छीन रही होती है ना इसीलिए। तो ये घर साफ सफाई कर रहा होता है, सोच रहा होता है कि एरिका कब आने वाली है, बहुत ज़्यादा वक्त हो गया है, अभी तक आई नहीं, कहीं गुम गई है क्या, चलो मैं ही जाकर उसे ढूंढ के आता हूँ। लेकिन ये बाहर में बैठी हुई रहती है और कहती है कि बेवकूफ कहीं कि मैं कितनी देर से बैठी हूँ, तुम्हें आना नहीं था क्या? वो कहता है कि अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, ये बेलडोर नहीं दिखती है क्या तुम्हें? एरिका कहती है ओ मैंने ये देखा ही नहीं, क्योंकि ये घर में पहली बार आई रहती है और काफ़ी नर्वस भी रहती है। तो यहाँ नागी को लग रहा होता है कि कहीं ये नर्वस तो नहीं, वो कहता है कि जाओ जाकर बैठ जाओ। तो ये जाकर बैठ जाती है यहाँ पर, और वो कहता है कि अरे ज़मीन पर बैठो, वहाँ नहीं। तो वहाँ बैठ जाती है, वो थोड़ी नर्वस दिख रही होती है और ये सोच रहा होता है कि कहीं मैं इसे बोल दूँ, लेकिन मुझे शर्म आ रही है, वो बोलना नहीं चाहता था। और फिर ये कहती है मुझे तुम्हारा घर देखना है, वो कहता है यही मेरा घर है। वो कहती है कि देखो मजाक मत करो, ये घर नहीं हो सकता है। वो कहता है कि अरे देखो यही मेरा घर है, चलो मैं तुम्हें अपना घर दिखा देता हूँ। तो वो कहती है क्या ये छोटा सा घर तुम्हारा है, मजाक कर रहे हो ना मुझसे?
देखो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती है, लेकिन वो कहता है कि सही में ये घर मेरा ही है। तो उसके बाद वो कहता है कि देखो ये किचन बाथरूम और ये सारी चीज़, वो कहती है कि इतना छोटा बाथटब, अरे भाई इसमें तो मेरा डॉगी नहाता है। और फिर वो कहती है कि अच्छा ठीक है चलो मैं तुम्हें अपना घर अब चल कर दिखाती हूँ, नागिन ने तो इसे अपना पूरा घर दिखा दिया रहता है। अब ये कहती है घर दिखाने के लिए शुक्रिया, अब चलो मैं तुम्हें अपना घर दिखा देती हूँ। सो नागी अब चला जाता है हमारी एरिका के घर में, जहाँ पर हमें ये पता लगता है कि एरिका का घर तो बहुत बड़ा रहता है, और नागी को यहाँ पे पता लग गया रहता है कि आखिर एरिका ने क्यों कहा कि आखिर वो घर में उतना ज़्यादा अनकम्फर्टेबल क्यों थी, क्योंकि यहाँ पे जो इसका घर है तो हमारे नागी के घर से 10 गुना ज़्यादा बड़ा रहता है। और ये सोच रहा होता है कि क्या सोच रहा हूँ कि ये इसका डॉग हाउस है, भाई ये तो मेरे घर इतना बड़ा है इसका डॉग हाउस, इसका मतलब मेरा घर इसके आगे कुछ भी नहीं है। इतना बड़ा घर, इतनी ज़्यादा लग्जूरियस लाइफ, अगर मैं इसके जगह रहता, क्योंकि हम लोग एक्सचेंज हो गए थे, और अगर हम लोग एक्सचेंज नहीं रहते तो ये मेरी ज़िंदगी जी रही होती और मैं कितना ज़्यादा आराम से राजाओं वाला ज़िंदगी जी रहा होता। नागी एरिका के पास आता है, एरिका कहती है कि देखो मुझे भी तुमसे शादी करने का कोई मूड नहीं है, क्योंकि मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, मैं अपनी पसंद से शादी करना चाहती हूँ। तो वो कहता है तुम इतनी देर से मेरे साथ खेल रही थी क्या? वो कहती है कि देखो मैं तुम्हारे साथ खेल नहीं रही थी, असल में बात ये है कि मैं मतलब अपने पेरेंट्स से ऐसे मिलना चाहती हूँ, मेरा उनसे मिलने का बहुत ज़्यादा ही मन कर रहा है। नागी बोलता है कि वो अभी रेस्टोरेंट में था, वो कहती है मुझे मिलना है। सो वो उसके पेरेंट्स के पास लेके चला जाता है। असल में तो ये एरिका के रियल पेरेंट्स रहते हैं और वो काफ़ी अच्छी तरीके से इसके साथ बिहेव कर रहे होते हैं। एरिका उनसे कुछ बात कहना चाहती थी लेकिन वो कह ही नहीं पा रही होती, और रेस्टोरेंट में नागी सोच रहा होता है कि ये तो बड़े बड़े होटल्स में जाती होगी, ये इतने छोटे रेस्टोरेंट में आई है, पता नहीं इसे कैसा लग रहा होगा, कहीं लोग इसके बारे में कुछ कहें ना, इसे बुरा ना लग जाए, लोग कहते कितनी प्यारी लड़की है। तब उसकी मामा के बता रही होती कि हाँ इन दोनों की शादी अब होने वाली है, तब वो लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। और यहाँ नागी एकदम सोच रहा होता है अब तो बैंड बजने वाली है, कहीं ये किसी बुरी तरीके से बिहेव ना करे। यहाँ पे इसके लिए खाना भी परोसा गया रहता है जो कि स्पेशल डिश रहता है इनका। अब ये एकदम टेबल को पकड़ लेता है क्योंकि जानता था कि कहीं ये कुछ गड़बड़ ना कर दे, कहीं खाना फेंक के ये यहाँ से भाग ना जाए, लेकिन एरिका ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। एरिका चुपचाप वहाँ पे रहती है। उसकी मॉम कह रही होती पता है तुम्हारी एक छोटी बहन है, उसका नाम सांची है, तुम्हारे बाल बिल्कुल मेरी तरह है। उसके डैड कहते हैं कि हाँ इसकी नाक और आँख देखो, ये थोड़े थोड़े मेरे जैसा लग रहे हैं। अब वहाँ पे वो काफ़ी इमोशनल हो गई रहती है और इसे लग रहा होता है कि अब कुछ गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन नहीं, एरिका उठती है और कहती है कि मुझे घर जाना है, मैं घर जा रही हूँ। वो भागने लगती है। ये पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हें तो उनसे कुछ कहना था ना, आखिर क्या हुआ, लेकिन ये रो रही होती है। एरिका कहती है कि देखो मुझे उनसे कहना था कि मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन मैं उनसे कह ही नहीं पाई, मुझे लगता है कि वो लोग कहीं मुझसे नफरत ना करें। मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब नागी भी समझाता है कि देखो वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं और वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तुम उन्हें दिखाओ या फिर ना दिखाओ, मुझे पता है वो लोग अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि तुम उन्हीं की तो बेटी हो, वो समझ जाएंगे। सो इसके बाद वो उसे लेके वापस ले आता है। और फिर यहाँ पर ये लोग बड़े मज़े से खाना खा रहे होते हैं। एरिका देखती है ये तो बहुत बड़ा बुक्कड़ है, बहुत सारा खाना खाता है। सो अब खाना बहुत ज़्यादा हो चुका रहता है और अब घर जाने का वक्त आ गया रहता है। तो पेरेंट्स कहते हैं कि नागी तुम्हें घर छोड़ देगा, ऐसे भी तो अब ये तुम्हारा हस्बैंड होने वाला है। सो क्या था, अब नागी हमारा एरिका को घर छोड़ रहा होता है, जहाँ पर ये सोच रहा होता है कि मैं बता दूं कि मैं मैरिज नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अभी भी ये यहाँ पे बोल नहीं पा रहा होता है, इसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है। तब तक जो नागी के रियल फादर यानी एरिका के डैड रहते हैं वो आ चुके रहते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजिंग होगा। तो उसके डैड कह रहे होते हैं तुम दोनों बच्चों ने काफ़ी मज़े किए क्या? एरिका बताती है कि हाँ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब अपने रियल मॉम डैड से मिलके। वो लोग कहते हैं तो तुम्हारी डेट कैसी रही? दोनों एकदम शर्मा जाते हैं और कहते हैं कि नहीं डैड ऐसी बात नहीं है। अंकल कहते हैं कि देखो मुझे सारी बातें पता और मैं तुम लोग के लिए एक स्पेशल गिफ्ट भी लेके आया हूँ, तुम दोनों जल्दी आओ और कार में बैठ जाओ, मुझे तुम लोग को एक स्पेशल जगह पे लेके जाना है। तो वो उन्हें घर के सामने छोड़ चुके रहते हैं और उस घर के नंबर प्लेट पे हमारे एरिका और नागी का सरनेम रहता है। तो वो कहते हैं कि अभी से 2 हफ्तों तक तुम दोनों यहीं पे रहोगे। मुझे पता है कि तुम दोनों का रिलेशनशिप उतना ज़्यादा अभी अच्छा नहीं है क्योंकि नए नए मिले हो ना इसीलिए, लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए तुम लोग यहाँ पे रह लोगे इस घर में अकेले तो तुम लोग का रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा। दोनों एक दूसरे को ही देख रहे होते कि क्या। अब दोनों को 2 हफ्तों के लिए यहीं पर रहना पड़ेगा क्योंकि अंकल ने डिसाइड कर लिया रहता है, लेकिन ये सोच रहा होता है कि मैं एग्जाम में टॉप कैसे करूंगा, मैंने तो पहले ही चैलेंज दे दिया है। अब एरिका कह रही होती कि मेरे डैड ऐसे ही हैं, यानी वो टेक्निकली तो नागी के डैड रहते हैं लेकिन अभी एरिका के डैड हैं, तो वो ऐसे ही हैं, उनका कुछ नहीं किया जा सकता है। सो वो यहाँ पे अपनी मॉम का टेक्स्ट पढ़ रहा होता है चूंकि आया रहता है, उन्हें भी पता लग गया रहता है कि ये 2 हफ्तों के लिए एरिका के साथ रहने वाला है। तो वो कहती है कि अच्छे से रहना, परेशान मत करना, और वो कह रहा होता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। फिर उसे अपने डैड का मतलब रियल वाले डैड का टेक्स्ट आता है जो कहते हैं मुझे माफ़ करना, तुमसे बात करने का मुझे वक्त नहीं मिल पाया, लेकिन मैं बाद में ज़रूर बात करूंगा। सो एरिका सोचती है कि यहाँ पे कुछ रूल्स बना दिए जाए, हम दोनों एक दूसरे के कमरे में नहीं आएंगे, मदद नहीं मांगेंगे, अब ऐसा रूल रहता है। तो ये चुपचाप बैठा हुआ रहता है लेकिन सोचता है कि अब मुझे मेरा रूम भी तो मिलेगा, एक पर्सनल रूम जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है। और फिर ये आराम से देख रहा होता है कि ओह यहाँ पर ये क्या है, मैंने वादा किया था और मैं
फर्स्ट आकर रहूंगा, मैं उसे हरा कर रहूंगा, उसके बाद ही तो प्रपोज करूंगा। सब सुबह हो चुकी रहती है। सुबह में नींद बहुत देर से खुलती है नागी की, क्योंकि रात में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा था बेचारा, पर रहा था कुछ और नहीं कर रहा था, तब तक चिल्लाने की आवाज आती है। वो बाथरूम में जाकर देखता है तो यहाँ एरिका नहा रही होती है। वो इसे देखकर एकदम शर्मा गई रहती है और ये भी शर्मा गया रहता है। उसके बाद से ये कहती है कि अब अंदर आओ बेवकूफ कहीं के, और वो बताती है कि ये छिपकली है, लेकिन ये तो खुद छिपकली से डरता था, कहता है कि नहीं मैं नहीं। तो एरिका खुद अपने हाथ से उस छिपकली को फेंक डालती, कहती कि तुम एक नंबर डरपोक हो। और फिर ये मजे कर रही होती है और ये सोचता है ये दिन भर इंस्टाग्राम पे फोटो अपलोड करते रहती है। पढ़ाई के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है नेट, लेकिन ये क्या, इसकी मोबाइल की बैटरी खुद डेड होती है और घर से कोई सामान भी नहीं आया हुआ रहता है। तो इसने सुन लिया रहता है कि एरिका का ड्राइवर उसके लिए उसके घर से सारा सामान लेके आया हुआ रहता है, तो कोई और ऑप्शन नहीं रहता है। तो ये एरिका के सामने हाथ फैलाने के लिए गया रहता है कि प्लीज मेरी पढ़ाई में मदद करने के लिए एक चार्जर दे दो और अपनी किताबें दे दो। वो कहती है कि ठीक है मैं दे दूंगी, लेकिन इसके बदले में कुछ शर्तें हैं, तुम्हें मेरी शर्तें माननी पड़ेगी, जो कि फोटो क्लिक करना रहता है। और ये अब बन गया रहता है स्पॉट बॉय और सोच रहा था कि ये लड़की सचमुच क्यूट है, मुझे लगा था कि फिल्टर लगाती है, लेकिन ये ऐसे भी क्यूट है। और फिर वो गलती से क्या होता है कि बैलेंस बिगड़ जाता है और ये उसके ऊपर ही गिर जाता है, दोनों बेड पे गिर गए रहते हैं। वो उसे जोरदार घूसा मारती और कहती कि तुम एक नंबर के गधे हो। अब फिर शाम में ये पूरा फोटो क्लिक करवा रहा होता है, अब शाम हो चुकी रहती है, लेकिन अभी तक उसने नागी को पढ़ने के लिए ना कोई बुक दी थी ना कुछ भी। तो वो गुस्से में आके इस पे पानी फेंक देता है और इसकी फोटो क्लिक करता है। वो कहती है तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन जब वो उसे फोटो दिखाता है तो ये देख के दंग रह गई रहती है, क्योंकि फोटो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे खूबसूरत आई रहती है। तो दोनों यहाँ पे अब मजे कर रहे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक रहे होते हैं, बहुत ही ज्यादा यहाँ पे मजा आ जाता है। अब शाम हो गया रहता है, लेकिन अभी तक इसने पढ़ाई का एक बूंद भी पढ़ाई नहीं किया हुआ रहता है। और फिर ये पूछता है कि आखिर तुम मतलब इतनी ज्यादा फेमस क्यों होना चाहती हो, मतलब क्या रीजन है इसके लिए तुम्हारे पीछे। तब वो बताती है कि मैं फेमस इसलिए होना चाहती हूँ क्योंकि कोई स्पेशल पर्सन है जिससे मैं कांटेक्ट करना चाहती हूँ। और आखिर तुम इतनी पढ़ाई क्यों करते हो। तब वो बताता है मैं किसी के लिए पढ़ाई करता हूँ, मुझे भी कुछ बात है, मतलब वही कुछ अपना बात रहता है इसीलिए। वो भी उसे नहीं बताता है पूरी तरीके से। अब शाम में वहाँ पे वो उसके लिए खाना ही बना देता है क्योंकि इसने अपनी मॉम से सीखा रहता है। एरिका ज्यादा खाना बनाना कुछ नहीं जानती थी, उसे तो अकेले रहना भी नहीं आता था। और फिर वो कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारा पहला ही सामान भिजवा दिया है, वो सुबह ही भिजवा दिए रहते हैं, लेकिन इसने बताया नहीं था। अब जब ये स्कूल जाता है तो सब इसके बारे में बात कर रहे होते हैं क्योंकि इसने हीरो को चैलेंज कर दिया रहता है कि ये टॉप आएगा। अब सोच रहा होता है कि सबने सुन लिया रहता है तो अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, अब मुझे जाना पड़ेगा। तो वो लॉकर पर जाता है तो उसे एक चिट्ठी मिलती है जो कि हीरो की तरफ से थी, और उसमें ये लिखा हुआ रहता है कि छुट्टी के बाद आ जाना ऊपर टेरेस में। लेकिन इसे ये मजाक लग रहा होता है, सोचता है कि जरूर कोई मुझसे मजाक कर रहा है, इतनी गंदी हैंड राइटिंग। तब यहाँ पे हीरो उसे देखती है लेकिन शर्मा के भाग चुकी रहती है। सोच रहा होता है कि अब क्या, लेकिन उसके दोस्त कैफेटेरिया में आते और कह रहे होते क्या तुमने सचमुच चैलेंज किया है, तुम एक बार वापस से सोच लो। सारे बंदे एक एक करके उसके पास आ रहे होते और कहते हैं कि तुमने उसे चैलेंज क्यों किया, क्योंकि हीरो देखिए बहुत ही ज्यादा पढ़ाई में इंटेलिजेंट रहती है, सबकी मदद भी करती है, बहुत ही अच्छी लड़की रहती है, और हाँ वो फिटनेस में भी काफी कमाल का है, मतलब स्पोर्ट्स में सारी कैटेगरी में बढ़िया रहता है। तब ये सोचता है ये लेटर फालतू है, डस्टबिन में फेंक देता है। लेकिन क्लास में आज इसने टॉप कर दिया रहता है। अब वो डस्टबिन में से लेटर ढूंढ रहा होता है कि सचमुच हीरो ने दिया है, तो वो सोच रहा होता है कि मुझे जाकर एक बार छत पे जाना चाहिए कि कहीं सचमुच, तो वो चला जाता है। यहाँ पर रूफटॉप पे उसे हीरो मिल जाती है, सो वहाँ पे वो सचमुच आ गई रहती है और ये एकदम कूल बनने की एक्टिंग कर रहा होता है। और ये कहती है कि मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी गंदी है ना, और हाँ मेरी हैंडराइटिंग गंदी इसलिए मैं आज एग्जाम में टॉप नहीं कर पाई, इसीलिए यही बात बोलने के लिए वो आई रहती है। हीरो को लगता है कि वो उसे कॉन्फेस करेगी, लेकिन नहीं, ऐसा कॉन्फेस वो नहीं करती। वो कहती है कि मैं तुम्हें अगले टेस्ट में जरूर हरा के रहूंगी नागी, तुम उसके लिए तैयार रह जाना, अभी फाइनल्स और हाफ ईयरली टेस्ट बाकी है, तो तुम उसके लिए रेडी हो जाना। और यही कहने के बाद वो वहां से जाने लगती है। नागी को ऐसा लगा था कि वो यहाँ पे इसे प्रपोज करने के लिए आई है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं रहता है, उसने यहाँ पे इसे प्रपोज नहीं किया, उसने चैलेंज दिया है। लेकिन ये चैलेंज भी बहुत ज्यादा क्यूट लगता है नागी को, सोचता है कि अब मैं इसे पक्का हराऊंगा और हराने के बाद देखना मैं इसे प्रपोज करके रहूंगा, उसके बाद ही मेरे दिल को शांति मिलने वाली। नागी तुरंत ही अपने घर निकल जाता है, लेकिन घर जाके पता लगता है कि इसे तो यहाँ पे फीवर हो चुका है। एरिका कहती है कि तुम्हें आराम करना चाहिए, मगर वो कहता है कि नहीं, हल्का फुल्का मुझे बुखार है, टेंशन बिल्कुल भी मत लो। सो वो अपने कमरे में चला जाता है, यहाँ पे पढ़ाई कर रहा होता है, लेकिन एरिका उसे पढ़ाई नहीं करने देती, वो इसके दरवाजे पे नॉक करती है काफी बार। अब इसे काफी गुस्सा आता है, वो दरवाजा खोलता है तो देखता है कि डॉक्टर एरिका यहाँ पे रेडी है उसका इलाज करने के लिए। अब इतनी बढ़िया नर्स है, फिर भी वो उसे बाहर निकाल देता है और कहता है कि देखो एरिका मुझे पढ़ाई करने, तो मुझे यहाँ पे डिस्टर्ब मत करो। एरिका तो बस इसकी मदद करना चाहती थी क्योंकि इसे फीवर था, लेकिन वो उसे धक्के मार के निकाल देता है। वो कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें फीवर हो ना तो मेरे पास दौड़ते हुए मत आना वापस से। वो चली जाती है। अब यहाँ पर इसका सर ऐसे घूम रहा होता है और अचानक से ये यहाँ पे बेहोश हो गया था। जब आप खोलता है तो एरिका के रूम में होता है। एरिका इसके पास में रहती है और कहती है बेवकूफ कहीं के, तुम्हें फीवर था, मैंने सोचा कि मैं तुम्हें तुम्हारी बेड पे लेटा दूं, लेकिन वो बेड बहुत ही ज्यादा गंदा था, इसलिए मैं तुम्हें अपने कमरे में लेके आ गई हूँ। और वैसे तुम इतनी ज्यादा मेहनत क्यों कर रहे हो, फर्स्ट रैंक
लाना तुम्हारे लिए जरूरी है क्या? तुम्हें इतना नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम नींद में भी बड़बड़ा रहे थे कि तुम्हें फर्स्ट आना है। और तुम्हें पता है, तुम्हारा ये डेडिकेशन मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो वो वहाँ पे इसकी तारीफ करती है, जहाँ पे नागी कहता है कि पहली बार किसी ने मेरी पढ़ाई को लेकर तारीफ की, क्योंकि बचपन से ये पढ़ने में काफ़ी अच्छा था, लेकिन आज तक कभी किसी ने भी इसकी ऐसी तारीफ नहीं की रहती है। तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश रहता है। और दूसरी तरफ जो हीरो रहती है, वो भी पढ़ाई को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गई थी, क्योंकि इसके पास कोई चॉइस नहीं था, इसे भी हमारे नागी को हराना रहता। और ये अपनी मॉम से कहती है कि देखना, मैं फर्स्ट प्लेस ला कर रहा हूँ। वो चली जाती है स्कूल। अब कुछ दिन के बाद यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका रहता है, जहाँ पर हमारे नागी ने टॉप कर दिया था। सब देख के हैरान हो जाते हैं कि ये क्या, हीरो ने टॉप नहीं किया, नागी ने यहाँ पे टॉप कर लिया रहता है। नागी देख रहा होता है कि ओ माय गॉड, मैंने यहाँ पे टॉप कर लिया, और वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी रहता है। और हीरो से बहुत लड़कियाँ बात भी कर रही होती, जो उसकी दोस्त रहती है, क्योंकि हीरो काफ़ी बढ़िया रहती, सब उसे सपोर्ट कर रही थी। लेकिन यहाँ पे सब कह रहे होते कि गलती से तुमने टॉप कर लिया, कोई बात नहीं, हीरो अगले एग्जाम में टॉप कर लेगी। सब लोग पता नहीं इतने दुखी क्यों रहते हैं, क्योंकि नागी ने टॉप किया था इसीलिए। और यहाँ पे सब हीरो को कह रहे होते हैं कि चिंता मत करो, अगली बार तुम ही टॉप करोगी। हीरो को बहुत बुरा लगता है कि कोई भी मेरे बारे में नहीं सोच रहा यार, सब लोग उसी की तारीफ कर रहे हैं। तो फिर से उसे लॉकर में यहाँ पे लेटर मिलता है, और ये लेटर वापस से हीरो का ही रहता है। सोच रहा होता है कि अब मुझे जाना पड़ेगा। वैसे वो वापस से मिलने के लिए बुला रही है, आखिर मिलने के लिए क्यों बुला रही है, टेरेस पे मुझे जाना पड़ेगा। तो वो चला जाता है टेरेस पे, और फिर यहाँ पर ये बता रही होती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने फिर से मुझे हरा दिया। और हवा भी चलती है, तो कहती है क्या ये तुम्हारी जीत का जश्न है? और वो कह रहा है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। वो कहती है कि आखिर तुम क्यों हराना चाहते हो, क्यों टॉप करना चाहते हो? तब ये बताता है, क्योंकि मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहता हूँ इसलिए। और तुमने एक बार कहा था कि तुम्हें वही लड़के पसंद आते हैं जो कि तुमसे ज़्यादा होशियार हो टॉप करने में। वो कहती है कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जो लड़के मुझसे ज़्यादा होशियार हैं वो वही मुझे पसंद आते हैं। लेकिन मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारा ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि बेवकूफ़ कहेंगे तुमने मुझे बस एक बार हराया है, और मैं काफ़ी बार टॉप कर चुकी हूँ, तुम्हें मुझे और भी बहुत बार हराना पड़ेगा। नागी कहता है अच्छा, तो तुम मुझे चैलेंज करना चाहती हो, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं दिन रात पढ़ाई करूंगा। वो कहती है कि मैं हमेशा पढ़ाई करूंगी, मैं सिर्फ 7 घंटे सोती हूँ। नागी कहता है तो मैं 4 घंटे सोऊंगा, 2 मिनट बाथरूम में लगाऊंगा, और फिर दिन भर पढ़ाई करूंगा। सो ये दोनों यहाँ कॉरिडोर में भागने के लिए एकदम रेडी रहते हैं, क्योंकि दोनों को अपना बैग भी लेना रहता है, एकदम बच्चों वाली हरकतें रहती है दोनों की। सो फाइनली यहाँ पे दोनों क्लास में एक साथ पहुँचते हैं, और यहाँ कंपटीशन रहता है कौन पहले बैग ढूंढेगा। लेकिन नागी ने पहले बैग ढूंढ लिया रहता है, और वो कहता है कि मैं जीत गया। वो कहती है कि तुमने यहाँ भी मुझे हरा दिया, ये मेरा पहली बार एक्सपीरियंस है, कभी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन माफ़ करना, मेरी इंगेजमेंट पहले से तय हो चुकी है, मेरे पेरेंट्स ने मेरी इंगेजमेंट तय कर दी है, और मैं तुम्हारा प्रपोजल तो क्या किसी का भी प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। अब यही चीज़ नागी को बहुत ज़्यादा ही सता रही होती है कि ये क्या हो गया, सपना टूटा है मगर दिल नहीं टूटना चाहिए। तो वो दिन रात सोच रहा होता है कि ये पता नहीं वो उसका हस्बैंड कैसा होगा, मतलब किसके साथ उसके पेरेंट्स ने उसकी मैरिज फिक्स करवा दी, कुछ भी यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। रुको, आखिर उसने मुझे मेरी मैरिज की बात क्यों बताई? कहीं उसके कहने का मतलब ये तो नहीं था कि कहीं मैं उसे उसकी शादी से भगा के ले जाऊं, बिल्कुल किसी सुपर हीरो की तरह। अचानक से कमरे में एरिका आ जाती है। वो कहता है तुम्हें नॉक करके आना चाहिए। वो बताती है कि मैंने काफ़ी बार नॉक किया था लेकिन तुमने नहीं सुना, और हाँ, अब 2 हफ्ते पूरे हो चुके हैं तो तुम्हें अब यहाँ से जाना पड़ेगा। हालांकि वो ऐसे कहती नहीं है, कहती कि 2 हफ्ते हो गए तो तुम यहाँ से जा सकते हो। नागी कहता है कि हाँ, मैं जाना चाहता हूँ, और वैसे भी यहाँ पर मुझे पढ़ाई करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आया। लेकिन वो बोल रही होती कि तुम्हारा ऑयली खाना खा के मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो चुकी हूँ। नागी उसे कहता है खाना खाने में तो बड़ा मजा आ रहा था मेरा, और अब कहती हो कि वो ऑयली हो गया, तुम मोटी हो गई हो मेरी वजह से। हाँ, अपने मुंह बाबा के ऐसे खा रही थी उस समय, याद नहीं आया था। और हाँ ठीक है, अब मैं यहाँ से चलता हूँ, मैंने अपना सारा स्टफ यहाँ से ले लिया है। और एरिका को ये भी कहते जा रहा होता है, उसे पता लगता है कि एरिका कभी अकेली नहीं रही है, उसने अपना कभी काम नहीं किया। तो वो एरिका से कहता है कि तुम्हें थोड़ा सा अकेले रहना भी सीखना चाहिए, तुम्हें अपना काम खुद पर खुद करना चाहिए। और यहाँ पे वो उसे बहुत ही अच्छा सलाह दे रहा होता और कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। एरिका कहती है कि मुझे शुक्रिया मत कहो। वो कहता है पागल हो गया, मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूँ, मैं तो इस घर को शुक्रिया कह रहा हूँ, इसकी वजह से मैं तो यहाँ पे कभी भी नहीं आने वाला हूँ। एरिका कहती है भागो यहाँ से। तो वो कहता है ठीक है, मैं इस तरफ जा रहा हूँ। तो वो सोच रहा होता है ट्रेन में कि बहुत दिन हो गए मैं अपनी फैमिली से नहीं मिला, मतलब 2 हफ्ते बहुत ज़्यादा होते हैं यार, फैमिली से नहीं मिला रहता है, इसलिए जा रहा होता है। घर जाता है, तुरंत ही घर जाने का एकदम प्लान, घर जाता है लेकिन दरवाज़ा लॉक रहता है। तो मॉम को कॉल लगाता है, तो मॉम इसकी बता रही होती है कि वो हम लोग घर का पाइप टूट गया ना, तो प्लम्बर अभी बना रहा है, तो हम लोग घर में नहीं, हमने अपना घर दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया है, लेकिन ये वाला जो घर है ना बड़ा छोटा है, तो तुम एक काम करो, तुम वापस से एरिका के पास ही क्यों नहीं चले जाते हो, वही तुम्हारे लिए बढ़िया रहेगा, कुछ दिन के लिए वहीं पे तुम रह लो, क्योंकि ये रूम बहुत ही ज़्यादा छोटा है। सो उसके बाद वो अपने असली डैड यानी एरिका के डैड को मैसेज करके पूछता है, तो वो हाँ कह देते हैं, अपना ही बेटा रहता है। इसने सोचा नहीं था कि ये यहाँ पे वापस आएगा, लेकिन अब वापस आना पड़ता है। एरिका भी एकदम हैरान हो गई रहती है, और वो कहता है कि तुम अभी तक यहीं हो। एरिका कहती है कि तुम यहाँ पे वापस क्यों आए? तब वो उसे प्लम्बर वाली बात बता देता है कि ये वहाँ पे वापस क्यों आया।
और एरिका से पूछता है तो एरिका बताती है कि तुमने मुझसे कहा था कि मुझे अकेले रहना भी कुछ सीखना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे अकेले रहने की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं खुद से भी कुछ करना चाहती हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर थी। तो यही बात रहती है, इसलिए वो अभी तक यहाँ पे रहती है और यहाँ से गई नहीं थी। तो ये सुन के इसे काफी ज्यादा बढ़िया लगता है कि चलो मेरी बात मान रही है। नागी को अच्छा लगता है तो वो कहता है ठीक है मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, बताओ तुम्हारा कौन सा काम अब बाकी रह गया। एरिका यहाँ पे काफी खुश हो जाती है, कहती है कि क्या तुम सचमुच मेरी मदद करने वाले हो। सो वो यहाँ पे उसे लॉन्ड्री का काम दे देती है, असल में इसने अपने कपड़े धोए ही नहीं थे तो इसे सारे कपड़े धोने पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे साची को बहुत ज्यादा जलन हो रही होती है क्योंकि उसका भाई आज नहीं आया रहता है, तो वो अपनी मॉम से पूछती है। तब उसके डैड कहते हैं क्या हुआ, तुम्हें याद आ रही है क्या अपनी भैया की? तो वो कहती है नहीं मुझे याद नहीं आ रही है, लेकिन सच बोलूं तो उसे याद आ रही होती है और उसे जलन भी हो रही होती है कि आखिर वो एरिका के साथ कैसे रह रहा है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि उसने साची को बुलाया रहता अपने कुछ सामान के साथ में, तो वो काफी घबरा गई रहती है एरिका, क्योंकि साची उसकी असली छोटी बहन रहती है ना, उसका कभी भी एक्सपीरियंस नहीं रहता है। तो वो यहाँ पे इसे डांट रही होती है और कहती तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था, मेरी छोटी बहन पहली बार मुझसे मिलने के लिए यहाँ पे आ रही है और मैंने उसके लिए ना ही कोई कपड़े लिए ना ही कुछ भी, और तुम हो कि अरे टेंशन मत लो यार मेरी जैसी है, तुम मुझसे आराम से घुल मिल जाओगी, तुम्हें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। फिर भी वो उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि तुम्हें बताना चाहिए था, मैं उसके लिए शॉपिंग करके लाती, वो मेरी प्यारी बहन है, लेकिन तुम कदे कहीं के तुमने मुझे कभी बताया नहीं। तो यहाँ बेल डोर बजता है तो इसका मतलब साची यहाँ पे आ चुकी रहती है। वो जाता है देखता है कि ये क्या, ये यहाँ पे बैठी क्यों है, तो वो पूछता है। तब ये बताती है कि मुझे नहीं पता था इसके आगे क्या करना है, इसलिए मैं यहीं पर बैठी हुई थी। वो कहता है कि चलो मेरे साथ अंदर चलो, तो साची को लेके अब वो यहाँ पे अंदर आता है। तो पहली बार साची और एरिका आमने सामने रहते हैं लेकिन दोनों कुछ बात नहीं कर रहे थे। ये बहुत ही ज्यादा डरी हुई रहती है, इतनी फेमस स्टार रहती फिर भी डरी हुई रहती है। अब ये सोच रहा होता है हमारा नागी कि आखिर इन दोनों लड़कियों की प्रॉब्लम क्या है भाई, आखिर ये दोनों बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तो वो कहता है साची चलो मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाता हूँ। तो वो साची को अपने कमरे में लेके आ गया रहता है और फिर वो उससे पूछता है कि अरे देखो यार एरिका तुम्हारी अपनी बड़ी बहन है, तुम उससे बात क्यों नहीं कर रही हो, तुम इतनी नर्वस क्यों हो रही हो उसके सामने में। साची कहती है वो इसलिए क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ी सुपरस्टार है और वो मेरी बड़ी बहन है और मुझे पहली बार ये बात पता चली है, तो मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा रही हूँ भैया, मैं इसमें क्या ही कर सकती हूँ। वो कहता है मेरे पास आइडिया है, चलो हम सभी लोग साथ मिलकर डिनर बनाते हैं, क्योंकि हम लोग साथ मिलकर रहेंगे तब हो सकता है तुम दोनों की नज़दीकियाँ और भी ज़्यादा बढ़ जाए, और तुम ऐसे घबराना बिल्कुल बंद करो, समझी, ये नॉर्मल सी आदत है। तो अब ये खाना बनाना शुरू करने वाले थे लेकिन एरिका और साची को तो खाना बनाना का बिल्कुल भी आइडिया नहीं रहता है क्योंकि उन लोगों ने कभी किया नहीं रहता है, मगर नागी ने किया रहता है। तो वो दोनों को बता रहा होता है कि देखो किस तरीके से खाना बनाना है, मगर यहाँ गड़बड़ हो जाती है। वो साची को कहता है कि तुम इससे दूर हट जाओ, ये एकदम पागल लड़की है, कहीं चाकू तुम्हारे ऊपर ना मार दे। तो वो अब यहाँ पे एरिका की मदद करने के लिए जाता है और बताता है कि देखो इस तरीके से काम किया जाता है, साची ने कभी सिंक में काम नहीं किया रहता है तो इसने पानी खुला छोड़ दिया रहता है, तो अब वो उसकी मदद कर रहा होता है। तो वो दोनों की एक एक करके मदद कर रहा होता है, मगर बात ये रहती है कि दोनों ने कभी खाना नहीं बनाया रहता है तो दोनों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा होता है, और ये बार बार दोनों की कन्फ्यूजन को एकदम क्लियर कर रहा होता है कि किस तरीके से खाना बनाना है और कैसे बनाना है। फाइनली खाना बन गया रहता है, हालांकि पहले इन लोगों ने खाने की बुराई की रहती है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल रहता है, लेकिन बाद में ऐसे खा रही होती है जैसे कि क्या ही बोला जा सकता है। वो लोग कहती है कि अरे देखो इसमें क्या ही दिक्कत वाली बात है, मतलब खाना बन गया है तो खाने को क्यों वेस्ट करना है, खाया जाए बड़े आराम से। नागी सोच रहा होता है कि दोनों बिल्कुल एक जैसी हैं और हो क्यों ना, आखिर दोनों बहनें ही तो हैं। तो यहाँ पे वो उनके बारे में कह रहा होता है कि तुम दोनों बहुत हद तक एक ही जैसे हो, मतलब पूरा एकदम सेम टू सेम। सो अब यहाँ पे एरिका डिसाइड करती है कि वो अपनी प्यारी बहन को अपने कमरे में लेके जाएगी और उसे बताएगी कि आखिर वो उसके लिए क्या सरप्राइज लेके आई है। साची भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहती है क्योंकि उसके लिए नया ड्रेस था, तो इसने कभी भी ऐसा ड्रेस नहीं पहना हुआ रहता, लेकिन एरिका कहती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही हो। साची सोचती है कि पता नहीं नागी इसके बारे में क्या सोचेगा, वो कहती है चिंता मत करो नागी को भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और फिर साची कह रही होती है तुम दोनों तो 2 हफ्तों से साथ में थे, तब वो उसे सारी बातें बता देती कि हम दोनों साथ में थे लेकिन हम दोनों बिल्कुल भी क्लोज नहीं थे। यहाँ पर साची कहती तुम दोनों की इंगेजमेंट होने वाली है ना, तब वो बताती है कि नहीं मुझे उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और इंगेजमेंट मैं नहीं करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर वो उसे सारी बातें एकदम साफ साफ बता देती है कि देखो हम लोग बस ऐसे ही रह रहे हैं ताकि हमारे मॉम डैड को लगे कि हम लोग में कंपैटिबिलिटी बिल्कुल नहीं है, इसीलिए हम लोग बस ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं। सो उसके बाद वो नागी को दिखाने के लिए लाती है कैसी लग रही है, तभी एकदम देख के डर गया रहता है, कह रहा होता है कि अरे बाप रे ये कौन है इतना ज़्यादा क्यूट, और फिर वो उसे बहुत मारती है साची कि बताओ इतना अच्छा बन के आई हूँ और इतने गंदा बेइज्जती यहाँ पे कर दिया जाता है तो क्या किया जा सकता है। और फिर यहाँ पे जब साची आती है तो मॉम पूछती है तो तुम्हें कैसा लगा, सो यहाँ पे साची बताती है कि मुझे वहाँ जाकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सारी चीज़ें के बारे में नहीं बताती, कुछ कुछ चीज़ें छुपा लेती है, और सच बोलूँ तो इसे भी एरिका धीरे धीरे पसंद आ रही थी, रहती खुद की बड़ी बहन है लेकिन जो हमारा नागी है
वो भी तो इसका एक तरीके से भाई। आज सुबह नागी स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा होता है, तो वो कहता है कि मेरा मन नहीं है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। लेकिन एरिका कहती है कि तुम कैसे स्कूल नहीं जाओगे, तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा। वो कहता है कि तुम भी तो कभी कभार स्कूल नहीं जाती हो जब तुम्हारा मन नहीं करता, चलो आज हम दोनों साथ में घर ही में रहते हैं, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन वो उसे जबरदस्ती भेज रही होती है और कहती है कि नहीं तुम्हें स्कूल जाना ही पड़ेगा, कमबख्त बच्चे। अब वो उसे जबरदस्ती स्कूल भेज रही होती है, नागी को जाने का बिल्कुल भी मन नहीं रहता और ये स्कूल टाइम से अभी भी एक घंटा पहले ही स्कूल जा रहा होता और सोच रहा होता है कि ओह मुझे स्कूल नहीं जाना है, बहुत ही फालतू लगता है। और ये रात भर सो नहीं पाया था क्योंकि ये हीरो के बारे में याद कर रहा होता है कि मैं उससे नजरें कैसे मिला पाऊंगा, कहीं वो ऐसा तो नहीं चाहती है कि मैं उसे उसकी शादी से भगा दूँ, इसलिए उसने मुझे ये बात बताई थी। ओ पता नहीं मैं ये क्या क्या सोच रहा हूँ, लेकिन मैं उससे बात किस तरीके से करूँगा, अब तो मैं उससे बात भी नहीं कर सकता हूँ, ना ही मेरा कोई मोटिवेशन है, अब मैं उससे किस तरीके से बात करूँगा। तो यही चीज़ सोचते सोचते हमारा नागी पूरे ट्रेन में ऐसे ही जा रहा होता है और बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। लेकिन जब ये जाता है तो इसे हीरो मिल चुकी रहती है। हीरो सुबह सुबह लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए आई रहती है और ये दोनों एक घंटा पहले आए रहते हैं, तो कोई भी अभी नहीं आया हुआ रहता है। और ये कहती है कि मैं तुम्हारे टेक्निक्स के बारे में स्टडी कर रही थी कि तुम किस तरीके से पढ़ते हो और तुमने टॉप किया। हीरो यहाँ पे सोच रहा होता है हमारा नागी कि ओ कहीं से मुझ में इंटरेस्ट तो नहीं, और फिर ये मुझसे प्यार कर बैठेगी, ओ माय गॉड, फिर मैं इसे सारी चीज़ों के बारे में बता दूंगा और हम दोनों शादी कर लेंगे। लेकिन अब मैं क्या बताऊं इसे, मतलब कैसे बात करूं, अब तो मेरा कुछ रहा ही नहीं, मैं मोटिव ही नहीं रहा मेरा, मैं कैसे पढ़ाई करूं यार, अब तो बात भी नहीं करनी है, खैर छोड़ो ऐसे ही बिना मतलब का पढ़ाई कर लेता हूं और क्या। तो फिर यहां पर वो उससे कुछ अजीब अटपटे सवाल पूछने लगता है, जैसे ब्लड ग्रुप क्या है, पाप का नाम क्या है, माँ का नाम क्या है, घर कहाँ पर है, क्या क्या, तो बहुत ही अटपटे सवाल रहते हैं, फिर भी वो सारा जवाब देती है। जब वो उठता है तो क्या होता है कि गलती से पैर टकरा जाता है और वो नीचे गिर गया रहता है। यहाँ पर उसकी स्टैम्प कलेक्शन वाला बुक निकल गया बाहर रहता है, तो वो तुरंत ही उस बुक को छुपा लेता है हीरो से। तो नागी कहती है कि तुम्हें भी स्टैम्प्स कलेक्ट करने का शौक है? असल में स्टैम्प्स कलेक्ट करने का शौक मुझे भी है और मेरे पास भी एक बुक है जहाँ पे वो स्टैम्प कलेक्ट करती है और उसे बताती है कि मेरे पास बहुत सारे स्टैम्प्स हैं, जैसा कि तुम देख सकते हो मुझे स्टैम्प कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा पसंद है। और नागी सोच रहा होता है कि ओ माय गॉड, हम दोनों का इंटरेस्ट काफ़ी सेम है, हीरो को भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा होता है। तभी वो बताता है कि मेरी मॉम को स्टैम्प कलेक्ट करने का शौक है, वो कहती है लाओ बुक दिखाओ, उसे एक बहुत ही रेयर स्टैम्प यहाँ पे मिलता है। वो कहती है कि मैंने भी इसे ढूंढने की कोशिश की थी लेकिन ये मुझे मिला नहीं था। फिर वो कहता है कि हाँ मेरी मॉम को कलेक्ट करने का शौक है तो उनके साथ साथ मेरे पास भी होगा। और फिर ये बताता है कि मेरे पास लगभग 48 स्टैंप है और वो बताती है कि उसके पास 188 लगभग कुछ ऐसे स्टैंप है। तो यहाँ पर भी इनका कॉम्पिटिशन होने लगता है जहाँ पर वो जीत गई रहती है और वो कहता है कि ठीक है मैं साल भर में तुम्हें हरा दूंगा। लेकिन वो कहती है कि इतनी जल्दबाजी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम लोग के पास बहुत ज़्यादा टाइम है, तुम चाहो तो आराम से कर सकते हो लेकिन तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। तो अब यहाँ पर वो जाने लगता है तो कहती है कि अगले दिन भी तुम आओगे क्या, ऐसे पढ़ाई करने में तुम्हारे साथ काफ़ी मज़ा आ रहा है, एक घंटा हमारे पास टाइम रहेगा। जब हीरो इतने प्यार से नागी से बात कर रही होती है तब इसका एकदम मन डोल जाता है और सोच रहा होता है कि मैं उसे भगा दूंगा, मैं उसे अपने लव के बारे में बता दूंगा जिससे मेरे साथ शादी होने वाली, फिर हम दोनों भाग के शादी कर लेंगे। टीचर बता रहे होते कि आज नई स्टूडेंट यहाँ पे आने वाली है, तो नई ट्रांसफर स्टूडेंट कोई और नहीं बल्कि हमारी एरिका रहती है। सारे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं सिवाय हमारे नागी के, वही सबसे ज़्यादा हैरान रहता है। सो बाहर में वो उसे छुप छुपाते पूछ रहा होता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तब वो बताती है कि देखो मैंने जब ये फोटो ली थी ना तो ये फोटो मैंने इंस्टाग्राम पे गलती से अपलोड कर दी थी और फिर डिलीट कर दिया, लेकिन एक बच्चे ने देख लिया और उसने मेरे प्रिंसिपल को बता दिया। हमारा गर्ल्स स्कूल है तो वहाँ पर इसके लिए बहुत ज़्यादा सख्त सज़ा मिलती है और उन्होंने मीटिंग भी रखी थी लेकिन तुम्हारा फीवर था तो उस दिन मैं जा नहीं पाई थी और इसी की वजह से मुझे स्कूल से बाहर निकाल दिया गया और फिर मेरे फादर ने ट्रांसफ़र तुम्हारे स्कूल में करवा दिया। सो यही बात है। तो यहाँ पे सारी की सारी गलती नागी की रहती है क्योंकि ना अगर वो उस दिन बीमार नहीं पड़ता। वो कहता है लेकिन तुम्हारे दोस्त, तब वो बताती है कि नहीं मेरा वहाँ पे कोई भी दोस्त नहीं है, मेरे कोई भी दोस्त नहीं है और तुम समझे ज़्यादा तेज़ बनने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो और तुम्हारी गलती है ये सब चीज़, तुम्हारी वजह से मुझे स्कूल में आना पड़ा है। तो अब बेचारा क्या करता, वैसे भी वो बहुत ज़्यादा फेमस रहती है और सब उसके एकदम फ़ैन रहते हैं लेकिन कोई भी इतनी हिम्मत नहीं रहता है कि उससे जाकर बात कर सके, सब उसे ही देख रहे होते और वो चुपचाप बैठी हुई रहती है। एक बंदा आता भी है बात करने के लिए लेकिन वो उसे रिजेक्ट कर देती है और वो समझ चुका रहता है कि इसका कोई भी दोस्त नहीं है, वैसे इसमें सारी गलती मेरी ही है। तब वहाँ पे आ चुकी रहती है हमारी हीरो और वो कहती है मैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव हूँ, आओ मैं तुम्हें क्लास घुमा देती हूँ। तो एरिका उससे काफ़ी अच्छी तरीके से बात कर रही होती है और हीरो से क्लास घुमा रही होती है, लेकिन अचानक से इसके दिमाग में याद आता है कि ओ माय गॉड, अगर उसने बता दिया, हीरो ने अगर उसे बोल दिया कि मैंने उसे प्रपोज किया था हीरो को, तब एरिका क्या सोचेगी, क्योंकि एरिका से तो मेरी इंगेजमेंट होने वाली है, नहीं ऐसा नहीं होने दे सकता। तो वो उन दोनों का पूरा पीछा कर रहा होता है कि जहाँ भी अगर उसे मौका मिले तो वो एरिका को बोल दे कि उसे हीरो से बात नहीं करना है, मतलब कोई भी बहाना बना के बोल दे। मगर इसे बिल्कुल मौका नहीं मिल रहा होता है क्योंकि क्लास का जितने बच्चे रहते हैं सब लोग एकदम उनके पीछे रहते हैं और हीरो एकदम एरिका के साथ चिपकी हुई रहती है भाई, एकदम छिपकली की तरह। वो सोचता है कि मुझे यहाँ पे नोट बना के उसे फेंक देना चाहिए, वो पढ़ लेगी।
लेकिन यहाँ पर वो नहीं फेंक सकता था क्योंकि सारे के सारे स्टूडेंट्स अभी भी एरिका को ही देख रहे होते हैं। गार्डन में भी छुप के जाता है, बहुत जगह छुप के जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे सब सभी मिल जाते हैं क्योंकि सब लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं, उसे मौका नहीं मिलता। और जब गर्ल्स चेंजिंग रूम में वो लोग चेंज कर रहे होते हैं, अरे नहीं नहीं वो अंदर नहीं घुसा था, वो बाहर से इनकी बातें सुन रहा होता है और सोच रहा होता है कि कहीं हीरो उसे बता ना दे, बिल्कुल ना बताए। अचानक से एरिका खिड़की खोल दिए क्योंकि उसे लगा था कि कोई झांक रहा है, लेकिन नहीं कोई नहीं झांकता है। वैसे झांक तो रहा था और ये छुप गया रहता है। हमारी जो एरिका रहती है वो स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छी रहती है और नागी सोचता है कि ये भी स्पोर्ट्स में अच्छी है, होगी क्यों नहीं, मेरे माँ बाप का खून जो इसके अंदर है। वैसे टेक्निकली वो उसी के माँ बाप हैं और समझ सकते हो ना, बहुत ही कन्फ्यूजन है। सो इसके बाद अब स्पोर्ट्स के बाद फाइनली वो उससे बात करने जाता है, बॉल आके लग चुकी रहती है, पूरा स्कूल का टाइम खत्म हो गया रहता है, बेचारे ने एक बार भी बात नहीं की रहती है, तो सोचता है मेरा प्लान फेल, मैं गया भाई, कहीं वो गलती से अपना मुंह ना खोल दे, अब मैं क्या करूं, मुझे अभी भी देखना पड़ेगा। तो वो उसे पीछा कर रहा होता है और फिर अचानक से यहाँ पे हीरो को काम याद आता है, तो वो थोड़ी देर के लिए चली गई रहती है। वो जाता है लेकिन फिर छुप जाता है और सोचता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, एरिका ने कभी भी मुझे अपने दोस्तों के बारे में नहीं बताया क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं है, और वो हीरो के साथ इतनी अच्छी तरीके से बर्ताव कर रही है, उसने पहली बार कोई दोस्त बनाया है, मुझे नहीं लगता है मुझे उसका ये मोमेंट ख़राब करना चाहिए। सो इसलिए वो मोमेंट ख़राब नहीं करता, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब हीरो आती है तो वो यहाँ पे रो रही होती है। नागी देखता है कि आखिर ये हीरो यहाँ पे रो क्यों रही है, और वो समझ जाता है कि पक्का एरिका ने कुछ गड़बड़ की है, तो वो आके माफ़ी मांगता है, कहता है कि माफ़ करना एरिका, गुस्से में थोड़ा बहुत बोल देती है लेकिन वो दिल की बहुत ज़्यादा अच्छी है। एरिका उसे समझा रही होती है कि नहीं नहीं देखो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। बात ये रहता है कि जो हमारी हीरो है वो एरिका की बहुत बड़ी फ़ैन रहती है और वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रही होती है उसके सामने में। फिर वो पूछती है कि ये देखो मैं इसकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, इसके सारे फोटोज़ बहुत अच्छे हैं, खास करके ये पानी वाला फोटो तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। नागी कहता है मुझे लगता है कैमरामैन इसमें बहुत ज़्यादा ही अच्छा उसने तस्वीर खींचा है। वो कहती है हाँ लेकिन फिर भी ये जो भी ड्रेस पहनती है बहुत ज़्यादा अच्छा है, वैसे तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो। एरिका बोलती है कि ये भी तुम्हारी तरह मेरा बस एक फ़ैन है और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर अब दोनों के बीच में अलग ही कॉम्पिटिशन होने वाला था, जहाँ पे हमारी हीरो कहती है नागी से कि मैं तुमसे ज़्यादा बड़ी फ़ैन हूँ इसकी और इसके करीब बिल्कुल भी मत जाना। अब यहाँ पे प्रॉब्लम बहुत बड़ी आ चुकी रहती है, क्या ही किया जा सकता है। वो कहती है कि अरे ज़रा सुनो, लेकिन फिर भी हीरो पीछे मुड़ती है और कहती है कि आखिर तुम दोनों क्या बात कर रहे हो, वो बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ती है। अब घर जाते वक्त वो उसे सुबह के इंसिडेंट के बारे में बताती है कि इसने पढ़ाई की थी, तो एरिका कहती है कि मेरा पढ़ाई में तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता, मैं तो दिमाग ही नहीं चलता है पढ़ाई में, मैं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। तब हीरो कहती है कि मैंने और नागी ने फैसला किया था कि हम स्कूल से एक घंटे पहले पढ़ाई करेंगे आगे, तुम भी हमें ज्वाइन क्यों नहीं करती हो, बताओ क्या कहना है तुम्हारा इसके बारे में। अब एरिका यहाँ पे क्या ही कह सकती थी, उसके पास हाँ कहने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं था क्योंकि हीरो बहुत ही अच्छी थी और वो काफी अच्छे से पेश आती थी, तो यहाँ पर वो उसे हाँ कह देती और आने के लिए रेडी थी। फाइनली एरिका को बता देता है कि वो हीरो को पसंद करता है, उसने हीरो के बारे में सारी बातें बता दी थी, जो भी हुआ था प्रपोज किया था, लेकिन ये नहीं बताता है कि हीरो की शादी फिक्स हो चुकी है, उसका पहले से इंगेजमेंट हो गया है। तो यहाँ पे एरिका को एकदम अचंभा हो रहा होता है, कह रही होती है कि मुझे यकीन नहीं होता है कि तुमने किसी को प्रपोज किया, लेकिन तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। वो कहता है तुम मेरी मदद क्यों करोगी। तब एरिका कहती है कि देखो वो एक लड़की है और एक लड़की ही दूसरी लड़की को अच्छी तरीके से समझ सकती है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने वाली हूँ। नागी सोचता है कि ये क्या ही मेरी मदद करेगी, तो कहती है कि टेंशन बिल्कुल भी मत लो, मैं यहाँ से सारी चीज़ें संभाल लूंगी। अब अगले दिन स्कूल जाना रहता है, तो वो कहती है कि हम दोनों साथ में नहीं जा सकते हैं क्योंकि अगर हम दोनों साथ में गए और किसी ने देख लिया तो सब लोग समझ जाएंगे हम दोनों साथ में रह रहे हैं। तो इसीलिए उसके पास एक अलग ही आइडिया आता है, वो यहाँ पे टैक्सी को बुला लेती है और जो हमारा नागी रहता है वो पैदल स्कूल चला जाता है, लेकिन फिर भी उससे पहले पहुंच जाता है। इसी चीज़ को लेकर दोनों में बहस होती है, तब तक हीरो आ जाती है और कह रही होती है कि तुम दोनों साथ में थे क्या। तब एरिका कह रही होती कि नहीं हम लोग साथ में नहीं थे, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तब तक नागी तुमसे पहले आ गया इसीलिए। और फिर हीरो कहती है तो अच्छा ये बात है। सो इसके बाद अब इनके बीच की जितने भी कन्फ्यूजन रहती है सारी दूर हो जाती है और हीरो कहती है कि मैं इसकी ज़्यादा अच्छी दोस्त हूँ। और फिर ये लोग क्लास में चले जाते हैं जहाँ पर हमारी एरिका है वो चली गई रहती है। अब ये सोच रहा होता है कि एरिका ने मुझसे कहा था कि वो मेरी मदद करेगी, लेकिन वो कहाँ पे चली गई। तब तक एरिका को हमें दिखाया जाता है जो कि लव वाले ड्रेस में पहन के आ चुकी रहती है, और यहाँ पे वो ड्रेस पहन के आती है और हमारे नागी की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रही होती है, बहुत ज़्यादा कुछ तारीफ में बोल देती है कि वो इतना अच्छा फाइटर है, इतना अच्छा कुक है। एरिका कहती है कि मैं उससे ज़्यादा अच्छी हूँ सारी चीज़ों में, और हाँ मैं तुम्हें बता दूँ कि मैंने इससे ज़्यादा अच्छे नंबर भी लाए हैं, तो मैं इससे बेहतर हुआ। वो कह रही थी कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया नागी। वो कहता है तुमने मेरी बात कभी सुनी ही नहीं। तो अब इसके बाद दोनों एकदम नॉर्मल बैठ जाते हैं, जहाँ पर जो हमारी हीरो रहती है उसे कुछ अलग लग रहा होता है इन दोनों के बीच में। सो वहाँ पे वो पूछ रही होती तुम किससे पढ़ना चाहोगी, फर्स्ट आने वाले से या फिर सेकंड आने वाले से। एरिका कहती है फर्स्ट आने वाले से, तो वो उसे पढ़ा रही होती है। तो थोड़ी देर के बाद हमारा नागी उससे कह रहा होता है तुम ऐसे करते रहोगी तो हमारे स्कूल में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगी क्योंकि हमारे स्कूल के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हार्ड हैं। लेकिन एरिका कहती है कि टेंशन मतलब मैं सारी चीज़ों को कवर कर लूँगी, मैं इतनी भी ज़्यादा भोंदू नहीं हूँ कि मैं सारी चीज़ों को कवर ना कर पाऊँ। फिर भी वो उसे कहता है कि तुम्हें थोड़ा सा देखना चाहिए। अब यहाँ पर एरिका गुस्सा आ रहा होता है,
लेकिन जो हमारी हीरो रहती है कहती है कि लगता है तुम दोनों बहुत क्लोज हो। वो लोग कहते हैं कि अरे नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तब हीरो के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहती है कि मैं तुम्हारे घर चलना चाहूंगी एरिका चैन। अब मना भी नहीं कर सकते थे, मना कर देते तो उसे दुख लग जाता, इसलिए हाँ कह देती है। लेकिन यहाँ पर बंदे ने दिमाग लगा लिया रहता है, इसने हीरो को एरिका के असली घर भेज दिया रहता है और खुद वही वाले घर में रहता है जहाँ पर ये और एरिका रह रहे थे। तो दिमाग अच्छा लड़ाया रहता और घर में लंगे पुंगे अकेले ये रहना चाहता था क्योंकि बहुत दिन हो गया था और ऐसे रहने में मजा भी तो आता है ना। लेकिन अचानक से वो छुप जाता है क्योंकि एरिका और हीरो यहाँ पे आगे रहते हैं। असल में एरिका के घर में कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है इसलिए उसे यहाँ पे लेके आना पड़ा। और वो टेक्स्ट में उसे मैसेज भी कर रही होती है, कहती बेवकूफ कहीं कि मैंने आने से पहले तुम्हें कॉल किया था लेकिन तुमने कॉल ही नहीं उठाया, तो अब इसमें मेरी क्या ही गलती है। नागी तो बहुत ही बुरा फंस गया रहता, अब करे तो क्या करे, उसे किसी तरीके से अपने सारे सामान को छुपाना पड़ेगा वरना देख लेगी हीरो तो क्या होगा। तो अब वो एक कमरे में जाती है और यहाँ पे हमारे नागी को मौका मिल चुका रहता है। तो वो अपनी सारी चीज़ों को यहाँ से समेट रहा होता है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी समेटने की कोशिश कर रहा होता है। और फिर ये जा रही होती है हमारे हीरो के कमरे में जाने की कोशिश करती है, लेकिन ये कहता है कि मुझे थोड़ा सा और वक्त चाहिए। एरिका कहती है तुम उस कमरे में नहीं जा सकती हो, वहाँ पर थोड़ा प्राइवेट वाला चीज़ है तो तुम वहाँ पर नहीं जाओगी। आगे हमें दिखाया जाता है कि ये यहाँ पर छुपा हुआ रहता है और एरिका हीरो को वहाँ साइड में लेके गई रहती पूल के पास में, तब ये एकदम अच्छा मौका रहता है। लेकिन अचानक से क्या होता है, पैर फिसल के गिर जाता है। हीरो को आवाज़ आ जाती है कि अरे ये क्या, मुझे लगता है कि धड़ाम से वहाँ पे गिरने की कुछ आवाज़ आई है। तभी एरिका जो रहती है जानबूझ के उसे पूल में धक्का दे देती है और कहती है कि ओ प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। हीरो कहती है कि नहीं, तो इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, और फिर उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रही होती है। तभी एक वहाँ पे बिल्ली होती है, एरिका सारा इल्ज़ाम बिल्ली पे डाल देती है। अब ये यहाँ पे अपने कमरे में रहता है, सारी चीज़ें एकदम सेफ हो गई थी। तभी वो सुनता है कि ये लोग कुछ बात कर रहे थे झाड़ियों में से आवाज़ आने की। असल में ये जो लड़के रहते हैं ये यहाँ पर इन्होंने एरिका का घर ढूंढ लिया रहता है, इन्होंने फोटो की मदद से ढूंढा हुआ रहता है क्योंकि इस घर का बैकग्राउंड फोटो के बैकग्राउंड से सेम मैच कर रहा था। और ये जाने वाला रहता है लेकिन तब तक नागी बीच में आ चुका रहता है। वो कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ, लेकिन हमारे नागी भैया बहुत बड़े गैंगस्टर रहते हैं कि पंच में ढेर कर देते हैं। जब ये दोनों आवाज़ें सुनती है तो दोनों बाहर निकल के देखती है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं रहता है क्योंकि नागी ने सबको पहले ही यहाँ से भगा दिया रहता है। और सोचता है कि ये तो बहुत ज़्यादा ही क्लोज था। मगर फिर उसके बाद हीरो कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं यहाँ से चलती हूँ, तुमने मेरा बहुत ही अच्छा ख्याल रखा, मुझे कपड़े भी दिए। और ये दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स बन चुके रहते हैं और नागी एकदम चुप के देख रहा होता है। तब तक उसे नागी की स्टैम्प बुक दिखाई दे देती है और कहती है कि ये स्टैम्प बुक उसकी क्या कर रही है। रिका कहती है कि वो मुझे स्टैम्प बुक अच्छी लगी तो उसने मुझे कुछ दिन के लिए दी है। लेकिन हीरो को विश्वास नहीं हो रहा था कि नागी जैसा कंजूस बंदा आखिर कैसे किसी को कोई सामान दे सकता है। रिका कहती कि नहीं, वो अच्छा दोस्त है, दिल का बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसलिए उसने मुझे स्टैम्प बुक दे दी। तभी हंसते हुए कह रही होती कि अच्छा ऐसी बात है, नागी बहुत ही अच्छा है, ठीक है अब मैं चलती हूँ। तो उसके बाद वो चली जाती है यहाँ से। अगले दिन हीरो ने इन दोनों को घर पढ़ने के लिए बुलाया रहता और पहली बार नागी भी उसके घर आया रहता। उसे पता नहीं रहता है कि उसका घर एक श्राइन के अंदर है और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है इसे इन कपड़ों में देख के, श्राइन वाले कपड़ों में देख के। नागी तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता है। नागी सोचता है कि मुझे यहाँ से स्टैम्प कलेक्ट कर लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पर अलग अलग स्टैम्प भी मिलेंगे और मुझे हीरो को स्टैम्प में भी तो हराना है ना। सो वो चला जाता है स्टैम्प कलेक्ट करने के लिए, लेकिन यहाँ पर हीरो ही उसे स्टैम्प देने वाली रहती है। वो कहता है लेकिन तुम्हारी तो हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा घटिया है, आखिर तुम स्टैम्प कैसे बना सकती हो। वो कहती मेरा पेन से अच्छा नहीं है लेकिन ब्रश से बहुत ही अच्छा बनाती है वो। और अब ये लोग यहाँ इसके घर में आ चुके रहते हैं और जहाँ पे उसकी मॉम आती है और दोनों लड़कियों को केक देती है और हमारे नागी को स्पेशल चॉकलेट देती है। वो कहता है कि इन दोनों के हिस्से में केक और मुझे चॉकलेट क्यों मिला। तो फिर जो एरिका रहती है वो बाथरूम के लिए चली गई रहती है और अभी तक आई नहीं रहती है। तो हमारी जो हीरो रहती है वो यहाँ पे इससे खुल के बारे में बात करती है और बोलती है कि मेरी इंगेजमेंट हो चुकी है। वो कहता है क्या तुमने सारी बात एरिका को बताई। वो कहती है कि नहीं, मैंने एरिका को यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया, देखो वो बहुत ही नाजुक दिल की और मुझे नहीं लगता कि वो इतना बड़ा बर्डन अपने कंधों पर सह सकती है कि अगर उसे पता चल गया कि मेरी इंगेजमेंट हुई है। तो वो कहता है तुम मुझे क्यों बता रही हो, देखो मुझे ऐसा लगता है कि तुम कोई ऐसे इंसान हो जो मेरे कंधों के ऊपर से अपना बोझ उठा सकता है। तो अब यहाँ पर इसे समझ में आ रहा होता है कि आखिर वो इससे क्या कहने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन नागी अभी भी कंफ्यूज रहता है क्योंकि उसने पूरी तरीके से खुल के यहाँ पर उसे नहीं बताया हुआ रहता है। मुझे तो लगता है कि ये भी हमारे नागी को पसंद करती है। तब तक जो एरिका रहती है वो वहाँ पे आगे रहती है श्राइन वाले कपड़ों में और फिर ये तीनों मिल के बहुत ज़्यादा मज़े कर रहे होते हैं, खास करके वो दोनों लड़कियाँ। और यहाँ पर जब ये घर आता है तब उस चीज़ के बारे में सोच रहा होता है कि क्या कहा था उस हीरो ने मुझसे कि मैं उसके कंधों पे से बोझ हटा सकता हूँ, आखिर उसके कहने का क्या मतलब था। ओह माय गॉड, मुझे दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करनी पड़ेगी और ये पूरा पढ़ाई करने लगता है। तब तक एरिका दरवाजे से आती है और कहती है कि तुम्हें ट्रिप पे जाना है। वैसे मेरे जाने के लिए यहाँ पर प्लान बनाया गया था लेकिन अब तुम्हें ट्रिप पे जाना है, समझे। मैं नहीं जाना चाहती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर हूँ और अमीर बाप की बेटी भी हूँ, कुछ हो गया मुझे तो तुम जाओगे गरीब कहीं के। वो कहता है कि मैं क्यों जाऊँगा, मुझे पढ़ाई करना है। लेकिन वो कहती है कि नहीं, तुम्हें जाना ही पड़ेगा, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने तुम्हारा नाम पहले ही लिस्ट में दे दिया है। अब ये सुन के वो एकदम चौंक चुका रहता है, क्या तुमने मेरा नाम पहले ही दे दिया है।
वो कहती है कि हाँ तुम्हारा नाम यहाँ पर पहले ही दिया जा चुका है, तो तुम्हें यहाँ पर फील्ड ट्रिप के लिए जाना पड़ेगा, तुम इसके लिए मना बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। और कैप्टन की पोजीशन यहाँ पे हमारे नागी को दी गई रहती है, तो वो बेचारा मरता क्या ना करता पहले से ही नाम दे दिया गया रहता है एरिका के द्वारा। और एरिका तो हंस रही होती है, कहती है मुझे लगता है तुम्हारा कोई दोस्त नहीं इसलिए तुम नहीं जाना चाहते। वो कहता है कि मेरे बहुत सारे दोस्त है समझी, और मैं ज़रूर जाऊँगा फील्ड ट्रिप पर। वो कहती है कि अच्छा ठीक है तुम जाओ, मैंने कुछ और सोचा है। आगे हमें दिखाया जाता है, ये सोच रहा था क्या मैं हीरो को अपने साथ चलने के लिए कहूँ, लेकिन वो तो बहुत पॉपुलर है, पहले ही बहुत सारे लोगों ने उससे कहा होगा। तब ये दोनों जब यहाँ पे बैठे हुए रहते हैं, तब हीरो को फील्ड ट्रिप के बारे में पूछता है और कहता है क्या तुम मेरी टीम में आना चाहोगी। वो कहती है हाँ। तो ये ऐसे आँख फाड़ के देख रहा होता है, सोच रहा था क्या इसने हाँ कह दिया, और काफी ज्यादा शर्मा गया रहता है। वो हीरो का नाम अपनी टीम में लिख देता है और बहुत ज्यादा शर्मा रहा होता है, क्योंकि उसे लगा था कि बहुत सारे लोगों ने हीरो को अपनी टीम में आने के लिए कहा होगा क्योंकि वो इतनी ज्यादा फेमस है, लेकिन ये सिर्फ मेरी टीम में आना चाहती है। आखिर इसका क्या मतलब है, सारे सिग्नल से एक ही तरफ जा रहे हैं। ओ माई गॉड, हमारा नागी अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा होता है, वैसे ये इस ग्रुप का लीडर भी तो रहता है। अब सोच रहा था कि हमें क्या करना चाहिए, हमें घूमने जाना चाहिए, स्टैम्प कलेक्ट करने जाना चाहिए। तब वो कहती है कि हम घूमेंगे, हम लोग वहाँ पर स्टैम्प कलेक्ट बिल्कुल भी नहीं करने वाले, हम लोग घूमेंगे। तो यहाँ पे वो हीरो की बात मान लेता है और कहता है कि ठीक है हम लोग सिर्फ घूमेंगे। अब बाहर निकलते तो बारिश हो रही होती है, मगर हमारे नागी के पास छाता रहता है। अब सोचता है कि मैं इसे स्टेशन तक छोड़ने जाऊंगा, इसके पास तो छाता नहीं रहेगा, लेकिन उल्टा हो जाता है, हीरो के पास छाता रहता है। फिर भी वो उससे पूछती है क्या तुम मेरे साथ स्टेशन तक चलोगे। अब हीरो तो मजे में जा रहा होता है, स्टेशन के पास तक जा रहा होता है और फिर उससे कह देता है कि आखिर मेरे कन्फेशन का क्या हुआ, वो तुम्हें तो स्मार्ट लड़के पसंद है ना, और मैं तुमसे इसलिए ज़्यादा नंबर ला रहा हूँ। तब तो वो कहती है कि देखो मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि मेरी इंगेजमेंट हो चुकी है और मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। इस कन्फेशन के द्वारा मैं किसी ऐसे शख्स को चाहती हूँ जो मेरी ज़िंदगी में आए, जो मेरी ज़िंदगी से मुझे बाहर निकाले, क्योंकि देखो मेरा सारा चीज़ पहले ही हो चुका है और मेरे मॉम डैड के जाने के बाद मुझे उस श्राइन को संभालना पड़ेगा। मुझे लगता है कि तुम वो इंसान हो जो मेरी किस्मत को बदल सकता है। अब घर आने के बाद खूब पढ़ाई कर रहा होता है क्योंकि अब उसने कह दिया कि तुम मेरी किस्मत बदल सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं कि एरिका आ गई रहती है। वो कहती है तुम इस लड़के को जानते हो क्या, ये भी हमारे साथ फील्ड ट्रिप पे चल रहा है, क्योंकि इसे पता चल गया है और प्रिंसिपल से विनती करके इसने कहा है कि इसे भी हमारी टीम में शामिल कर दिया जाए। अब ये लड़का भी इसके टीम में आने वाला है, इसका नाम शियोन रहता है, तो अब ये लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन एरिका के दिमाग में आइडिया रहता है, कहती है कि मैं शियोन का ध्यान रखूंगी, तब तक तुम और हीरो बहुत ही अच्छे से टाइम पास करना, अपना एकदम क्वालिटी टाइम स्पेंड कर देना, तुम ये सारी चीज़ें मेरे ऊपर छोड़ दो। इसे लग रहा होता है कि यह सही में ये मेरी मदद करेगी, लेकिन एरिका कहती है कि ज़रूर मैं मदद करूंगी, बहुत सारी फोटो खिंचवाऊंगी। तो अब ये लोग फील्ड ट्रिप पे जाने के लिए सब रेडी हो चुके रहते हैं। जो हमारा शियोन रहता है वो न्यूली मेंबर है और वो एरिका का फैन भी रहता है। तो यहाँ पर वो कहता है कि तुम ज़रा साइड में आना ना दोस्त, मुझे तुमसे कुछ अकेले में यहाँ पे बात करनी है। तो ये दोनों साइड में चले जाते हैं, जहाँ पे ये बताता है कि जब से मैंने एरिका को देखा मेरा दिल धक धक करने लगा और नीचे भी धक धक करने लगा, मुझे लगता है कि मैं उसी के लिए बना हुआ हूँ। देखो क्या तुम्हें उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना अगर मैं उसे प्रपोज कर दूँ तो। नागी कहता है कि यार मुझे क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें प्रपोज करना है तो तुम प्रपोज कर दो, मेरा इसमें कुछ भी नहीं जाता है। वैसे तुम ये सारी बातें मुझसे क्यों पूछ रहे हो। देखो मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो, ऐसा लगता है मुझे, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। नागी कहता है कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं उसके बिल्कुल भी क्लोज नहीं हूँ, हम लोग बस दोस्त हैं। सो इसके बाद वो एरिका की बहुत सारी तस्वीर खींच रहा होता है और हमारा जो हीरो और नागी रहते हैं वो दोनों अकेले में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, लेकिन नागी का पूरा ध्यान सिर्फ इन्हीं लोगों की तरफ रहता है क्योंकि ये तो यहाँ पे फोटो क्लिक करवा रही होती है अपने इंस्टाग्राम के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा ही फेमस होना चाहती थी। लेकिन ये कहता है कि चलो हमें वहाँ चलना है। एरिका कहती है कि तुम लोग जाओ, हम लोग बाद में आ जाएंगे। तब हीरो गुस्से में आता है और कहता है कि कहीं नहीं समझे, हमारे साथ में चलोगे क्योंकि मैं यहाँ का लीडर हूँ। और फिर वो आता है और इन लोगों को बोल रहा होता है कि तुम लोग हमारे साथ में ही चलोगे। हीरो देख रही होती है, कह रही है कि आप जब रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते तब भी उसका ध्यान वहीं पे रहता है। हीरो पूछ ही लेती है क्या हुआ, तुम उन्हीं पूरे टाइम से घूरे जा रहे हो, क्या कुछ बात है क्या। वो कहता है कि नहीं मैं ग्रुप का लीडर हूँ ना, इसलिए मैं उन पर ख्याल रख रहा हूँ और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे उसका थोड़ा मजाक भी बन गया रहता है हीरो के द्वारा। अब शाम हो चुकी रहती है, जहाँ पे हीरो कहीं गई रहती है और शियोन कहता है कि रुको मैं आता हूँ, तो शियोन भी कहीं गया हुआ रहता है। अब ये कहती है कि तुमने सारा प्लान खराब कर दिया, तुम्हें हीरो के साथ टाइम स्पेंड करना था, लेकिन तुम देखो हम दोनों यहाँ पर अब अकेले बच गए, वो दोनों वहाँ से चले गए हैं। सो अब यहाँ वो कहती है क्या तुम मेरी फोटो क्लिक कर दोगे। कहता है कि हाँ ठीक है अब मैं फोटो क्लिक कर देता हूँ, वैसे प्लान तो तबाही हो चुका है। सो वो मोबाइल लेता है हमारी एरिका का, उसका फोटो क्लिक करता है। वो कहती है कि बिल्कुल भी फोटो अच्छा नहीं आ रहा है। वो कहता है कि देखो इसमें तुम्हें दर्शाया जा रहा है कि तुम्हें हीरो की याद आ रही है, तुम इस फोटो में काफ़ी ज़्यादा उदास लग रही हो इसीलिए। और फिर वो उससे फ़ोन छीनने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन अचानक से एक सेल्फी आ जाती है, और जब भी ऐसा हुआ है तब सेल्फी बहुत ही बढ़िया आती है। वो कहती है कि तुम ऐसी सेल्फीज बहुत ही बढ़िया लेते हो, लेकिन अफसोस है कि मैं इसे पोस्ट नहीं कर सकती हूँ। नागी उससे पूछ लेता है तुमने कहा था कि तुम बहुत ज़्यादा फेमस होना चाहती हो क्योंकि तुम्हें किसी चीज़ तक पहुँचना है, क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर वो कौन सी चीज़ है जहाँ तक तुम पहुँचने के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही हो। वो कहती है कि अगर मैं तुम्हें ये चीज़ बता दूँ तो हो सकता है कि तुम्हारी किस्मत इससे बहुत ज़्यादा बदल जाए।
क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें वो बता दूं? नागी तो कहता है कि हाँ मैं जानना चाहता हूँ। वो कहती है कि ठीक है तो मैं तुम्हें बता। ट्रिप से वापस आने के बाद ये दिन भर सोच रहा होता है एरिका के बारे में ही, उसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है। तब तक इसकी बहन आ गई रहती है, कहती है कि मैं एरिका से मिलने के लिए आई हूँ, लेकिन एरिका तो अभी यहाँ पे रहती नहीं है। तो साची कहती है कि मैं तुम्हारे कपड़े पहनने के लिए जा रही हूँ। वो मना भी करता है, लेकिन फिर भी साची चली जाती है। कहती है कि तुम्हारे कपड़े पहनने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो फिर अब वो चली गई रहती है, और ये कहता है कि देखो मेरा दिमाग ज़्यादा यहाँ पे ख़राब मत करो। और फिर वो उसे कह रही होती है कि तुम अपना मुंह बहुत ज़्यादा चलाते हो, चलो जल्दी बताओ आगे तुम लोग के बीच में हुआ क्या, क्या तुम उससे लड़े थे? तभी उसे सारी बातें बता देता है, ट्रिप के बारे में भी वो सारी बातें बता देता है, जहाँ पर साची कहती है कि वो मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, वैसे मुझे इसमें ज़्यादा कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन मैं तुम लोग के साथ में रहना चाहती हूँ, मतलब देखो ये जगह कितनी ज़्यादा बढ़िया है। तब वो कहता है कि अच्छा, और फिर वो उसे बहुत सारी चीज़ें बता रही होती है, और ये भी उसे बहुत चीज़ें बता रहा होता है, लेकिन एरिका अभी तक आई नहीं रहती और बहुत ज़्यादा ही देर हो चुकी रहती है। तो अब जो हमारी साची रहती है, कहती है कि देखो अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, छोटी बच्ची बिल्कुल भी नहीं हूँ, ठीक। सो लास्ट में किसी भी तरीके से जो हमारा नागी रहता है वो सच उगलवाना चाहता था एरिका से कि आखिर वो क्यों इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही है और क्यों इतनी फेमस होना चाहती है। और फिर वो कहता है कि मैं उसके लिए खाना बनाऊंगा, लेकिन वो कहती है कि तुम उसके लिए तला हुआ खाना ही बनाओगे, वैसे वो खाना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाला है, ठीक है तो अब मैं यहाँ से चलती हूँ। तो एरिका यहाँ से चली गई रहती है, और अब वो साची भी अपने घर में आ गई रहती है। साची अब कहती है अपनी मॉम से कि मैं जा रही हूँ, मैं उन दोनों के साथ वहाँ पर रहने के लिए जा रही हूँ, लेकिन उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर ये लोग सुकून लगाते हैं और कह रहे होते नागी को कि वो तुम्हारे घर चली गई है। उसके डैड बहुत ज़्यादा रो रहे होते कि आखिर साची मुझे छोड़ के क्यों चली गई। तो अब यहाँ पर ये दोनों बहनें मिल चुकी रहती, और ये बताती है कि मैं अपना बहुत सारा सामान यहाँ पे लेके आई हूँ, और ये कह रहा होता है कि नहीं तुम यहाँ पे नहीं रह सकती हो, तुम्हें यहाँ पे नहीं रहने की इजाज़त है, मॉम ने कहा है कि तुम्हें घर जाना चाहिए। तब वो कहती है कि ये तुम्हारा अकेले का घर नहीं है, ये घर एरिका का भी है, समझे? एरिका कहती है कि ठीक है ठीक है, ये हमारे साथ कुछ दिन के लिए रह सकती है, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अब नागी यहाँ पे क्या ही कह सकता था, क्योंकि उसी की छोटी बहन जो रहती है तो यहाँ पे उसके पास कहने के लिए कुछ बिल्कुल भी नहीं रहता है। और अब वो कह रहा होता है कि ठीक है अगर ऐसी ही बात है तो तुम मेरे कमरे में सो जाओ, ठीक है, और यही तुम्हारे लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन वो कह रही होती है कि नहीं मैं तुम्हारे कमरे में बिल्कुल भी नहीं सोने वाली हूँ, क्योंकि वो कमरा बहुत ही ज़्यादा फालतू है, तो मैं वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं सोने वाली हूँ। और फिर दोनों में फिर से वापस से बहस हो चुकी रहती है। तो जो हमारी एरिका रहती है कहती है कि कोई बात नहीं तुम मेरे कमरे में सो जाना, आखिर इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरे कमरे में सो जाना, मेरी ही तो बहन हो। लेकिन फिर भी वो दोनों ऐसे लड़ रहे होते हैं। तो उसके बाद जो हमारी एरिका रहती है अपना दिमाग लड़ा रही होती, कहती है कि चलो मेरे कमरे में मैं तुम्हें पढ़ाई करवाऊंगी, लेकिन ये कहता है कि मैं हूँ यहाँ का टॉपर। अब टॉपर क्या करता है, टॉपर यहाँ पे खाना बना रहा होता है, लेकिन इसे भी चाहिए रहता है कि दोनों बहनें बहुत लंबे वक्त के बाद मिले, मतलब इतना साल तो थोड़ा टाइम स्पेंड करें। अब यहाँ पर जो हमारी एरिका रहती है वो कमरे में रहती है और कहती है बताओ अब तुम मुझे खुल के बताओ आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तब साची कह रही होती है कि मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी नागी को। एरिका कहती है क्या सच मुझ? वो कहती है कि हाँ, और जब से मैं तुम्हें पहली बार देखा था वहाँ पर तब मुझे लगा था कि तुम दोनों की इंगेजमेंट हो जाएगी, फिर मेरा भाई मुझसे दूर हो जाएगा, तो मैं बहुत ज़्यादा ही उसे मिस कर रही हूँ, मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना है, जितना भी ज़्यादा हो सके मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, बस यही मेरी इच्छा है और कुछ भी नहीं। एरिका कहती है कि तुम यहाँ पे रह सकती हो, और ये सारी बातें बाहर से ये सुन चुका रहता है। और फिर बचपन के सीन को हमें दिखाया जाता है जहाँ पे ये आगे बढ़ रहा होता है, और साची कहती है कि भैया मेरे लिए भी रुको। तब वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि ठीक है चलो मेरे साथ चलो। फिर ये अपने मॉम डैड को कॉल आके कहता है कि मैं उसकी पढ़ाई में मदद करूंगा, तो वो यहीं पे मेरे साथ रहेगी कुछ दिन। और उसके डैड कह रहे थे कि मेरी वजह से वो भाग गई है। सो सांची इन्हीं के साथ रहने वाली, और अगली सुबह वो उनके लिए ब्रेकफास्ट भी बना देती है। रिका कहती है कि वाह तुम तो सचमुच बहुत ही अच्छा कमाल का खाना बनाती हूँ, मैं भी अपने बहन का हाथ का खाना टेस्ट करना चाहती हूँ। लेकिन उससे पहले वो फोटो क्लिक करती है। तो अब तीनों यहाँ पर बैठ के खाना खा रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। वो कहती है कि चलो शॉपिंग पे चलते, ये मना कर देता है। तब एरिका कहती है ठीक है अगर शॉपिंग पे नहीं चलोगे तुम्हें उसी सोफा पे सोना पड़ेगा, मैं तुम्हारे लिए पिलो खरीदने की सोच रही थी। अब बेचारा क्या करता है, उसे शॉपिंग पे जाना पड़ेगा क्योंकि साची अभी उसके कमरे में सो रही होती है। और फिर आगे हम देखते हैं कि ये लोग शॉपिंग पे जाते हैं, जहाँ लड़के कह रहे होते कितनी क्यूट लड़कियाँ हैं, और फिर ये पूछती है साची से कि कितने लड़कों ने तुम्हें प्रपोज किया है। ये बात सुन के ये हैरान हो जाता है कि साची को बहुत लड़कों ने प्रपोज किया। फिर इसे याद आता है कि जब हम लोग मिडिल स्कूल में थे तब मेरे सारे दोस्त मुझसे पूछते थे मेरी बहन के बारे में और मेरे घर आना चाहते थे। ओह अब मैं समझ गया, तो वो सारे मेरा दोस्त बनने में इंटरेस्टेड नहीं थे, इसके पीछे पड़े हुए थे। अब मैं सारी बातें अच्छी तरीके से समझ गया, और उनमें से तो एक हमारे रेस्टोरेंट डेली आता था, तो ये बात है। ओ और फिर ये लोग एक जाते हैं लेकिन वहाँ पे उतना सारा सामान पसंद नहीं आता और बिल बना हुआ रहता है लगभग 3,500 का। तो यहाँ एरिका कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तुम्हें ही बिल पे करना पड़ेगा। तो सारा बिल हमारे नागी को पे करना पड़ता है और कोई भी काम का चीज़ नहीं निकलता है। जब वो बिल पे कर रहा था तब तक वो दोनों निकल गई रहती है कहीं और पे।
वो अपने आगे में देखता है कि बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई रहती है और सोच रहा होता है सब लोग यहाँ पे लड़कियों के बारे में बात कर रहे थे, दो लड़कियां वहाँ पे। उसे ऐसा लग रहा होता है कि कहीं उन दोनों का एक्सीडेंट तो नहीं ना हो गया, मुझे उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। फिर वो बाहर निकल के देखता है भीड़ से तो ये दोनों यहाँ पर केक खा रही होती है और पूछता है क्या हुआ है। तब वो लोग कहती है पता नहीं ये लोग हमें ऐसे घूरते क्यों जा रहे हैं, चलो अब हमारे वापस जाने का वक्त आ चुका है। और सब सोच रहे होते कि आखिर ये लड़का कौन है जो इन दोनों ब्यूटीफुल लड़कियों के साथ जा रहा है, किसी को पता नहीं रहता है लेकिन बहुत सुंदर रहती है। और फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि जो चीज़ उन्होंने खरीदी हुई रहती है उसका एक कार्डबोर्ड बनाते हैं और हमारी एरिका कहती है कि मैं अपनी बहन के साथ तस्वीर खिंचवाना चाहती हूँ। तो उसने टाइमर लगा दिया रहता है और सबसे लास्ट में हमारा नागी रहता है तो फोटो अजीब सा आया हुआ रहता है और ये कहती है साची कि ये हमेशा ऐसे ही करता है, इसमें कोई नई बात बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि नागी यहाँ पर हमारी एरिका से तो पूछना भूल ही क्या रहता है पिछली बात ट्रिप के बारे में, क्योंकि यहाँ पर साची आ गई थी और सारा प्लान बिगड़ गया था। अगले सुबह में दिखाया जाता है जब वो नहा के आती है तब ये बोलता है कि देखो मुझे तुम लोग की बहुत ज़्यादा परवाह है, मुझे हीरो की परवाह है, साची तुम्हारी भी परवाह है और एरिका तुम्हारी भी परवाह है। मैं जानता हूँ कि सबकी अपनी अलग अलग प्रॉब्लम्स है लेकिन मैं तुम लोग के बारे में और ज़्यादा जानना चाहता हूँ, मुझे पता है कि मैं अभी इसके लिए प्रिपेयर नहीं हूँ लेकिन मैं इसके बारे में और अच्छी तरीके से जानना चाहता हूँ। तो वो अपना पूरा इमोशन दिखा रहा होता है कि वो उनकी कितनी परवाह करता है, लेकिन यहाँ एरिका हंसने लगती है और कह रही होती है कि तुम भी ना, तुम्हारा ये साइड मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है। वो कहता है कि इसमें क्यूट वाली कौन सी बात है और वो सारी चीज़ें, और वो कहती है कि तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। आगे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ साची नहा के आती है लेकिन अचानक से क्या होता है कि उसका टावल नीचे गिर गया रहता है। नागी वहीं पर रहता है लेकिन नागी सोया हुआ रहता है, असल में साची उसे बोलने के लिए आई थी कि अब तुम नहाने के लिए जा सकते हो। तभी उसके मोबाइल में नोटिफिकेशन आता है डेट का कि आखिर वो किसके साथ डेट पे जा रहा है। और फिर अगली सुबह ये डेट के लिए रेडी होता है जहाँ पे हमें पता लगता है कि ये जा रहा है हीरो के साथ और कह रहा होता है कि मैं बहुत सारे स्टैम्प्स कलेक्ट करूंगा मजा आ जाएगा। ओ माय गॉड, मैं तो मस्त स्टैम्प कलेक्ट करूंगा हीरो के साथ, मजा ही आ जाएगा। तब तक वहाँ हीरो आ चुकी रहती है जो कि बहुत ब्यूटीफुल लग रही होती है और वो अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा होता है। तो हीरो कहती है कि कहाँ देख रहे हो, ओ ये मेरा कैजुअल आउटफिट है आराम के लिए पहना है। फिर उसे पता लगता है कि हम लोग तो अम्यूजमेंट पार्क में आए हुए हैं और यहाँ पे कपल्स के लिए हैवी डिस्काउंट भी मिलता है, तो वो टिकट मांगती है कपल्स के लिए और फिर बता रही होती है कि यहाँ कपल के लिए डिस्काउंट मिलता है। तो वो पूछता है क्या तुम हमेशा अकेली आती हो या फिर किसी के साथ, तब बोलती है कि आज मैं पहली बार तुम्हारे साथ यहाँ पर आई हूँ। तब ये सोचता है कि वो शांत हो जाओ ना ही, पक्का ये वही बात होगी। अरे नहीं, मुझे लगता है कि तुम मेरे टाइप के हो और तुम मेरे साथ चल सकते हो, इसीलिए चलो। तो अब यहाँ पे वो लोग घूम रहे होते हैं और इतनी सारी राइड्स ले रहे होते हैं, हालांकि बहुत बार ये लोग झूला झूलते हैं। और फिर यहाँ हमारे नागी सुपर सीन में बदल गया रहता है लेकिन सुपर सीन जीरो रहता है ये। फिर वो कह रही होती है मुझे माफ़ करना, कभी मेरा मन करता है कुछ भी करने का तो मैं पागल हो जाती हूँ और मैं ऐसे ही राइड कुछ भी कर लेती हूँ, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं रहता है। वैसे तुम मेरे साथ अभी तक बने हुए हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। नागी कहता है कि अरे नहीं ये तुम क्या कह रही हो। तो उसके बाद वो लोग चले जाते हैं एक मिरर वाली जगह पे जहाँ पे बहुत सारे मिरर्स रहते हैं, तो एकदम भूल भुलैया टाइप का रहता है। और गलती से क्या होता है कि अंदर चला जाता है तो और भी मिरर रहता है और यहाँ पे इसका पैर फिसल जाता है, ये जाके किस कर लेता है। वो फिर एकदम माफ़ी भी मांगने लगता है, कह रहा होता है कि मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया हीरो, लेकिन हीरो कहती है कि वो नकली है, प्रोजेक्शन है, असली वाली तो यहाँ पर है। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसे गुस्सा आ रहा होता है, ये टेक्स्ट कर रही होती है लेकिन वो टेक्स्ट उठा नहीं रहा होता है। तब तक एरिका आती है और फिर साची एरिका को बताती कि वो डेट पे गया है ना, एरिका कहती कि हाँ। और फिर ये अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रही होती, कहती कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। एरिका कहती तुम उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रही हो इसलिए तुम्हें गुस्सा आ रहा है ना। साची कहती कि हाँ इसलिए मुझे बहुत ज़ोर से गुस्सा आ रहा है, मैं उसे मारना चाहती हूँ, मैं उसे कूट कूट के मारना चाहती हूँ, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, ऐसे ही मारना चाहती हूँ ऐसे ही। आगे हम देखते हैं कि ये लोग अभी भी झूला झूल रहे होते हैं और यहाँ नागी की हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन फिर यहाँ पर ये आगे रहते हैं बेसबॉल वाले में जहाँ पर एरिका पहली बार आई हुई रहती, उसे नहीं पता रहता इन सभी चीज़ों के बारे में। साची कहती तुम बहुत ही अमीर बाप की बेटी हो, तुम्हें इसके बारे में नहीं पता। तो ये लोग यहाँ पे मज़े कर रहे होते, वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रही होती है। अब एरिका की बारी होती है, साची उसे कहती है स्लो करना लेकिन वो स्लो नहीं करती और एक भी बॉल हिट नहीं कर पाती है। उसके बाद ये बाथ में आती है और बाथ हाउस में बहुत ज़्यादा गर्म पानी रहता है, तो यहाँ पे ये मज़े कर रही होती है जहाँ पर हमारी एरिका बताती है कि किस तरीके से वो भी टाइम स्पेंड करना चाहती है, मतलब अपनी फैमिली के साथ। साची कहती तुम्हें बुरा नहीं लग रहा तुम्हारी इंगेजमेंट हो गई उसके साथ लेकिन वो किसी और के साथ डेट पे गया है। वो कहती कि नहीं मुझे बुरा क्यों लगेगा, वैसे भी हम लोग थोड़े ना, हम लोग ऐसे ही शो ऑफ कर रहे हैं और मैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ अपनी रियल फैमिली के साथ। और यहाँ पर अब इनका ख़त्म हो चुका रहता है, हीरो चली गई रहती है उसे बाय बोल के, और ये सोच रहा होता है कि हीरो ने मुझे क्यूट बोला लेकिन मुझे हॉट नहीं बोला, ओ माय गॉड उसने मुझे हॉट क्यों नहीं बोला। तो फिर वो सोचता है छोड़ो जाने दो। और फिर वो घर आता है, जब वो घर आता है तो साची उसका इंतजार कर रही होती है, कह रही होती है कि स्वागत है, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है। वो कहता है मुझे इस खाने में से जहर की खुशबू क्यों आ रही है। वो कहती है कि तुम खाओ, मैंने इसमें जहर नहीं मिलाया है। वैसे तुम बताओ आखिर तुम्हारी डेट कैसी गई है, तो वो उससे पूछ रही होती है और ये उसे बताने से एकदम इनकार कर रहा होता है, साफ साफ मना कर रहा होता है। दोनों के बीच में अलग ही फ्रस्ट्रेशन होता है। एरिका मज़े कर रही होती है, उसे इन सभी चीज़ों से कोई मतलब नहीं रहता है, वो लोग मज़े
अब सुबह के 3 बज रहे होते हैं जहाँ पर बेल बजता है और वो एकदम डरते हुए खोलने जा रहा होता है। दोनों लड़कियाँ पीछे होती कि कहीं कुछ हुआ तो इसे ही होगा, लेकिन यहाँ जब वो दरवाज़ा खोलता है तो उसके डैड रहते हैं और वो सब देख के हैरान हो जाते हैं कि यार ये क्या, डैड यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो डैड यहाँ पे इन लोगों को फिशिंग करवाने के लिए लाए हुए रहते हैं और साची बताती है कि डैड मुझे कभी फिशिंग करवाने के लिए नहीं लाते थे, वो तो हमेशा नागी को अपने साथ लेके आया करते थे, तो आज पहली बार मुझे लेके आए हैं। और नागी बेचारा यहाँ पे, इसे सी सिकनेस रहती है तो ये यहाँ पे लेट गया रहता है, इसे उल्टी आ रही होती है। और वो कहती है साची मुझे बहुत बुरा लग रहा है, तुम्हें सी सिकनेस है और डैड हमेशा तुम्हें लेके आते थे, मतलब मजबूरी थी, क्या किया जा सकता है क्योंकि उन्हें अकेले मज़ा नहीं ना आता है, इसलिए वो एक बकरे को अपने साथ हमेशा लेके आया करते थे। हालांकि वो बात सुन ही नहीं रहा होता है, यहाँ तो ये उल्टी करने में ही परेशान रहता है। और फिर यहाँ पर एरिका मछली पकड़ती है, उसके डैड कहते हैं कि तुम अपनी माँ पे गई हो एकदम, और ये सोच रहा होता है कि हाँ लगता तो ऐसा ही है कि माँ बेटी दोनों एक ही हैं। उसके बाद उसके डैड कहते हैं कि जो भी जीतेगा, मतलब सबसे बड़ी मछली पकड़ेगा, उसे 1,000 दूंगा, क्यों बताओ तुम्हें इसमें इंटरेस्ट नहीं है क्या। नागी को छोड़ के बाकी तीनों को इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है और नागी कहता है कि मुझे इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, वैसे भी मुझे मछलियाँ पकड़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, आप हमेशा मुझे पता नहीं ऐसे क्यों ज़बरदस्ती लेके आ जाते हैं यहाँ पर। मगर उसके डैड कह रहे होते हैं कि अरे देखो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, मज़ा ही आएगा, लेकिन यहाँ पर तो इसे सी सिकनेस रहती है, तो सोच रहा होता है कि ओह फिर से नहीं, मुझे ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है। तो हमें पास्ट में दिखाया जाता है जहाँ भी इसके डैड हमेशा इसे मजबूर किया करते थे कि जाओ मछली पकड़ो, और ये मछली नहीं पकड़ना चाहता था। तब एक दिन उसके डैड ने कहा था कि जिस दिन तुम मुझसे बड़ी मछली पकड़ लोगे उस दिन मैं तुम्हें फिशिंग पे बिल्कुल भी लेके नहीं आऊँगा, लेकिन आज तक कभी इसलिए मछली पकड़ी नहीं रहती है। मगर अब ये पकड़ने के लिए जा रहा होता है क्योंकि अगर एक बार बड़ी मछली पकड़ लेगा तो इसके डैड इसे मजबूर नहीं करेंगे, लेकिन क्या होता है कि बहुत छोटी मछली होती है, सबसे छोटी मछली इसी की रहती है, वो कहते हैं मैं इसकी जान नहीं लूँगा। और फिर लास्ट में पता है 1,000 रुपये कौन जीतता है, अंकल ही जीत चुके रहते हैं क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ी मछली पकड़ी थी। सब कहते हैं कि ये चीटिंग है, लेकिन वो कहते हैं इसमें चीटिंग कोई बात नहीं है। और फिर यहाँ पे ये दोनों थक के सो गई रहती है। अब इसके डैड कह रहे होते कि तुम पहले से काफ़ी बदल चुके हो, मतलब काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो चुके हो, बड़े हो चुके हो, लेकिन वो कहता है कि अभी तो सिर्फ 1 महीना ही हुआ है और मैं आप लोग को छोड़ के नहीं रहना चाहता हूँ, अब शायद मुझे समझ में आ रहा है कि आप मुझे हमेशा अपने साथ फिशिंग पे लेके क्यों आया करते थे, जब भी मेरा मूड नहीं करता था फिर भी आप मुझे लेके आया करते थे। उसके डैड कहते हैं कि अब तुम समझदार हो गए हो, तुम धीरे धीरे करके मेरी सारी बातों को समझ रहे हो। एरिका देखती है कि दोनों बाप बेटे कितने ज़्यादा खुश हैं और दोनों अच्छी तरीके से यहाँ पे बात कर रहे होते हैं, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। अगले सीन में हम देखते हैं आज मदर्स डे रहता है, एरिका अपनी मॉम के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए जाती है और साची सोच रही होती है कि हमें भी अपनी मॉम को कुछ गिफ्ट देना चाहिए, क्यों नागी इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। नागी कहता है तुम इतना कब से सोचने लगी मॉम के बारे में, तुम तो कभी नहीं सोचती थी। फिर से वो उसे लात घुसा मारती है और कहती है कि तुम अपना मुंह बंद क्यों नहीं रखते हो, वैसे हमें मॉम को क्या गिफ्ट देना चाहिए, मुझे लगता है कि मेरी वजह से उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि हमारा घर काफ़ी छोटा और उन्हें पता है ना मेरी परेशानी भी उतनी सारी है। वो कहता है कि ठीक है ठीक है, हम अपनी पेरेंट्स की ज़रूर मदद करेंगे, तो हमें उन्हें क्या गिफ्ट देना चाहिए। ये लोग चले जाते हैं मॉल में जहाँ पर वो सोच रहा होता है कि हमें क्या गिफ्ट देना चाहिए क्योंकि आज तक हमने कभी मॉम को ऐसा कोई गिफ्ट नहीं दिया है। कुछ जो लड़के रहते हैं वो कह रहे होते हैं कि तुम तो बहुत ज़्यादा क्यूट हो, लाइन मार रहे होते हैं। नागी कहता है कि चलो चलो यहाँ से, और फिर ये दोनों सोच रहे होते हैं कि अब हमें कहाँ पे जाना चाहिए, क्या टाइम स्पेंड करना चाहिए, या फिर सब देख रहे होते हैं कि आखिर भोंदू सा लड़का क्यूट सी लड़की के साथ कौन है। फिर ये लोग जाते हैं एक टेडी बियर शॉप में, फिर उन्हें याद आता है कि ना मॉम तो टेडी बियर का कीमा बना देंगी, या फिर हमें केक ले लेना चाहिए, या फिर हमें क्या करना चाहिए। तो दोनों यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि कभी भी दोनों ने अपनी मॉम के लिए कोई गिफ्ट लिया ही नहीं रहता है, तो दोनों इतने ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है। बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद वो लोग एकदम मना करते हैं और फिर बैठे हुए रहते हैं, सोच रहे होते हैं कि हमें मॉम के लिए क्या लेना चाहिए, केक तो वो ऐसे ही खा जाएगी डिस्काउंट में ले लेगी, या फिर क्या लिया जाए कुछ समझ में नहीं आता। तब वो कहती है आपको याद है बचपन में जब मैं फर्स्ट आई थी तब वो कितनी खुश थी, और उसी दिन हमारे नागी को 100 भी मिला था, तो उस दिन वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, उनकी मॉम भी बहुत ज़्यादा खुश थी। तो वो कहती कि बचपन में हमने एप्रेन की तस्वीर बनाई थी, आपको क्या लगता है हमें उनके लिए एप्रेन लेना चाहिए। वो कहता है बहुत बढ़िया। तो वो कहती है कि आप मुझे छोटी बच्ची की तरह ट्रीट करना बंद करिए, अब मैं आपकी छोटी बहन तो हूँ लेकिन आप मुझे छोटी बच्ची जैसा ट्रीट बिल्कुल भी मत करिए, कुछ बात है यहाँ पे। फिर वो लोग दरवाजे में टांग देते हैं गिफ्ट को और वहाँ से भाग जाते हैं। जब उनके डैड देखते हैं और फिर बता रहे होते हैं आंटी को, तब वो खुश होती है लेकिन कहती है कि आप क्यों रो रहे हैं। अंकल कहते हैं क्योंकि उन्होंने मेरे लिए भी एक एप्रेन लिया है, उन्होंने सिर्फ तुम्हारे लिए ही एप्रेन नहीं लिया है। तब उनकी मॉम कहती है चलिए हमारा कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया और अब हम लोग अपनी शॉप को वापस से खोलें। दूसरी तरफ जो हमारी एरिका की मॉम रहती है वो एरिका के डैड को सारी बातें बता रही होती कि एरिका उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आई थी और वो बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी, पहले से वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो गई है और बदल भी चुकी है। एरिका के डैड कहते हैं कि मुझे लगता है कि अब मुझे उससे मिलना चाहिए क्योंकि तुमने मुझे एरिका की बात बता दी, अब मुझे लग रहा है मुझे उसकी याद आ रही है। उसकी मॉम कहती है कि हाँ क्यों नहीं आपको मिलना चाहिए, और यहाँ पे ये कप नूडल्स बना रही थी
पहली बार ये कप नूडल्स बना रही होती और इसे लगता है कि मैंने बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली है। कहती है कि सचमुच जिसने बनाया वो जीनियस है। तब तक इसके डैड का मैसेज आता है कि नागी के पास आती है और उसे कमरे से निकालने लगती है। कहती है कि हम जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। वो पूछता है कहाँ पे, लेकिन वो बताती बिल्कुल भी नहीं है। आगे हम देखते हैं कि वो उसे कुछ भी नहीं बताती और इधर उधर शॉपिंग के लिए लेके जा रही होती है, जहाँ उसे बुक मिलती है और कहता है कि ये बुक हमें लेनी चाहिए क्योंकि ये बुक पढ़ने में बहुत अच्छी है और तुम इससे टॉप भी कर सकती हो। वो कहती मैं यहाँ पे बुक खरीदने थोड़े ना आई बेवकूफ कहीं के। फिर वो बुक नहीं खरीदती है और वो कहता है तुम्हें बुक खरीदनी पड़ेगी, लेकिन एरिका मना करती है और वो उसे समझा रहा होता है कि तुम्हें टेस्ट देना है या फिर नहीं देना, लेकिन वो कहती है कि मैं नहीं देना चाहती हूँ और मैं बहुत गरीब हूँ, मैं अपने साथ पैसे भी नहीं लेके आई हूँ। वो कहता है क्या तुम गरीब का मजाक उड़ा रही हो, एक गरीब तुम्हारे सामने और तुम अपने आप को गरीब कह रही हो। तब वो बता रही होती कि मैं सचमुच अपना फोन और वॉलेट कुछ भी मैं लेके नहीं आई हूँ। वो कहता है क्या तुम सचमुच मजाक कर रही हो क्या। कहती कि नहीं सचमुच मैं पैसे लेके नहीं आई हूँ, कुछ भी लेके नहीं आई हूँ। तब वो कहता है कि आखिर बात क्या है, तुम मुझे साफ साफ बताती क्यों नहीं हो कि बात क्या है। तब वो बताती है कि मेरे डैड यहाँ पर आए हैं और इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आ गई हूँ। फिर आगे जब साची घर में आती है तो वो उन्हें देख के डर जाती है और चिल्लाने लगती है कि चोर 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 आ गया है यहाँ पर। फिर बाद में मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है और साची उनसे माफ़ी मांग रही होती है। तो अंकल कहते हैं कि अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, छोटी बच्ची हो क्या घबरा जाती हो, ऐसे घबराने की कोई भी बात नहीं है। और हाँ, अब उन्हें पता लग गया रहता है कि वो नागी को लेके निकल गई है बिना फ़ोन के। वैसे कोई नई बात नहीं रहती है, वो हमेशा ऐसे ही करती थी। अब यहाँ पे जो हमारी एरिका रहती है वो बता रही होती कि मेरे डैड पक्का मुझे घर वापस ले जाने के लिए आए होंगे, वो बिना मुझसे पूछे अपने डिसीजन खुद ले लेते और मेरे भी डिसीजन ले लेते हैं, मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और इसीलिए मैं एक बार घर से भाग भी गई थी। मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अच्छी नहीं लगती है मुझे इनकी ये बात। और ये बात वो अच्छी तरीके से सुन रहा होता है। नागी समझ गया रहता है कि आखिर इसकी क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके डैड बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है। मैं अपनी ज़िंदगी के डिसीजन खुद लेना चाहती हूँ, इसलिए मैं एक बार घर से भाग भी गई थी, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ था क्योंकि हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। लेकिन वो कहता है कि देखो, एक कप नूडल बना लेने से तुम अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद नहीं ले सकती हो, समझी, और भी बहुत काम होते हैं। तब वो कहती है कि हाँ मुझे पता है, मुझे लगता है कि मुझे डैड के पास वापस चले जाना चाहिए। लेकिन नागी उसे रोकता और कहता है कि नहीं, इतनी आसानी से कहाँ जा रही हो, हम लोग मिडिल क्लास हैं, हम लोग किसी भी तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं। और दूसरी तरफ वो साची को लेके आए रहते हैं, अपने रेस्टोरेंट में खाना खिला रहे होते हैं और फिर उससे पूछ भी रहे होते हैं कि आखिर उन दोनों का रिलेशनशिप कैसा चल रहा है। सब इधर बात कर रहे होते हैं कि अरे ये बॉस एक छोटी सी मिडिल स्कूल वाली बच्ची को यहाँ पे लेके क्यों आए, कुछ तो दाल में गड़बड़ है। और जो अंकल रहते हैं वो साची से पूछ रहे होते हैं तो बताओ आखिर उनके बीच में कैसा चल रहा है सब चीज़। तो साची उन्हें बता रही होती कि वो दोनों बिल्कुल अलग है, एक आग है तो दूसरा पानी है। और फिर कहते हैं कि रुकिए ज़रा मुझे सोचने का वक्त दीजिए कि आखिर वो किस तरीके से। फिर उन्हें सारी बातें बताती है। उसके बाद इधर हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों काफ़ी मज़े कर रहे होते हैं। ये बता रहा होता है एरिका को कि आखिर ज़िंदगी के मज़े बिना पैसे के भी किए जा सकते हैं, और एरिका पहली बार एक्सपीरियंस कर रही होती है। नागी को अभी भी डर लग रहा होता है क्योंकि चीज़ें उसके मुताबिक नहीं चल रही थी, भले उसने कितनी बार भी किया हुआ रहता है। और फिर इधर अंकल कह रहे होते हैं तो अच्छा ये बात है, उन दोनों के बीच में कुछ ऐसा है, लगता है ज़्यादा खुश नहीं है वो दोनों। साची कहती है कि हाँ ऐसी ही बात है। उसके बाद जो अंकल रहते हैं वो उसे घर ड्रॉप कर देते हैं और उसे एक बहुत ही एक्सपेंसिव केक देते हैं जिसे खरीदने के लिए लाइन में बहुत लंबा लगना पड़ता है। लेकिन वो उसे ये केक फ्री में नहीं देने वाले थे। उसके बदले में वो कहते हैं कि तुम मेरी जासूस बनोगी, तुम एरिका और नागी के बीच में जो भी बातचीत होगी, जो भी खबर होगी, तुम मुझे सारी खबरें देते रहोगी, समझी, एकदम टाइम टू टाइम मुझे सारी खबर चाहिए। वो कहती है कि जी अंकल, आपको सारी खबरें एकदम टाइम टू टाइम मिलते रहेगी। और फिर उसके बाद वो अपने ऑफिस में चले जाते हैं, जहाँ पर ये एक फ़ोटो को देख रहे होते हैं और उस फोटो में हमें दिखाया जाता है कि नागी भी रहता है। नागी और एरिका पहले से इस फोटो में रहते हैं, इसका मतलब इनका बहुत पहले से ही कोई कनेक्शन जुड़ा हुआ है। साची को दिखाया जाता है जो अपना कुछ सामान लेने के लिए यहाँ पर वापस आई हुई रहती है, और अब उसके वापस जाने का वक्त आ गया रहता है। उसके डैड कह रहे होते हैं कि तुम हमारे साथ क्यों नहीं रह ले रही हो, मगर साची कहती है कि नहीं, मुझे भैया के साथ रहना है, मुझे वहाँ पर कुछ सीखना है। उसके डैड सोच रहे होते कि अभी पहले से काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है। और उधर दूसरी तरफ यहाँ पे बारिश हो रही होती है। नागी सोच रहा होता है कि काश साची अच्छी तरीके से घर पहुँच जाए, क्योंकि बारिश यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ हो रही होती है। और तब तक उतनी देर में वहाँ पर एरिका आती है, पूछती है डिटर्जेंट के बारे में, लेकिन वहाँ पे लाइट कट हो जाती है। अब दोनों काफ़ी ज़्यादा डर गए रहते हैं, नागी नहीं डरा हुआ रहता है, एरिका डर गई रहती है। वो कहती है कि मैं समझ गई आखिर यहाँ पे क्या हुआ। वो कहता है कि अरे मोबाइल की टॉर्च बार हूँ, मैं अपना मोबाइल लेके नहीं आया हूँ। तो एरिका यहाँ पे लाइट बारती है तो देखते हैं दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज, और वो कहती है कि तुम मेरे इतने क्लोज क्या कर रहे हो। वो कहता है मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सबकी लाइट कटी हुई है। और फिर ये कह रही होती मैं समझ गया आखिर क्या हुआ है, लाइट नहीं कटी हुई है, एलियंस ने हम पे हमला कर दिया है। और मैंने बहुत सारी मूवीज़ में देखा है कि एलियंस ऐसे ही हमला करते और ऐसे ही हालात हो जाते, चलो हमें चलकर छुपना पड़ेगा। नागी कहता है कि बेवकूफ़ कहीं कि चलो मुझे अपना मोबाइल लेने के लिए जाना है। वो कहती है कि तुम मुझे अकेला छोड़ना बिल्कुल भी मत, ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तो वो आगे आगे चल रही होती है और नागी पीछे पीछे चल रहा होता है। और वो कहती परवट कहीं कि तुम कहाँ पर टॉर्च मार रहे थे, हाँ वैसे वो जगह बहुत चमक रही थी। और वो कहती कि तुम एक नंबर के परवट हो फाइनली।
अब ये लोग नागी के कमरे की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, जहाँ पर नागी का फोन तो स्विच ऑफ हो गया रहता है, बेकार में वो लोग यहाँ तक आए हुए रहते हैं, तो अंधेरे में तो नहीं रहेंगे। सो यहाँ पर इन लोगों ने कैंडल जला लिया रहता है। अब कैंडल जलाने के बाद जो हमारी एरिका रहती है, इसका मूड अच्छा हो गया रहता है और फिर ये बातें करने लगती है, तुम्हें पता है हम लोग किस तरीके से मिले थे और अभी हम यहाँ पे पहुँच गए। वो कहता है कि आगे तुम्हारे कहने का क्या मतलब। वो बताती है कि मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ तुम सभी लोगों के साथ यहाँ पे रहने में, बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा आ रहा है। नागी कहता है कि हाँ मज़ा तो मुझे भी आ रहा है, बहुत ज़्यादा ही आ रहा है तुम लोगों के साथ रहने में, ये एक अलग एक्सपीरियंस है, मतलब मैं तुम्हारे और साची के साथ ऐसे रह रहा क्या हूँ। तुम्हारे पास पावर बैंक है? एरिका कहती कि नहीं, मैं उन्हें कभी चार्ज नहीं करती क्योंकि वो कभी काम ही नहीं आते थे। तब ये कहता है ठीक है मैं आता हूँ ढूंढ के। वो कहती है नहीं मोमबत्ती लेके मत जाना। नागी ऐसे ही चला जाता है, यहाँ पानी होता है, पैर उसका फिसल जाता है तो किसी से वो टकरा जाता है। वो कहते हैं कि ओ एरिका, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि तुम्हें वहाँ कमरे में रहना चाहिए, और आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? गलती से इन दोनों के बीच में किस हो गया रहता है, लेकिन नागी ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। लाइट जब आ जाती है तो हमें पता लगता है कि वो साची रहती है और ये कह रहा होता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हें तुम्हें तो घर में होना चाहिए था। वो कहती है कि मैं यहाँ पे वापस आ गई हूँ। वो कहता है कि ठीक है अभी जो कुछ भी हुआ उसके बारे में भूल जाओ, मुझे काम है, तो वो जा रहा होता है। और दूसरी तरफ जो साची रहती है सोच रही थी कि भूल जाओ इतनी आसानी से, आखिर ये चीज़ कैसे भूल जाओ, मतलब किस हुआ रहता है, लेकिन नागी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब जब स्कूल में ये आई रहती है तो इसके दोस्त एक टीवी शो के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहाँ भाई को पता लगता है कि वो उसकी असली बहन नहीं है। फिर दोनों के बीच में किस भी हो जाता है और बहुत सारे रोमांटिक सीन हो जाते हैं। वैसे उसका भाई बहुत ज़्यादा हैंडसम था। ये टीवी शो के बारे में इसकी दोस्त बात कर रही होती है और जो हमारी साची रहती है सोच रही होती कि मेरा भाई तो हैंडसम भी नहीं है, और यही कहते कहते वो रो रही होती है, सोच रही होती कि ओ माय गॉड। इसे अलग फीलिंग आ रही थी। साची नागी को पूरा इग्नोर कर रही होती, नागी उसे खाना खाने के लिए बुलाता है लेकिन वो उसका बात का कोई जवाब नहीं देती। नागी को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सब यहाँ पे क्या हुआ है, तो वो चला जाता है और एरिका को बुलाता है। अब ये लोग खाना खा रहे होते हैं, एरिका कहती है कि बहुत टेस्टी खाना, आखिर साची को क्या हो गया है। तब वो बता देता है कि आखिर मेरे और साची के बीच में क्या क्या हो गया है। एरिका यहाँ पे सारी बातें समझ जाती है और कहती है कि तुम एक नंबर के भोंदू हो। और वो कहता है कि वो आप सुबह से मुझसे बहुत अजीब व्यवहार कर रही हो, उसने मेरे सारे पैसे भी खत्म कर दिए, उसके बदले में मुझे कमरे में बंद होना चाहिए था। एरिका कहती है कि ठीक है मैं सारी बातें समझ गई हूँ, रुको मैं 2 मिनट में आती हूँ। तो एरिका यहाँ पे उसकी टीचर बन के आई हुई रहती है, जो कि टीचर कम मॉडल ज़्यादा लग रही होती है, और बता रही होती है कि देखो गलती तुम्हारी है, समझे, तुम्हारी गलती कि तुम उसे बच्चे की तरह ट्रीट करते हो। लेकिन ये कहता है कि वो मेरी बहन ही है एक तरीके से, और नहीं भी है, मतलब बचपन से बहन ही तरह मानता हूँ। लेकिन वो कहती कि नहीं वो तुम्हारी बहन नहीं है, अब वो बड़ी हो चुकी है, तुम्हें उसे एक वुमेन की तरह ट्रीट करना चाहिए जैसे तुम सभी लड़कियों को ट्रीट करते हो, और उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा होगा। और वो किस वाली बात, वो सोचता है कि देखो मैं उसके बारे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता हूँ, लेकिन हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, वो मेरी बहन है भी और बहन नहीं भी है, अब मैं क्या करूँ। तो ये काफ़ी दुविधा में पड़ गया रहता है, लेकिन ये समझा रही होती है उसे कि देखो अगले दिन जाना और पूरी अच्छी तरीके से उसे माफ़ी मांग लेना। तो अब ये बर्तन धो रहा होता है और सोच रहा होता है कि हम लोग काफ़ी दिन से यहाँ पर रह रहे हैं, 2 महीने हो गए मुझे यहाँ पर आए हुए, और अब ये सब हो रहा है तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो वो हिम्मत जुटा के जाता है साची से बात करने के लिए, माफ़ी मांगने के लिए, लेकिन माफ़ी नहीं मांग पाता है। दोनों के बीच में दूरियां ज़्यादा देर की तो नहीं रहती है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। और अगले दिन जब वो हीरो के साथ पढ़ाई कर रहा होता है, एरिका वहाँ नहीं आई हुई रहती, उसे कुछ काम रहता है, लेकिन यहाँ जो हमारा नागी था वो सिर्फ साची के बारे में ही सोच रहा था। वो सोच रहा था कि मुझे उससे जाकर माफ़ी मांग लेनी चाहिए। हीरो कहती है कि क्या हुआ, तुम्हारा मूड कुछ ख़राब है क्या? वो कहता है कि नहीं, किसी भी तरीके से बात टाल रहा होता है और सोच रहा होता है उसी इंसिडेंट के बारे में कि आखिर वो सब क्या हो गया है। लेकिन इसने डिसीजन ले लिया रहता है, ये माफ़ी मांगने के लिए चला गया रहता है साची के पास, और कहता है कि अब मैं तुम्हें बच्चों की तरह ट्रीट नहीं करूंगा, मैं तुम्हें एक वुमेन की तरह ट्रीट करूंगा, बिल्कुल किसी बड़ी लड़की की तरह, और उसके लिए मुझे माफ़ कर देना जो भी वो सारी चीज़ें हुई थी उसके लिए। तो यहाँ पर हमारे नागी ने माफ़ी मांग ली रहती है तो उसे फुटस्टेप की आवाज़ सुनाई देती है, जहाँ पर साची आती है, ज़ोर से इसके सर पर चोट लग जाती है और कहती है कि बेवकूफ़ कहीं कि मुझे भूख लगी है, और माफ़ी मांगने में इतनी देरी क्यों लगा दी तुमने। तो अगले दिन हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो दोनों स्कूल जा रहे होते हैं और ये साची को कहता है कि तुम ऐसे पड़े पड़े सोना बिल्कुल भी मत। साची कहती है चिंता मत करो मैं नहीं सोने वाली हूँ, लेकिन नागी को पता रहता है कि ये पक्का सो जाएगी अगर ये अकेले रहेगी। तो वो उसे समझा के जा रहा होता है कि सोना बिल्कुल भी मत, लेकिन साची को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। और फिर जब ये लोग आ जाते हैं, एरिका कहती है बहुत अच्छा हुआ तुम दोनों के बीच में वापस से सुलह हो गया, वैसे क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे आज शॉपिंग के लिए। लेकिन वो कहता है कि नहीं, शायद आज मुझे कुछ काम रहेगा। एरिका सोचती है कि इसे कौन सा काम रहने वाला है यार, और जब वो सोच रही होती है तब तक वो वहाँ से निकल गया रहता है। नागी भैया तो सीधे हीरो के पास आ जाते हैं और फिर पूछते हैं कि मैं तुम्हारी पढ़ाई में मदद करवाऊंगा, मैथ में तुम्हें टॉप करवाऊंगा। लेकिन वो कहती है कि बेवकूफ़ कहीं कि पिछली बार मेरे तुमसे ज़्यादा नंबर आए थे। लेकिन नागी भैया कहते हैं कि फिर भी मेरे नंबर तुमसे ज़्यादा अच्छे हैं और मैं मैथ में ज़्यादा अच्छा हूँ। तो जो हमारी हीरो रहती है पहले तो गुस्सा करती है, लेकिन बाद में मान ली रहती है, कहती है कि ठीक है। नागी सोच रहा होता है कि पिछली बार तो मैंने बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर दी रहती है, लेकिन इस बार मैं गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं करूँगा। असल में उसे डेट के बारे में याद आ रहा था, तो वो सोचता है कि इस बार मैं उसे ऐसी जगह लेके जाऊँगा जहाँ पर मैं टॉप करता हूँ। सो इसलिए वो सोच रहा होता है कहाँ पर लेके जाऊँ, और फिर
सोचता है कि अरे नहीं यार मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे को लाइब्रेरी में लेटर पास कर रहे होते हैं, बताओ, ऐसे लिख लिख के दे रहे होते हैं। ऐसे ही करते करते दोनों का प्रेम पत्र वाला दौर चल रहा होता है और फाइनली यहाँ शाम हो चुकी रहती है और 1 घंटे उसने पढ़ाई किया रहता है। अब नागी सोच रहा होता है कि मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पे डेट करूंगा मस्त, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसने रोला नहीं जमाया रहता, हालांकि जाने के लिए और भी जगह रहती है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। हीरो कहती है कि क्या तुम्हारे पास वक्त है? नागी कहता है तुम्हारे लिए तो वक्त ही वक्त है। तो वो उसे लेके आ गई रहती है किक बॉक्सिंग वाली जगह में। अब वो सोच रहा होता है कि ओ माय गॉड, तुम्हें ऐसा क्या काम करना है कि ऐसा किक बॉक्सिंग करना, और वो घूर के देख भी रहा होता है। तो हीरो देख लेती है और कहती है तुम एक नंबर के ठगी हो, और अगली बार से तुमने अगर देखने की कोशिश की तो मैं तुम्हें एक मुक्का जोर से मारूंगी। कहता है तो तुम मुझे चैटा मारने चाहती हो, उसके बाद मैं देख तो सकता हूँ ना। तो अब यहाँ पर वो किक बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने वाली थी, तो वो कहती है ठीक है मैं जोर से मारूंगी। सो मारती हीरो यहाँ जोर से, और कुछ ज्यादा ही जोर से लग गई रहती है, बहुत जोर से लगा हुआ रहता है। फिर इसके बाद ये पंच मार रहा होता है पंचिंग बैग पे। हीरो कहती है कि वाह तुमने तो सचमुच कमाल कर दिया। हालांकि एरिका सब देख लेती है और सोच रही होती कि इस चपड़गंजू ने तो मुझसे कुछ और कहा था। और अब रात हो चुकी रहती है, तो हीरो कहती है माफ करना मेरी वजह से तुम्हें काफी ज्यादा देर हो गई। लेकिन वो कहता है कि अरे नहीं, इसमें देरी की कोई भी बात नहीं। और ये सोच रहा होता है मैं तो डेट के बारे में सोच रहा था, लेकिन नहीं। और यहाँ हीरो कहती है तुम्हारे साथ रहने मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं तुम्हें और अच्छे से जानना चाहती हूँ। उसके बाद ये घर आ चुका रहता है, जहाँ पे ये कहती है कि चलो हम लोग डेट पे जाएंगे साथ में। अब ये सुन के वो हैरान हो गया रहता है। एरिका उसे लेके आई रहती है, ये अगले दिन का सीन रहता है जहाँ पे एरिका उसे लेके आई रहती है शॉपिंग पे, और इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है नागी को कि आखिर ये एरिका इतना ज़्यादा कंफर्टेबल क्यों हो रही है। मतलब इसे तो साफ साफ पता है कि मैं हीरो को पसंद करता हूँ, लेकिन फिर भी ये सब, और ये यहाँ पे मुझे डेट पे लेके आई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ही कंफ्यूजिंग वाली चीज़ रहती है। अब पेट शॉप पे आए रहते हैं, जहाँ पे वो कहती है कि वो देखो ना कोबरा कितना ज़्यादा प्यारा है। नागी का भी कोबरा प्यारा ही होगा, लेकिन इसने कभी देखा जो नहीं है। और वो कह रही होती कि ओ माय गॉड ये देखो, ये वाला तो उससे भी ज्यादा प्यारा है। नागी को तो सांप ने लपेट लिया रहता है, क्योंकि उसने भी उसका कोबरा देख लिया रहता है, लेकिन एरिका ने नहीं देखा रहता। अब ये लोग जॉगिंग जॉगिंग पे आ चुके रहते हैं, जहाँ पर दोनों कॉम्पिटिशन लगाते हैं। एरिका इस चीज़ को डेट कहती है, लेकिन नागी कहता है ये कोई डेटिंग थोड़े ना है, तुमने तो मुझे एकदम थका दिया, मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अब एरिका यहाँ पे काफ़ी गुस्सा हो चुकी रहती है और कह रही होती है ठीक है तुम्हें दौड़ना पसंद नहीं है। वो कहता नहीं मुझे सिर्फ पढ़ना पसंद है। वो कहती अच्छा तो तुम हीरो के साथ क्या कर रहे थे वहाँ पर किक बॉक्सिंग में? हाँ मैंने तुम्हारे ठरकी जैसे चेहरे को देखा था, और तुम वहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे थे, कहाँ देख रहे थे? हाँ मैंने सारी चीज़ें देखी थी। वो कहता है कि देखो वो मेरी क्रश है, तो यार मेरा वैसे हो जाता है, लेकिन तुम्हें इससे इतनी ज्यादा जलन क्यों हो रही है? वो कहती है कि मुझे इससे जलन नहीं हो रही, समझे? वो पूरी कोशिश करती है ये दिखाने की कि नहीं मुझे बिल्कुल भी जलन नहीं हो रही है, मुझे तुमसे और हीरो से क्यों जलन होने लगेगी, और तुम डेट इंजॉय क्यों नहीं कर रहे हो? तो अब हमारे नागी तो तेज रहता ही है, उसे सारी चीजें समझ में आ चुकी रहती है, और वो उससे पूछ भी लेता है बताओ कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझे पसंद करने लगी हो, बोलो बोलो। तब वो हंसते हुए कह रही होती है कि तुम मुझे कभी पसंद नहीं आने वाले हो इडियट, कहीं के तुम एक नंबर के बंदर हो, और तुम मुझे तो क्या, तुम किसी को भी नहीं पसंद आने वाले हो। सो यही कह के वो काफी गुस्से में वहां से चली जाती है। अब ये सोच में पड़ चुका रहता है कि रुको क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या। वो चली गई रहती है, लेकिन अब रात हो चुकी थी। रात में भी ये यहीं पे सोच रहा होता है कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि एरिका मुझे पसंद करने लगी है, लेकिन मेरा ये दिल तो सिर्फ हीरो के लिए धड़कता है। आखिर मैं क्या करूं, मुझे तो लव के बारे में कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि मैंने अपना ज्यादातर वक्त पढ़ाई में ही बिता दिया है। सो अब मैं क्या करूं? तो यहाँ पे हमारे नागी भैया को एक बहुत ही अच्छा आइडिया आता है, और फिर वो अपना फोन निकालते हैं और लव का डेफिनेशन ढूंढ रहे होते हैं कि आखिर लव होता क्या है, बताओ, इतना मुश्किल आ पड़ा है। लेकिन फिर उसके बाद वो चले जाते हैं अपने मॉम डैड के घर में, जो रिन्यूअल हो चुका था। सो उसके मॉम डैड कह रहे थे कि क्या करने आए हो यहाँ पे? वो कहता है कि मैं यहाँ पे कुछ कमरे में अपना सामान ढूंढने के लिए आया हूँ। तो यहाँ पे वो कुछ बुक्स निकाल रहा होता है जहाँ पे लव का डेफिनेशन रहता है, लेकिन यहाँ पे उसे अपने डैड का लव लेटर भी दिखता है जो उन्होंने उसकी मॉम को भेजा था। हालांकि बहुत सारे लव लेटर्स रहते हैं, और ये देख के इसका एकदम सर चकरा रहा होता है। 2-4 लव लेटर पढ़ने के बाद तो इसका सर घूम रहा होता है और समझ में नहीं पा रहा होता है कि आखिर ये सब क्या है। तब तक उसके डैड आते हैं और कहते हैं तुम ये क्या कर रहे हो, और फिर वो पूछता है। तब इसके डैड बता रहे होते हैं कि ये सारे लव लेटर्स मैंने तुम्हारी मॉम को लिखे थे। वैसे जो तुम्हारी मॉम है ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी अपने स्कूल के दिनों में, और मैंने ही उन्हें ये सारे लव लेटर्स दिखे हैं। नागी को विश्वास नहीं हो रहा था। तब वो बताते कि वो बहुत खूबसूरत थी, मैंने पहली बार भेजा था लेटर तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया था मेरे लेटर को। और नागी देखो तुम अपना आँख बंद करो और सोचो कि तुम किसे पसंद करते हो, वो पर्सन तुम्हारी आँख के सामने आ जाएगा, ठीक है? तो आँख बंद करो और अपने दिल से सोचो, वो पर्सन तुम्हारी आँख के सामने आ जाएगा। तो ये आँख बंद करके सोच रहा होता है नागी, तो हमें दिखाया जाता है कि तीनों ही इसके आँख के सामने आ चुके रहते हैं। और डैड कहते हैं एरिका है ना वो, लेकिन ये कुछ नहीं बताता डैड को। वो कहते हैं ठीक है तुम्हारा थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन तुम सीख जाओगे बाद में। अब वो अपने डैड को बता ही नहीं पा रहा होता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम कुछ और ही रह गई रहती है, और वो एरिका को मैसेज भी कर देता है कि मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो आई।
आज एग्जाम रहता है और नागी के दोस्तों ने उसके ऊपर बेट लगाई रहती है कि तुम अगर पास हो जाओगे, फर्स्ट आ जाओगे तो हमें प्राइज मिलेगा। और नागी यहाँ पे सोच रहा होता है कि उसके डैड ने क्या कहा था पिछली रात उससे कि जो भी तुम्हारे दिल में रहेगी तुम आंख बंद करके याद करोगे, लेकिन वो तीनों उसके सामने आ जाती है। और अब नागी यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है, टेस्ट में भी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है क्योंकि उसे बार बार उन्हीं तीनों का चेहरा याद आ रहा होता है और वो अपना सर जोर जोर से पटक रहा होता है क्योंकि उस पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। सारे स्टूडेंट्स उसे ही देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि क्या हुआ, एग्जाम इतना ज्यादा हार्ड है क्या कि नागी को टेंशन हो रही है। मगर एरिका को बिल्कुल भी टेंशन नहीं हो रही होती, वो तो अपना नॉर्मल लिख रही होती है जो भी उसे समझ आता है। अब जब घर आ जाते हैं तो यहाँ नागी पूछता है क्या खाओगे, तब एरिका एकदम चिढ़ते हुए कह रही होती है कि मैं तो अपना ऑनलाइन ऑर्डर कर लूंगी। साची तुम बताओ तुम्हें क्या खाना है, तुम्हारे लिए भी ऑर्डर कर दूंगी। नागी सोच रहा था कि उस दिन इसने मुझे कहा था कि मैं इसका फियांसे हूँ और आज देखो किस तरीके से ये मुझसे बर्ताव कर रही है, कहीं ऐसा इसलिए तो नहीं क्योंकि मैंने इसे रिजेक्ट कर दिया था, हो सकता है इसीलिए। और फिर वो जाता है तो हीरो से कहती तुम ठीक तो हो ना, तुम मुझे तो ऐसे टेंस लग रहे हो कुछ दिन से, लेकिन ये कहता कि अरे नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो, तुम्हारे ये ड्रेस काफी अच्छा लग रहा है। और फिर दोनों बात करते करते जाते हैं, सो हमें पता लगता है कि पूरे क्लास में इसका 14th रैंक आया हुआ रहता है और सब सुन के काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि नागी हमेशा सेकंड या फिर फर्स्ट आता था। नागी कहते हैं इसमें कुछ गड़बड़ है, टीचर कहते हैं कि कुछ भी गड़बड़ नहीं है और हमेशा की तरह हीरो फर्स्ट आई हुई रहती है। सो यहाँ पे उसके दोस्त कहते हैं कि चिंता मत करो नागी, अगली बार तुम फर्स्ट आ जाओगे, बिल्कुल भी रोने की जरूरत नहीं है। और फिर ये आ जाता है कहता है कि अरे ब्रो तुम टेंशन क्यों लेते हो, तुम्हें पता है पूरे एग्जाम भर मैं भी एरिका को देख रहा था, मेरे भी तो कुछ अच्छे नंबर नहीं है, वैसे एरिका काफी ज्यादा कमाल की है क्यों है। हीरो आती है यहाँ पर लेकिन उसने नागी को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया रहता है, नागी भी देख के हैरान था। अब घर में साची देख लेती है कि उसका भाई आखिर दुखी क्यों है, एरिका बता रही होती कि वो पूरे क्लास में 14th आया है। साची कहती क्या ऐसा नहीं हो सकता है, वो हमेशा फर्स्ट या फिर सेकंड आता है, शायद वो इसीलिए इतना ज्यादा दुखी है। वो कहती है कि मुझे इससे क्या लेना देना है, मैं तो हमेशा की तरह लास्ट आई हूँ। तब ये कहती है कि तुम्हें एक बार जाकर उससे पूछना चाहिए। और इधर हमें दिखाया जाता है कि ये लेटा हुआ था, सोचता है मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं हो सकता है, मैंने यहाँ पर 2 महीने बिता दिए और मैंने बहुत सारी चीजें की, सचमुच मैंने बहुत ज्यादा मजे किए और इसी बीच में मैंने कुछ पढ़ाई भी नहीं की, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब आगे मेरा क्या होने वाला है, मुझे तो लगता है कि मेरी जिंदगी यहीं पे खत्म हो चुकी है, मैं 14th आ गया जिंदगी में पहली बार, अब मैं किस तरीके से लोगों को अपना मुंह दिखाऊंगा, मैंने बहुत ज्यादा मजा किया, मैंने पता नहीं क्या क्या किया यहाँ पर इतने दिनों में, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता है, मुझे लगता है कि मुझे हार मान लेनी चाहिए, संन्यास लेके पर्वत पे चले जाना चाहिए। तब तक वहाँ पे एरिका आ जाती है, दरवाजा नॉक कर रही होती है लेकिन ये सुनता नहीं और वो कहती कि मुझे भूख लगी है, कहता है कि अरे जाओ ऑनलाइन ऑर्डर कर लो मुझे नहीं बनाना है। एरिका कहती है कि देखो तुम्हें खाना तो बनाना ही पड़ेगा, तो यहाँ पर वो उसे मोटिवेट करने की कोशिश कर रही होती, कहती मैं तो लास्ट आई हूँ, तुम तो फिर भी 14th आए हो तो तुम इतना ज्यादा उदास क्यों हो रहे हो समझे, और तुम्हें और भी आगे बढ़ना है, तो किसी भी तरीके से वो उसे मोटिवेशन देने की कोशिश कर रही होती है। मगर जो नागी रहता है वो अंदर से एकदम टूट गया रहता है क्योंकि जिंदगी में पहली बार 14th प्लेस पे आया रहता है और बहुत बुरा लग रहा होता है उसे, लेकिन किसी भी तरीके से ये उसे मना लेती है और कहता है कि ठीक है। और फिर उसके बाद एरिका कहती है कि अगर तुम खाना भी नहीं बना सकते ना तो तुम यहाँ पर किसी भी लायक के नहीं थे क्योंकि तुम्हें बस खाना ही बनाना अच्छी तरीके से आता है और कुछ भी नहीं। सो नागी ने सोच लिया रहता है कि वो अब कमबैक करेगा और ये वाला कमबैक बहुत ही ज्यादा हार्ड होने वाला है। सो अगले दिन वो नहा के निकलता है और सोचता है कि अब मेरा दिमाग एकदम शांत है, फ्रेश हो चुका हूँ। जैसे बाहर निकलता एरिका देख लेती है, एरिका उसके छोटे से सांप को देख के बहुत ज्यादा डर चुकी रहती है और वो कह रहा होता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, वो बता रहा होता है कि मैं तो हमेशा डेली सुबह नहाने के लिए आता हूँ, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। अब उसके बाद ये स्कूल आ गया रहता है, खैर जितनी बेइज्जती होनी थी घर के अंदर ही होनी थी लेकिन स्कूल में आ गया रहता है। और फिर सोचता है कि अब एक नए दौर की शुरुआत होने वाली है और यहाँ पर ये पढ़ाई कर रहा होता है, सोचता है कि अरे पता नहीं अभी तक हीरो यहाँ पे आई क्यों नहीं। एरिका आती है और बताती है कि हीरो को आने में थोड़ा सा टाइम लगने वाला है और ये मोबाइल चलाने लगती है, यहाँ पर मोबाइल निकालती है, स्नैक्स खा रही होती है। तो और नागी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, अब यहाँ पे नागी उससे चिल्ला के कह रहा होता है कि तुम्हें ये सब रखना पड़ेगा और तुम्हें यहाँ पे पढ़ाई करनी पड़ेगी, और ये दोनों बदतमीजी कर रहे होते हैं। और हीरो आती है और सारी बातें सुन लेती है कि किस तरीके से नागी उसे पढ़ने के लिए फोर्स कर रहा है। खैर हीरो फिर नहीं जाती है वहाँ पे लाइब्रेरी में और फिर वो सीधे सीधे चले जाती है बाहर। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो उसके पास में आता और पूछता है कि तुम क्यों नहीं आई थी, तब ये बताती है कि मैं घर में कुछ सामान भूल गई थी तो वापस चली गई थी घर सामान लाने के लिए। और ये यहाँ पे शर्मा रहा होता है, इसे समझ नहीं आता किस तरीके से बात किया जाए। आगे हम देख रहे होते हैं कि हीरो को देख रहा था, इसे ऐसा लग रहा था कि कहीं मुझे हीरो इग्नोर तो नहीं ना कर रही है, क्योंकि हीरो उसकी तरफ देख ही नहीं रही होती है। और फिर ये देख रहा होता है हीरो की तरफ तो हीरो उसे देखती है और फिर इग्नोर कर देती है बहुत ही बुरी तरीके से। नागी को यहाँ पे बहुत ज्यादा बुरा लगता है लेकिन शिवान कहता है अरे डूड चिंता मत करो, बहुत सारी लड़कियां हैं, एक नहीं तो दूसरी सही। फिर यहाँ पे जब ये लॉकर में देखता है तो इसे एक चिट्ठी दिखाई देती है और ये चिट्ठी किसी और के नहीं बल्कि हीरो की तरफ से रहती है कि शाम में आ जाना मिलने के लिए। तो ये जाके सीधे एरिका के पास चला जाता है उसे बताने के लिए। एरिका कहती है लगता है तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है,
शायद वो तुमसे नाराज है क्योंकि तुमने टेस्ट में इतने ज्यादा कम नंबर लाए, और देखो वो तुम्हारी राइवल है, तो उसे पता है क्या कि तुम्हें किस तरीके से महसूस हो रहा है। मुझे लगता है कि तुम्हें उससे जाके माफी मांगनी चाहिए क्योंकि तुमने उसे निराश किया था। याद है ना तुमने उसे क्या कहा था? तुमने उसे कहा था कि तुम सारे टेस्ट में टॉप करोगे और उसे पीछे छोड़ दोगे। नागी कहता है, हाँ मैंने उससे कहा तो था। एरिका गुस्सा करते हुए कहती है, हाँ तो बेवकूफ भाई कि तुम 14th रैंक पे आए हो। मुझे लगता है कि तुम्हें जाकर उससे माफी मांगनी चाहिए क्योंकि वो तुमसे अभी बहुत ज्यादा उदास होगी। उसके बाद वो हीरो के पास चला जाता है बास्केटबॉल कोर्ट में और उससे माफी मांग रहा होता है। कह रहा होता है, मुझे माफ कर देना, वो सारी गलती मेरी है, मैं ही इतना बड़ा गधा हूँ, मैं क्या करूँ। हीरो यहाँ पे हंसने लगती है और कह रही होती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी मैं राइवल हूँ और मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम्हें कितना ज्यादा बुरा लग रहा होगा कि जब तुम 14th प्लेस पे आए होगे। तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं तुम्हें कंफर्ट दिला सकती हूँ, लेकिन फिर पता है मैंने तुम्हें एरिका के साथ देखा, और एरिका के साथ देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि वो पर्सन मैं नहीं हूँ जो तुम्हें अच्छी तरीके से कंफर्टेबल महसूस करा सकती है। मुझे लगता है कि वो पर्सन एरिका है जिसके साथ तुम अच्छी तरीके से कंफर्टेबल महसूस करते हो, और इसलिए मैं तुम दोनों को बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, और मुझे लगता है कि तुम आगे चलकर मेरी बहुत मदद कर सकते हो, मुझे अच्छी टक्कर दे सकते हो और मुझे उस परेशानी से भी बाहर निकाल सकते हो जिसमें मैं फंसी हुई हूँ। तो यहाँ पर ये समझ चुका रहता है आखिर उसके कहने का क्या मतलब है, कहीं हीरो कोई उसे हिंट तो नहीं ना दे रही थी। नागी भैया पूरे जोश में रात को पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं, कहते हैं कि ये है पावर ऑफ लव और मैं दिखाऊंगा। एरिका आ चुकी रहती है तब तक रूम में और कह रही होती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। वो कहता है, डिस्टर्ब मत करो, और कहती है कि मुझे एग्जाम में पास होना है। नागी कहता है, अपने पापा की मदद से तो तुम पास हो ही जाओगी। लेकिन ये कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरे फादर ने मुझसे कहा है इस बार कि मुझे खुद से पास होना पड़ेगा, अगर मैं पास नहीं हो पाई तो वो मुझे वापस घर ले जाएंगे, मुझे स्कूल से भी बाहर निकाल दिया जाएगा। प्लीज तुम मेरी मदद करो, मेकअप एग्जाम में मुझे किसी भी तरीके से पास होना है। वो कहता है, आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तब वो बोलती है कि मेरे फादर ने साफ साफ कह दिया है क्योंकि मेरे बहुत ही लो नंबर आए हैं इसीलिए। सो नागी ने यहाँ पे डिसाइड कर लिया रहता है कि वो किसी भी तरीके से अब एरिका को यहाँ पे पढ़ाएगा और उसे अच्छे नंबर दिलवा के पास करवाएगा। लेकिन एरिका देख सकते हैं ये बहुत बड़ी एकदम ड्रामेबाज रहती है, ये पढ़ने के अलावा कुछ भी कर सकती थी। हालांकि इसने ड्रेस तो पूरा पहन लिया रहता है क्योंकि ये जो भी काम करती है अच्छे से करती है, और ये निकारा लोगों की सबसे बड़ी निशानी रहती है कि वो ऐसी ही बात बोलते हैं। हालांकि अब यहाँ पर वो कह रहा होता है पढ़ाई करने के लिए, लेकिन वो मोबाइल निकाल लेती है और कहती है कि रुको कुछ फोटो तो खींच लूँ, और फिर बता रही होती है कि मेरे फादर ने मुझसे ये कहा है, मुझे पता है कि वो मुझे घर ले जाने की वापस से कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए उन्होंने ये सब किया है, मुझे किसी भी तरीके से पास होना पड़ेगा और मैं पास नहीं हो पाई तो वो मुझे अपने साथ घर ले जाएंगे। नागी कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, चलो देखता हूँ कि आखिर तुम क्या पढ़ सकती हो और क्या नहीं पढ़ सकती हो। तो यहाँ पे वो एकदम रेडी रहती है लेकिन थोड़ी सी घबराई हुई रहती है, और बता रही होती कि पहले मेरा एक ट्यूटर था और वो मुझे सारे सवाल बता दिया करता था एग्जाम में आने से पहले, तो मैं फेल कभी भी नहीं हुई हूँ, और तुम हो कि तुम एक नंबर के गधे हो, तुम तो कभी मुझे पढ़ाते भी नहीं हो, मेरे ऊपर ध्यान भी नहीं रखते हो। लेकिन ये बोलता है कि नहीं, तुम ही बहुत ज्यादा बिजी रहती हो मोबाइल चलाने में इसलिए तुम्हारा ये हाल है, समझी, और तुम वैसे भी सबसे ज्यादा लास्ट आई हो। तो इसके बाद अब उसकी पढ़ाई यहाँ पे शुरू हो जाती है, साची भी पूरे ड्रेस में आ चुकी रहती है और वो भी मदद करने वाली रहती है उसके पढ़ने में। तो यहाँ पर ये लोग पढ़ रहे होते हैं, मगर एरिका की सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन ये रहती है कि उसे पाई के बारे में नहीं पता रहता है, पता रहता है मगर उसे समझ में नहीं आता है, और भी उसके दिमाग में अटपटे सवाल आने लगते हैं। लेकिन नागी कहता है, तुम्हें ये छोटी सी बात नहीं पता, ये तो इंसल्ट है मैथ की, और फिर उसे बताना शुरू कर देता है। हालांकि वो उसे बहुत सारी चीजें बताता है लेकिन इसके दिमाग में कुछ भी घुसता नहीं है क्योंकि ये एरिका रहती है, कोई पढ़ाई की टॉपर नहीं रहती है। अब यहाँ नागी का दिमाग खराब हो चुका रहता है क्योंकि वो उसे बहुत सारे सवाल बताता है लेकिन अभी भी इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, और ये पाई पे ही अटकी हुई रहती कि पाई आखिर इस तरीके से क्यों है। अब नागी को जब गुस्सा आता है तो वो कहता है कि देखो ये मैथ तुम्हारे बस की बात नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि ये मैथ तुमसे होने वाला है, तो तुम एक काम क्यों नहीं करती हो, तुम जाकर हिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ती हो, अगर तुम हिस्ट्री पढ़ोगी तो तुम उसमें आसानी से थोड़ा सा नंबर भी ला पाओगी, और तुम्हें तो अपने मेकअप वाले एग्जाम में पास होना है ना। तो वहां पे वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मुझे पता है मेरे फादर मुझे वापस ले जाकर ही रहेंगे, मैं इस एग्जाम को पास नहीं करने वाली और मैं तुम लोग से सेपरेट भी हो जाऊंगी, मुझे लगता है कि मेरी किस्मत में यही लिखा है। और यही कहने के बाद वो अपने कमरे में चली जाती है। काफी रात हो गई थी। अब नागी यहाँ पे सोच रहा होता है कि मुझे भी यहाँ पर आए हुए बहुत दिन हो गए और मैंने भी उसके साथ बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड कर लिया है, लेकिन मुझे भी बुरा लग रहा है, अगर वो यहाँ से चली जाएगी तब मैं भी बहुत ज्यादा अकेला महसूस करूंगा, आखिर मैं हूँ तो उसका फ्यांसे, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। खैर नागी के दिल में अभी भी एक सॉफ्ट स्पॉट होता है, और फिर वो रात में पूछता है साची से कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। साची बताती है कि एरिका अपने कमरे में पढ़ाई कर रही है और वो तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, इसलिए मैं यहाँ सोफे पे सोई हुई हूँ और वो ताकि अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सके। देखो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें जाकर पढ़ाई में उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन नागी मना कर देता है, कहता है कि नहीं मुझे नहीं लगता कि मुझे जाकर उसकी मदद करनी चाहिए। तब साची उसे डोज देने लगती है और कहती है कि नहीं तुम्हें जाकर उसकी मदद करनी चाहिए क्योंकि तुम हो वो जिसे घर जाना चाहिए ना कि वो, समझे, मुझे लगता है कि तुम्हें जाना चाहिए। तो वो पहुंच गया रहता है इसके कमरे में और कहता है कि ऐसे तुम पढ़ाई करोगी, तुम्हें अभी तक रेशियो के बारे में नहीं पता और तुम रेशियो के बारे में सोच क्यों रहे हो बेवकूफ कहीं की। देखो रेशियो के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं और तुम उस पर से ध्यान हटा दो, ठीक है मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा।
सो यहाँ पे हमारा नागिया पूरे जोश में आ चुका रहता है और कहता है कि तुम्हें बस पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करना है और कुछ भी नहीं। तो पूरा पढ़ाई के बारे में यहाँ पे बात हो रहा होता है और कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी किस्मत से बाहर निकालूंगा, मैं तुम्हें इतनी आसानी से घर वापस नहीं जाने देने वाला हूँ। तो यहाँ पे वो उसे पढ़ाना एकदम पूरी तरीके से शुरू करता है, जितना भी रहता है नोट्स रहते हैं वो सारी चीज़ें उसे लिखवा रहा होता है और काफ़ी गुस्सा भी कर रहा होता है। साची बाहर से ये सारी चीज़ें सुन रही होती है और फाइनली उसे अच्छा लग रहा होता है कि चलो कम से कम उसका भाई मदद तो कर रहा है एरिका की। अब यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया रहता है और कहता है कि चलो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, और वो पढ़ाई नहीं कर रही होती, इतनी आसानी से पढ़ाई कहाँ करने वाली रहती है। लेकिन जिस दिन रिजल्ट आया हुआ रहता है हमें पता लगता है कि वो पास हो चुकी है और काफ़ी अच्छे नंबरों से यहाँ पे पास हुई रहती है। नागी भी बहुत खुश रहता है हालांकि ये 2 दिन से सोया नहीं था। तो यहाँ पे अब एक सेक्रेटरी कह रही होती कि सर आपका प्लान तो फेल हो गया, काफ़ी बुरा हुआ। लेकिन कहते हैं उसके फादर एरिका के कि नहीं ये काफ़ी अच्छी बात हुई ना। और फिर इधर हमें दिखाया जाता है वो लोग पार्टी कर रहे होते हैं, जहाँ पे एरिका कहती है कि मैं थोड़ा सा ध्यान लगा लूँ तो मैं अच्छी तरीके से टॉप कर सकती हूँ। तब ये गुस्से में बोल रहा होता है कि तुम और टॉप कभी भी नहीं कर सकती हो, समझी, वो मैं हूँ जिसने तुम्हारे लिए सारे नोट्स बनाए, सारे PDFs बनाए, तुम्हारे सारे के सारे जितनी भी चीजें थी एग्जाम में आने वाली सारी मैंने लिखी है, समझे, मुझे शुक्रिया कहने के अलावा तुम ये कह रही हो कि तुमने सारी मेहनत की है। एरिका कहती है कि हाँ तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने भी मेरी बहुत ज्यादा मदद की है। उसका वो गेस्चर देख के एकदम हैरान हो चुका रहता है। और साची कहती है कि अब फेस्टिवल का वक्त है। एरिका कहती है कौन सा फेस्टिवल? साची बताती है कि हमारे घर के पास में एक फेस्टिवल होता है और वहां पर बहुत सारे लोग आते हैं, हम लोग काफी ज्यादा मजे करेंगे। एरिका काफी खुश हो जाती है, वापस से काफी सारी तस्वीर खींचने को मिलने वाली है। और फिर वो नागी से पूछती है तुम भी आओगे ना? नागी कहता है कि हाँ मैं तो आऊंगा ही, क्योंकि वहाँ का सारा भाग दौड़ मुझे ही तो संभालना है। तो यहाँ पर अब ये लोग अपने पेरेंट्स की मदद कर रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पे अब फेस्टिवल वाला दिन रहता है। नागी पूरी मेहनत कर रहा होता है, हालांकि इसे और इसकी बहन को ज़्यादा कुछ आता तो नहीं था, लेकिन फिर भी ये लोग पूरी मेहनत कर रहे होते हैं, खाना बनाना तो अच्छी तरीके से आता है। तो वो लोग अपने मॉम डैड को कह रहे होते हैं कि भीड़ बढ़ते जा रही है और आप लोग हमारी तरफ से चले जाइए, बाकी स्टोर्स को हेलो कह दीजिए। तो यहाँ पे उसके मॉम डैड चले जाते हैं और फेस्टिवल का वक्त होता है सुबह में, तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और ये कह रहा होता है कि मैंने सारी मेहनत की, मैं 2 दिन से सोया भी नहीं हूँ इस एरिका की वजह से। लेकिन ये कहती है कि हाँ तुम आराम से सो लेना, पहले अपना काम तो पूरा कर लो। तो यहाँ पे वो लोग अपना पूरा काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे इन्हें काम करते करते काफ़ी टाइम बीत चुका रहता है बहुत ज़्यादा, और लोग आते जा रहे होते। एक बंदा कहता है क्या तुम दोनों कपल हो? लेकिन वो लोग कहते हैं कि नहीं। तब तक हीरो वहाँ आ जाती है और हीरो को देख के वो हैरान हो जाता है, पूछता है तुम क्या कर रहे हो? हीरो बताती है कि मेरा श्राइन ही इसे स्पॉन्सर कर रहा है। तो जो हीरो रहती है वो साची को देखती है और पूछती है कि ये कौन है? हमारा नागी बताता है कि ये मेरी बहन है। तो हीरो उसे हेलो कहती है, लेकिन साची कुछ बोल नहीं रही होती क्योंकि उसे पता रहता है कि ये वही लड़की है जिसे नागी डेट कर रहा है। नागी कहता है कि साची तुम ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम हेलो क्यों नहीं कह रही हो? तब हीरो कहती है मुझे लगता है कि वो तुम लोग काफ़ी ज़्यादा बिजी हो, ठीक है क्या तुम रात में मेरे साथ चलना चाहोगे घूमने के लिए? नागी तुरंत ही हाँ कह देता है। और साची कहती है मुझे लगा था कि तुम एरिका के साथ जाने वाले हो, लेकिन वो कहता है कि नहीं। अब यहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा हो गया रहता है और फाइनली शाम हो गया रहता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर इसकी छोटी बहन सोच क्या रही है, बहुत अलग अलग सोच रही होती है, पता नहीं क्या सोचती है, आगे पता चलेगा। लेकिन अब फाइनली रात हो चुकी रहती है, एरिका आ गई रहती है और ये दोनों निकल पड़ते हैं अब यहाँ पर मज़े करने के लिए। बहुत सारी तस्वीर भी खिंचा रहे होते हैं और काफ़ी मज़े भी कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वो हीरो से मिलती है, तो हीरो पूछती है अरे ये तुम्हारे साथ? तब एरिका बोलती है कि हाँ ये मेरी छोटी बहन है। अब हीरो सोच रही होती क्या तुम्हारी छोटी बहन? लेकिन उस वक्त तो अब ये कंफ्यूज हो गई। तो फाइनली एरिका और नागी आ चुके रहते हैं यहाँ फेस्टिवल में। एरिका तो बहुत ज़्यादा खुश रहती है क्योंकि आज वो पहली बार फेस्टिवल में आई रहती है। और नागी सोच रहा होता है कि मुझे हीरो के साथ यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन हीरो नहीं आ सकती क्योंकि उसे अभी भी काम रहता है, इसलिए वो अभी थोड़ी सी बिजी रहती है। और रही बात हमारे साची की, तो साची के मॉम डैड ने उसे दुकान पर ही रख दिया था क्योंकि ये दोनों कपल रहते हैं तो इन दोनों को अकेले जाने दिया जाता है और उनकी बहन को उनके बीच में बिल्कुल भी टांग अड़ाने की इजाज़त नहीं रहती है। सो यहाँ एरिका बहुत ज़्यादा खुश रहती है, उसे तो मज़ा आ रहा होता है और इसके पास आज बहुत पैसे भी रहते हैं, काफ़ी पैसा रहता है, लड़की के साथ था ना इसीलिए, दोस्तों के साथ रहता तो पैसा नहीं निकलता। एरिका तो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रही थी मगर क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि ऐसे छोटे मोटे मामलों में क्रेडिट कार्ड काम नहीं आता, सिर्फ कैश काम आते हैं। कैश से बहुत ज़्यादा ऐश कर रही होती है एरिका, लेकिन यहाँ पे कुछ भी हाथ नहीं लग रहा होता उसके बहुत ज़्यादा मेहनत करने पे। उसे एक मामू वाला मास्क मिल चुका रहता है जो कि किसी भी काम का नहीं रहता है। बेचारी को बहुत ज़्यादा ही मजाक उड़ा रहा होता हमारा नागी, जो कि अच्छी बात नहीं रहती, और वो काफ़ी गुस्से में आ जाती और एक पूरा
अपना बंडल निकाल के दे देती है, लेकिन नागी उसे खींच के ले जाता है क्योंकि सब लोग उसे पहचान चुके थे कि अरे ये क्या, ये एरिका है क्या, और वो नहीं चाहता था कि ये यहाँ पे कुछ क्रिएट करे, इसलिए वो उसे मास्क में नहा डालता है और कहता है कि रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ फेस्टिवल का असली मजा क्या होता है। फिर वो उसे चारों तरफ घुमाता है और बहुत ज्यादा ही मजे कर रहे होते हैं, काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। नागी को लग चुकी रहती है भूख, तो वो कहता है कि रुको मैं पैनकेक्स लेके आता हूँ। वो कहती है कि जाओ। ये पैनकेक्स लाने गया रहता है तो साची और उसके दोस्त आते हैं, तो साची का काम खत्म हो चुका है, वो अपने दोस्तों के साथ घूम रही है। वो कहता है कि तुम ध्यान से, तुम्हारा एग्जाम भी है ना, तो तुम उसके लिए अच्छे से रट्टा मारना। वो कहती है कि आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फिर वो लोग जाने लगते हैं, तब साची के दोस्त कह रहे होते कि तुम्हारा भाई तुमसे बहुत अलग है, वो दिन भर पढ़ाई के बारे में बात करते रहता है। साची को यहाँ पे एकदम जलन हो रही होती है और अजीब सा चेहरा बना लेती है। नागी भी सुन रहा होता है सारी बातें, जहाँ पे उसके दोस्त कहते हैं कि तुम हमेशा अपने भाई के बारे में ही बात करते रहती हो क्लास में, क्यों है ना। और साची काफी शर्मिंदा हो रही थी। नागी सोचता है क्या ये मेरे बारे में हमेशा बात करती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ पे पैनकेक्स खा रहे होते हैं। नागी कहता है पैनकेक्स खाने का मजा ही अलग है। एरिका कहती है तुमने कुछ कहा क्या, उसे तो खाना भी ढंग से नहीं आ रहा होता है क्योंकि बहुत ज्यादा उसे भूख लगी हुई रहती है। और फिर वो कहती है मजा आ रहा है। तब तक उसके कुछ फैंस आ चुके रहते हैं और वो डर गई रहती है। वो पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला। तब हमें पता लगता है कि यहाँ एरिका ने इंस्टा पे पोस्ट डाला था जिसकी वजह से इसके फैंस यहाँ पे आगे रहते हैं। और वो कहती है कि नागी तुम कुछ करोगे नहीं क्या, इनके इन्हें मार के भगाओ यहाँ से। नागी कहता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि नहीं बाबू इतनी आसानी से नहीं, इस बार हम लोग पूरी रेडी के साथ आए हैं और यहाँ पे डोले शोले बना गया रहता है। नागी तुरंत ही एरिका को लेता है और यहाँ से भाग जाता है। भागते भागते वो लोग आगे रहते हैं काफी दूर में, और कहता है मैं तुम्हें भगा के यहाँ पे इसलिए लेके आया क्योंकि मैं कोई भी वहाँ पे नहीं चाहता हूँ, भगदड़ नहीं चाहता हूँ। मगर वो कहती है कि तुम्हें लड़ना चाहिए था, मगर वो साफ साफ मना कर देता है, कहता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं। फिर वो सूंघ रही होती है डॉगी की तरह, और वो कहता है कि तुम्हारे हाथ में सॉस लगी थी ना, वही सॉस लग गया है मुझे और कुछ भी नहीं। सो यही बात रहती है। फिर वो कहता है कि तुम तो ऐसे समर हॉलीडेज पे बहुत अलग अलग जगह जाती होगी, लेकिन वो कहती है कि नहीं ये वाला जो समर हॉलीडे है इसमें बहुत मजा आया, मैं पहली बार यहाँ फेस्टिवल में आई हूँ और ये फेस्टिवल सचमुच कमाल का है, इसे देखने में मजा आ गया है। वैसे मैं हॉलीडेज पे बहुत जगह बाहरी देश में जाती हूँ, लेकिन इसे काफी जलन हो रही होती है क्योंकि ये कभी नहीं गया है, लेकिन ये जाती थी। मगर फिर भी कहती कि ये विलेज वाला तो सचमुच कमाल का है, काफी ज्यादा मजा आ गया। और अब यहाँ पे हमें फायरवर्क्स को भी दिखाया जाता है, काफी ज्यादा यहाँ पे सुंदर रहते हैं, और ये फेस्टिवल का लास्ट सीन रहता है फायरवर्क्स का, वही मेन रहता है। तब तक हीरो दौड़ते हुए आती है और कहती है कि मुझे तुम दोनों से कुछ पूछना है, मैं तुम दोनों को ही ढूंढ रही थी। नागी कहता है कि नहीं 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 कुछ भी मत पूछना इसके सामने। और फिर हीरो कह देती है क्या साची तुम दोनों की बहन है, मुझे काफी कन्फ्यूजन हो रही है, तुम दोनों ने कहा कि साची तुम्हारी बहन है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर इसके पीछे का राज क्या है, साची असल में किसकी बहन है। एरिका तुरंत ही इसे लेके यहाँ से भागने लगती है, और फिर वो लोग काफी दूर आ गए रहते हैं भागते भागते। तब दोनों को यहाँ पे पता लगता है कि इन्होंने गलती से ही लेकिन बारी बारी से साची को हीरो से इंट्रोड्यूस करवा दिया रहता है, और फिर अब इनका भांडा एक तरीके से फूटने वाला रहता है। नागी कहता है कि मुझे लगता है हमें उसे सारी बातें सच सच बता देनी चाहिए। एरिका कहती है लेकिन अगर तुम बता दोगे तो वो तुमसे नफरत करने लगेगी, तुमने उसे बहुत बड़ा राज छुपाया है। नागी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा हमारे पास और कोई भी रास्ता है, तुम चिंता मत करो मैं उसे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा तो वो समझ जाएगी। लेकिन एरिका को अभी भी उसकी चिंता हो रही थी। उसके बाद हीरो को सारी सच्चाई पता चल गई रहती है कि इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है और क्या ट्रायोलॉजी लगी हुई है, लेकिन वो खुश रहती है। और फिर कहती है मेरी भी मैरिज फिक्स हो गई है। ये सुन के एरिका खड़ी हो जाती है, कहती क्या। वो कहती क्या तुम्हें नागी ने बताया नहीं। नागी कहता है वो मैं थोड़ा सा भूल गया था, मुझे इतना ज्यादा काम था ना इसलिए मैं भूल गया था। तो हीरो कहती है इसका मतलब हम सभी लोग एक जैसे हैं, सबकी मैरिज फिक्स हो चुकी है, मेरी भी मैरिज फिक्स हो चुकी है, तो हमें अपना एक ग्रुप बना लेना चाहिए और हमारे ग्रुप का एक स्पेशल नाम रहेगा जो कि मैरिड कपल टाइप का ग्रुप रहने वाला है। तो यहाँ पे दोनों लड़कियां बात कर रही होती है कि आखिर इनके ग्रुप का क्या नाम रहने वाला है, और बताती है हीरो कि मैं इस बात को हमेशा एक सीक्रेट रखूंगी, मैं इसे किसी को भी नहीं बताने वाली हूँ। सो उसके बाद वो लोग कैफे में काफी ज्यादा मजे कर रहे होते हैं, बहुत ही ज्यादा मजे कर रहे होते हैं। तो अब इनके जाने का वक्त आने वाला रहता है। सो अब ये लोग निकल पड़ते हैं, जहाँ पे इसे याद आता है कि अरे नहीं साची ने तो मुझे कुछ लाने के लिए बोला था। सो एरिका यहाँ से तुरंत ही जाने लगती, कहती कि मैं आती हूँ, इससे पहले कि नागी उसे बोलता कि साची तो मेले में ही थी, वो चली गई रहती है वहां से पहले ही चली गई रहती है। सब ये दोनों जा रहे होते हैं, वो कहता है मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूँ। वो कहती है कि नहीं घर तक छोड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। सो हीरो अब यहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो वापस से आती है और इसे पकड़ लेती है, कहती है कि क्या तुम मुझसे कुछ और भी छुपा रहे हो। नागी कहता है कि नहीं मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ। वो कहती है कि पक्का प्रॉमिस ना। नागी कहता है कि हाँ मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ, सारी सच्चाई तुम्हें पता है।
और यहाँ पर इन दोनों को दूर से खड़े होते हुए देख ली रहती है साची। अब साची को यहाँ पे कोई गलतफहमी हो गई रहती है। वेल सच बोले तो साची को यहाँ पे बहुत ज्यादा जलन हो रही थी, क्योंकि वो भी नागी को पसंद करती थी और हीरो को बहुत ज्यादा जलन हो रही होती है हीरो को देखकर। तो अब वो लोग जब घर में आ चुके रहते हैं तो हमारी साची साफ साफ बता भी देती है कि आखिर बात क्या है एरिका, उसके लिए बहुत सारा खाना लाई थी लेकिन फिर भी उसका मूड अच्छा नहीं था, और वो पूछती है कि नागी कहाँ पर है। तब वो साची बताती है कि नागी पहले ही घर आ चुका है और मैंने हीरो और हमारे भाई को देखा और मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। तो उसे बुरा लग रहा था और ये यहाँ पे मस्त से नहा रहा होता है। सो अगले दिन ये दोनों रेडी रहते हैं ताकि ये दोनों हीरो को ऑब्जर्व कर सके। दोनों डिटेक्टिव वाला गेम खेल रहे होते हैं तो ये लोग ऑब्जर्व करते हैं कि कैसे उसे रोड पे गिरा हुआ सिक्का मिला था। तो वो जाकर सबसे पहले उसे पुलिस स्टेशन में दे देती है। उसके बाद एक बहुत ही ब्यूटीफुल यानी हैंडसम लड़का आता है लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है। फिर वो एक बिल्ली को भी घर ढूंढने में उसकी मदद करती है और ये बिल्ली लाचार रहती है, वो बच्चों के साथ भी खेल रही होती। ये सब चीजें देख के साची को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि कैसे कोई आखिर इतना सुपर ह्यूमन जैसा परफेक्ट कैसे हो सकता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। और फिर एरिका कहती कि देखो मुझे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है, हम लोग उसे एकदम स्टॉक कर रहे हैं, मुझे स्टॉकर जैसा फीलिंग आ रहा है, मुझे ये चीज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, आखिर तुम उसे स्टॉक क्यों कर रही हो, तुम्हें नागी की परवाह है इसीलिए क्या। साची कहती है कि हाँ मुझे उसकी बहुत ज्यादा परवाह है और मुझे पता लगाना है कि आखिर ये किस तरीके की लड़की है, मैं जानना चाहती हूँ। तब ये कहती है कि अरे तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जो हमारी हीरो है वो बहुत ही अच्छी लड़की है, तुम्हें पता है लोग मुझे भी अलग ट्रीट करते थे, मुझे लगता था कि फेमस हूँ इसीलिए ट्रीट करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल मुझे उसी तरह ट्रीट करती है जैसा वो सभी लोगों को ट्रीट करती है और ये दिल की काफ़ी अच्छी है, तो तुम्हें ज़्यादा सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मगर साची को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती और वो वहाँ से भाग कर चली जाती है। वो तुरंत ही नागी के पास आती है और हीरो के बारे में पूछ रही होती है कि तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे उस दिन फेस्टिवल में उसके साथ। उसके बाद वो काफ़ी कुटाई भी कर देती है हमारे नागी भैया की और बोल रही होती है कि ठीक है मैं तुम्हारे स्कूल में एडमिशन लेने वाली हूँ, मैंने अपना मन बना लिया है। तो अब ये नागी के लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी रहती है। उसके बाद दोनों डिस्कस कर रहे होते हैं जहाँ पर ये कहती है कि मैं एक दिन के लिए तुम्हारे स्कूल में ऐसे ही घूमने के लिए आने वाली हूँ। नागी कहता है कि घूमने के लिए क्यों आना है जब तुम अगले साल एडमिशन ले ही लोगी तो। और ये दोनों काफ़ी खुश रहते हैं क्योंकि दोनों बहनें साथ में स्कूल में पढ़ेंगी, पढ़ेंगी नहीं कुछ और भी कर सकती है, वैसे पढ़ने का तो बिल्कुल भी लोगों का नियत नहीं रहता है लेकिन फिर भी। और आगे नागी काफ़ी टेंस रहता है क्योंकि वो साची अब सचमुच पढ़ने के लिए चली गई रहती है और इसे अच्छा नहीं लग रहा होता है। ये कहती है कि मगर क्या हुआ। सो अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि आ गई रहती है स्कूल में जहाँ पे खड़ी रहती है अलग यूनिफॉर्म में, सब लोग उसे ही देख रहे होते हैं और ये दोनों भी छुप के देख रहे होते हैं क्योंकि पूरा क्राउड उसे देख रहा होता है। शिवान आ गया रहता है और देख के पागल हो चुका रहता है कि आखिर ये इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लड़की है कौन, मैं तो पागल हो गया हूँ, अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, ओहो एरिका मुझे पसंद है, लेकिन एक मिनट ये दोनों लड़की एक जैसी ही क्यों दिखी। वहाँ साची किसी का इंतजार कर रही थी, शायद वो अपने टूरिस्ट का इंतजार कर रही थी जो उसे घुमाने वाली है। तब तक हम देखते हैं कि हीरो रहती है जो उसे घुमाने वाली है। अब ये देख के नागी का दिमाग खराब हो चुका रहता है। एरिका कहती कि क्या हुआ था, वो बोलता है कि वो शायद हीरो को मेरी सारी बुरी आदतों के बारे में बताएगी कि मैं सोते हुए खर्राटे लेता हूँ, पैर यहाँ वहाँ मारता हूँ, इसलिए मुझे बहुत फिक्र हो रही है, मैं जा रहा हूँ उनके पीछे में। तो अब ये दोनों जा रही होती हैं जहाँ पर हमारी हीरो है, वो उसे पूरा स्कूल घुमा रही होती है और एरिका और नागी इन दोनों का पीछा कर रहे होते हैं, वो दोनों सुनने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। तो वो सोच रहा होता है कि अगर मान लो हमारी साची हीरो को अपनी बड़ी बहन मान लेगी तो मेरी मैरिज हो जाएगी, मतलब हीरो के साथ तो बहन बहन हो जाएगी वैसे। ओ माय गॉड क्या मस्त आइडिया आया है। सो यहाँ पर ये लोग एकदम पूरा कान ला के सुनने की कोशिश कर रहे होते हैं जहाँ पे साची पूछती है मुझे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना है, आखिर तुम मेरे भाई के बारे में क्या सोचती हो। तब ये काफ़ी शर्मा जाती है और बोलती है वैसे तो मेरी मैरिज फिक्स हो चुकी है लेकिन फिर भी मैं उसके बारे में सोचती हूँ। तो वो लोग बात कर रही होती है तो इन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता है। नागी को अब लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है तो यहाँ पे ये तुरंत ही भाग के वहाँ पे जाता है और एकदम भाग के आ चुका रहता है, एकदम थर्ड फ्लोर से नीचे आ गया रहता है और कहता है कि तुम दोनों क्या बात कर रही थी। लेकिन दोनों बिल्कुल नहीं बताती है, दोनों एकदम क्लोज फ्रेंड जैसा आगे रहते हैं जैसे सचमुच बहन हो। फिर उसके बाद ये लोग लंच कर रहे होते हैं। अब जो नागी के कुछ दोस्त रहते हैं वो बहुत दूर से इसे देख लेते हैं और कह रहे होते कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो जीते जी जन्नत का आनंद ले रहा है। देखो ऐसा हो सकता है कि ये इन दोनों लड़कियों का इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो हीरो के करीब जा सके, नागी बहुत बड़ा चालाक आदमी है, नागी को कम बिल्कुल भी मत समझना। सो उसके दोस्तों ने देख लिया रहता है और ये बात स्कूल में फैलने में देरी भी नहीं लगने वाली है। उसके आगे हम देख रहे होते हैं, अब यहाँ पे ये कहता है आओ खाना रेडी है, लेकिन वो कहती है कि नहीं मुझे भूख बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पे ये लोग बैठे हुए रहते हैं जहाँ वो बताता है कि साची सचमुच बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो एक बार अगर किसी चीज़ को ठान लेती है तो करके ही रहती है। तो एरिका काफ़ी अच्छा लगता है, वो कहती है कि वाह देखो वैसे भी वो बच्ची नहीं है तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन ये कहता है कि तुम समझ नहीं रही हो मेरे कहने का क्या मतलब है, जब एक बार मैं फोर्थ ग्रेड में फर्स्ट आया था स्विमिंग में तब साची को भी फर्स्ट आना था और अगले साल वो स्विमिंग में फर्स्ट आ कहीं रही थी,
सो उसके बाद जो भी कोई कंपटीशन में मैं फर्स्ट आता था वो अगले साल ला कर ही दिखाती थी। तो इस तरीके से वो मुझसे कम्पीट करती है। रिका काफ़ी खुश हो जाती, कहती कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन वो कहता है कि तुम पॉइंट नहीं समझ रही हो, आखिर कहने का क्या मतलब है। इसके बाद ये लोग आगे रहते हैं साची के घर में, जहाँ पर इन्हें अपने मॉम डैड को मनाना रहता है, क्योंकि जिस स्कूल में नागी पढ़ता है वो स्कूल बहुत ही ज़्यादा महंगा है और वहाँ पढ़ने के लिए ज़मीन बेचना पड़ जाता है। अगर ये स्कॉलरशिप ले भी लेती है साची तो फिर भी बहुत ज़्यादा पैसे लगने वाले हैं, तो इन्हें मॉम डैड को मनाना पड़ेगा ताकि वो लोग साची का एडमिशन हमारे नागी के स्कूल में करवा सके। एरिका कहती है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं हूँ ना तुम्हारी बड़ी बहन, तुम्हारे साथ में है, तो तुम्हें डरने की कोई भी बात नहीं है, चलो हम दोनों साथ में अंदर चलते हैं। मतलब तीनों अब साथ में अंदर जाएंगे मॉम डैड से बात करने के लिए। तो यहाँ पे उसके मॉम डैड तुरंत ही मान गए रहते हैं। ये सुन के नागी को काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती है, कह रही होते हैं कि कैसे आप लोग ये कैसे करने वाले हैं। तब वो कहती है टेंशन मत लो, हमने जान सोच लिया है। और नागी यहाँ पे एकदम सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, मॉम डैड एक ही बार में मान गए हैं। उसकी मॉम कह रही होती है हमारी तुम फिक्र बिल्कुल मत करो, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। तब ये कहता है हमारे पास पैसों का पेड़ नहीं है मॉम, कैसे पैसों का इंतजाम होगा। उसकी मॉम कहती है कि ये जो हमारी ज़मीन है, मतलब जो शॉप है, ये रेलवे के बहुत नज़दीक है, इसे बेच के काफ़ी पैसे आ जाएंगे। और हमें पता है साची जो एक बार सोच लेती है वो करके ही रहती है, लेकिन ये चीज़ नागी को अब अच्छी नहीं लगती है। कह रही होती है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। उनकी मॉम गुस्सा कर रही होती है, कह रही होती है कि क्या तुमने तब लॉटरी जीत लिया है, नहीं ना तो हमारी बात मानो चुपचाप। साची कहती है कि नहीं मुझे उस चीज़ में बिल्कुल भी खुशी नहीं मिलेगी जिसकी वजह से हमें अपना घर बेचना पड़े। मगर उनकी मॉम बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती है और कह रही होती मैंने जो क्या हम कह दिया हम घर बेचेंगे और साची को पढ़ाएंगे, किसी को इससे कोई एतराज़ है तो वो बोल सकता है। अब यहाँ पे दोनों माँ बेटी के बीच में अलग ही टेंशन लगी रहती है और जो हमारे मर्द रहते हैं बीच में वो लोग क्या ही बोले इन लोगों के बीच में। सो यहाँ पे इन दोनों का अपना ही अलग टेंशन रहता है। साची कहती कि नहीं, और फिर एरिका बीच में आती है और कहती कि बस बहुत हो गया, हम लोग इतना आगे के बारे में क्यों सोच रहे हैं, देखिए अभी भी हमारे पास वक्त है। तो मॉम डैड आप लोग पैसे कमाने पे ध्यान दीजिए और साची तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, जो भी होगा आगे देख लिया जाएगा। वो उसे पूरा समझा देती है उन लोगों को और यहाँ का जो माहौल है पूरी तरीके से शांत कर डालती है। सो उसके बाद ये लोग बाहर आते हैं, नागी उसे शुक्रिया कह रहा होता है, कहता है कि तुमने सचमुच बहुत ही अच्छी तरीके से वहाँ पर सिचुएशन को हैंडल किया। एरिका भी शर्मा चुकी रहती है और कह रही होती कि ना चिंता मत करो, वैसे भी मैं तुम्हारी किस्मत यहाँ पर बदलने के लिए ही आई हूँ और सारी किस्मत यहाँ पर बदल जाएगी। तो ये लोग साची का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब वो वहाँ से बाहर आएगी, तब ये लोग वापस से घर जाएंगे क्योंकि सारा इंतज़ाम तो हो चुका रहता है। साची आ चुकी रहती है और एरिका को कहती है कि तुम मेरी बड़ी बहन हो, वैसे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सो जो हमारी साची रहती है वो सिर्फ एरिका को ही यहाँ पे शुक्रिया कहती है और नागी को शुक्रिया बिल्कुल नहीं कहती है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मुझे भी तो शुक्रिया अदा कहो, मगर वो नहीं कहती है। वो तो उसे जीप दिखाती है और कहती है कि तुम तो जाओ भाड़ में। और बस इसी के साथ साथ साची अब जाने लगती है, मतलब तीनों अब घर जाने वाले हैं। और साची को बताती है कि वो लोग कैंप पे जाने वाले, स्टडी कैंप पे। तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन फिर बाद में कहती है कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। एरिका कहती है कि तुम मेरी छोटी बहन हो और तुम्हारा सारा खर्चा मेरा है, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो फिर वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर अब खुश हो चुकी रहती है। आगे आगे हमें ये पता लगता है कि अगले दिन उन लोग के साथ साची नहीं आई रहती है, क्योंकि साची की तबीयत खराब हो गई थी, इसके बदले में शियोन आया था वहाँ पर। और ये सोच रहा होता है नागी कि आखिर ये शियोन हमारे साथ कैसे आ गया। तो हमें पास्ट में दिखाया जाता है कि यहाँ साची की तबीयत खराब हो गई थी इसलिए वो नहीं आने वाली थी। और ये जितनी भी बातें रहती है, शियोन हमारा बंदा बहुत ज्यादा चालाक रहता है और सारी बातें सुन रहा होता है। तो क्या था, इसी मौके का फायदा उठा के वो चला जाता है और लड़कियां मान भी गई रहती है। लेकिन नागी को ये बंदा बिल्कुल भी पसंद नहीं रहता, बड़ा अजीब सा रहता है। और लेकिन ये बड़ा एनर्जेटिक बंदा रहता है एरिका के पीछे जो पड़ा हुआ था। अंदर हमें घर को दिखाया जाता है, तो घर में यहाँ पर एक तस्वीर लगी हुई रहती है। एरिका तुरंत ही जाती उस फोटो को ढक देती ताकि कोई भी देख ना सके। अब उसके बाद एरिका चली गई रहती हीरो को लेके ऊपर और ये सोच रहा होता है कि इतने बड़े घर में हम लोग अकेले। और शिवान कहता है कि देखो मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, कैसा रहेगा कि मैं तुम्हारी मदद करो और तुम मेरी मदद करो, बताओ एरिका और हीरो में से तुम्हें कौन सा पसंद है। तब वो कहता है कि जाहिर सी बात है मुझे हीरो पसंद है और मैं हीरो के अलावा किसी को नहीं देखता, लेकिन रुको हम लोग यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, कोई और चीज़ करने के लिए बिल्कुल भी नहीं। शियोन कहने लगता है कि मेरे दोस्त बिल्कुल सही कहते थे, तुम बहुत ही ज़्यादा पढ़ाकू बंदे हो, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। उसके बाद हमें ये पता लगता है कि ये लोग आराम से बैठे हुए रहते हैं और ये लोग समर कैंप पे रहते हैं। तो एरिका कहती है कि मैंने सारे नौकरों को निकाल दिया है, हमें सारा काम खुद से करना पड़ेगा, तो शॉपिंग पे कौन चलने वाला है मेरे साथ। नागी खड़ा होने वाला था लेकिन जो शियोन रहता है उसे रोक देता है और कहता है कि मैं चलूंगा तुम्हारे साथ शॉपिंग पे। एरिका कहती है कि ठीक है चलो तुम मेरे साथ शॉपिंग पे चलो, और यहाँ समझ नहीं पाता है नागी, लेकिन फिर शियोन उसे इशारे कर रहा होता है कि समझे ये बात है ये बात है। उसके बाद ये दोनों अब यहाँ पे चले गए रहते हैं और आगे हम देखते हैं कि ये दोनों यहाँ अकेले बैठे हुए रहते हैं। नागी का दिल एकदम जोर से धक धक कर रहा होता है क्योंकि हीरो के साथ अकेले रहता है इतने बड़े घर में। हीरो कहती है कि मुझे किसी जगह पे जाना है, क्या तुम चलोगे। अब नागी सोच रहा होता है कि आखिर वो कौन सी जगह पे जाने की बात कर रही है।
तो ये लोग चले गए रहते हैं और उसने ये नजारा विंडो से देखा हुआ रहता है। तो यहाँ पे ये लोग आ गए रहते हैं, काफी बड़ी बड़ी मछलियां भी रहती है। ये पूछ रही थी तुम्हें मछली पकड़ना आता है क्या? वो कहता है कि नहीं, मुझे मछली पकड़ना तो नहीं आता है। वैसे आखिर तुम यहाँ पर आई क्यों? क्योंकि तुम्हें तो पढ़ाई करनी थी ना। तब हीरो यहाँ पे कहती है, मैं यहाँ पे इसलिए आई क्योंकि तुम यहाँ पे आना चाहते थे, समझे? अगर तुम नहीं आते तो मैं भी यहाँ पर नहीं आती। तो उसका साफ साफ जवाब रहता है हमारे नागी के साथ। अब नागी यहाँ पे समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिर हीरो ने ऐसी बात क्यों बोली, उसका दिल तो धक धक कर रहा था। दूसरी तरफ हमें शॉपिंग मॉल में दिखाया जाता है कि आज तक तो एरिका ने कभी खुद से शॉपिंग की नहीं रहती है, तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या शॉपिंग किया जाए। और यहाँ पे उसका हाथ से फिसलने वाला भी रहता है कुछ सामान। तब तक हम देखते हैं कि हमारा शिवन बंदा आ चुका रहता है एकदम हीरो की तरह और कहता है, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। और वो भी एकदम रुकी हुई रहती है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है ये सोच रहा था कि आखिर हीरो ने वैसा क्यों कहा कि वो मेरी वजह से यहाँ पर आई है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हीरो मुझे पसंद करने लगी है। तो ये बात एकदम पूरा उसके दिमाग में घूम रहा होता है कि आखिर क्या बात है, हीरो हीरो ने ऐसी बात कैसे कह दी। तब तक एरिका वहाँ पे आ जाती है और कहती है कि हीरो कहता, वो बताता है कि नहा रही है, वो चली जाती है और कहती कि मुझे तुमसे एक बात करनी है। दूसरी तरफ शिवन कहता है कि मैंने उसे प्रपोज कर दिया है, लेकिन नागी को विश्वास नहीं हो रहा होता है। कहता है कैसे प्रपोज किया था? वो बोलता है कि उसके हाथ से सामान गिरने वाला था, मैंने इसी मौके का फायदा उठाया और फिर मैंने उसे कहा कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए, समझे? उसने डायरेक्टली प्रपोज नहीं कहा कह रहा रहता है, मतलब आई लव यू नहीं कह रहा रहता है, उसने सिर्फ थैंक यू कहा रहता है एरिका को। तब ये कह रहा होता है हमारा नागी कि उसे प्रपोज नहीं कहते हैं बेवकूफ कहीं के। तब श्योन कहता है कि तुमने आज तक कभी किसी को प्रपोज भी किया है क्या जो तुम मेरे बारे में ऐसा कह रहे हो? कम से कम मैंने कोशिश तो की। नागी बोलता है कि हाँ मैंने किया है ना, मैंने हीरो को प्रपोज किया है। अब ये सुन के वो थोड़ा शॉक हो जाता है कि क्या। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ये कह रही होती है कि मैं अपना ना भूल गई हूँ, तो क्या तुम मेरी मदद करोगी? तो यही बात रहती है, उसकी प्रॉब्लम रहती है यहाँ पर, ये अंडरवेयर लाना भूल गई और इसके पास अब एक्स्ट्रा पेयर बिल्कुल भी नहीं बचे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो कह रहा होता है कि कैसा हो सकता है, तुमने उसे प्रपोज किया था फिर उसके आगे क्या हुआ, क्या उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया? वो कहता है कि हाँ। वैसे अभी मैं हीरो को कुछ टेस्ट में अगर वापस से हरा दूं, कम से कम 9 टेस्ट में हराऊंगा, उसके बाद ही वो जाकर मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी। और पता नहीं नागी को दिल में भी ऐसा क्यों धक धक हो रहा था कि कहीं जो हमारी एरिका है वो इस शोमू का प्रपोजल एक्सेप्ट ना कर ले। मगर एरिका ने अभी तक किया नहीं रहता है और ये लोग आराम से यहाँ पर बैठ के स्टडी कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो खुशबू सूंघ रहा होता है क्योंकि हीरो नहा के आई हुई रहती है और काफी अच्छी खुशबू आ रही होती है। हीरो कहती है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है, देखो कितनी मेहनत से एरिका पढ़ रही है, लेकिन एरिका को तो कुछ भी घंटा समझ नहीं आ रहा होता है। तब तक शिओन उनके लिए आइसक्रीम लेके आ गया रहता है और कहता है कि हम लोग पास वाले श्राइन में चलते हैं, बहुत ज्यादा मजा आएगा, कपल्स का जोड़ी बना के चलेंगे। और हीरो भी उन्हें डरा रही होती है, तो यहाँ पर जोड़ी लगाने की बात की जा रही होती है। सो जब वो सुनता है तब नागी सोच रहा होता है कि ओ माय गॉड, हीरो की नजरों में मैं एक हीरो बन जाऊंगा, वाह मजा आएगा, क्या मास्टर प्रूफ प्लान है एकदम, मैं तो उसी के साथ जोड़ी बनाऊंगा। लेकिन बीच में एरिका हाथ खड़ा करती है और कहती है कि मैं जाऊंगी नागी के साथ, मैं जाऊंगी। फिर पता नहीं क्या हो जाता है, उसे वो नागी का हाथ खींच के जाने लगती है और कहती है कि हम लोग तुमसे श्राइन पे मिलते हैं। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता और ये हीरो से पूरा बात उगलवाने की कोशिश कर रहा होता है कि कहीं वो हमारे नागी को पसंद करती है या फिर नहीं पसंद करती है, लेकिन हीरो उसका कुछ ज्यादा अच्छा जवाब नहीं दे रही होती है। मगर हीरो ने यहाँ पर एक हिंट भी छोड़ा हुआ रहता है। वो कहती है कि तुमने क्या प्रपोज किया एरिका को? वो कहता है कि हाँ मैंने प्रपोज किया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया था, पूरी बात वो बता देता है। उसके बाद हीरो कहती है ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगी ताकि तुम एरिका को प्रपोज कर सको, और तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। यहाँ पर शिवान भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुका रहता है। दूसरी तरफ साची की तबीयत ज्यादा खराब होती है, उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, लेकिन साची कहती है कि प्लीज आप बड़े भाई को ये बात बिल्कुल ही मत बताना क्योंकि वो बहुत लंबे वक्त के बाद छुट्टी लेके गया है और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से उसका कुछ भी खराब हो जाए। लेकिन यहाँ पर ये लोग जब जंगल में रहते हैं, ये पूछता है तुम्हें मुझे क्या बताना था, तब इसके दिमाग में एक आइडिया आता है और सोचता है कि अपना मजा आएगा। एरिका घूमती है पीछे और कहती है कि मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी, लेकिन जब वो घूमती है तो देखती है कि अरे वो गायब कहाँ हो गया, कहीं भूत तो उसे नहीं ना ले गए। लेकिन ये नीचे से आता है और उसे डराने कोशिश करता है। एरिका कहती है कि तुम एक नंबर के परवट हो नागी, एक नंबर के। और फिर नागी को बाद में पता चलता है कि कैसे उसने से पहना ही नहीं हुआ रहता है और यहाँ एक शॉपिंग मॉल से उसने किया रहता है। वो कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? वो बताती है कि मैंने हीरो को बताने की कोशिश की थी, लेकिन हीरो ने कहा था कि एक दिन नहीं पहनोगी तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, और ये बात मैं तुम्हारे अलावा और किसी को नहीं बता सकती थी क्योंकि मुझे तुम पे बहुत ज्यादा भरोसा, इतने दिन से रह रहे हो और वैसे भी एक तरीके से फियोन से ही है तो बताना जरूरी था। फाइनली एरिका और नागी यहाँ श्राइन के पास में पहुंच गए रहते हैं, जहाँ पे वो कहता है कि तुम्हें मुझे कुछ और भी बात बतानी थी क्या? तो वो यहाँ पे सेल्फीज क्लिक करती है और फिर उन दोनों को भेज देती है। फिर आगे वो कह रही होती है कि तुम्हें पता है अगर तुम नहीं रहते तो मेरे इतने दोस्त नहीं बनते और मैं आज यहाँ पे इतने ज्यादा मजे नहीं कर पाती। नागी कहता है अच्छा अच्छा ठीक है। और पता नहीं क्यों यहाँ पे एरिका बहुत ही अच्छी तरीके से व्यवहार कर रही होती है, मतलब उसकी पर्सनैलिटी, उसका चार्मिंग फेस बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। तो नागी भी शर्मा गया रहता है और कहता है
मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं तुम सभी के साथ में हमेशा हमेशा के लिए रहना चाहता हूँ। काफी ज्यादा मुझे भी मजा आ रहा है। एरिका उससे कहती है, कहीं तुम्हारा इसका मतलब ये तो नहीं कि हमें इंगेजमेंट कर लेनी चाहिए। अब इस बात को सुन के नागी एकदम हक्का बक्का रह गया रहता है। दूसरी तरफ हमें पता लगता है कि वो एक मैरिज श्राइन है, तो ये दोनों वहां पे नहीं जाने वाले हैं। और फिर वो मैसेज करके उन्हें बता देते कि हम लोगों ने हार मान ली, हम लोग नहीं जाने वाले हैं। उसके बाद वो आ जाते हैं। अब यहाँ पे खाना बनने वाला था। एरिका ने क्या क्या सामान उठा के लाया था, तो क्या खाना बनेगा, इसीलिए नागी यहाँ पे बारबेक्यू बना देता है। अब पहली बार उसने बारबेक्यू बनाया हुआ रहता है और एरिका कहती है कि बहुत मेहनत की है मैंने, लेकिन वो कहता है कि तुमने कुछ भी मेहनत नहीं की, सारी मेहनत मैंने और हीरो ने की है। फिर वो कौन खा रहा होता है, तो हीरो कहती है मैं तुम्हारा बाइट ले सकती हूँ, तो ये एक इनडायरेक्ट किस रहता है एक तरीके से। और नागी काफी ज्यादा शर्मा गया रहता है कि हीरो इनडायरेक्ट किस ले रही है। उसके बाद हीरो कहती है कि तुम भी जाओ एरिका में से खा लो, लेकिन एरिका तब तक खा चुकी रहती है। यहाँ पे शिवान को तो मौका ही नहीं मिलता है खाने का, उसने पूरा खा लिया रहता है। बाद में हमें दिखाया जाता है कि वो कुछ कैलकुलेशन कर रहा होता है स्टार्स को लेकर और हीरो को बता रहा होता है। हीरो कहती है कि तुम आज बहुत ज्यादा खुश लग रहे हो, पहली बार बारबेक्यू पे आए हो क्या। वो कहता है कि हाँ, इससे पहले मैं एक बार गया था, लेकिन आज बहुत लंबे वक्त के बाद मैं यहाँ पे आया हूँ। फिर उसके बाद ये लोग आराम से यहाँ पर बैठे हुए रहते हैं, जहाँ पर वो उन्हें एक बात बताता है कि आज शूटिंग स्टार गिरने वाले हैं। असल में मैं बहुत पहले से ही सुबह से ही इसकी तैयारी कर रहा था। नागी बताता है कि बहुत सारे शूटिंग स्टार मीटियोर और ऐसे गिरने वाले हैं, तो चलो हम सभी लोग को यहाँ पे विश मांगनी चाहिए। तो सभी लोग अपनी आंख बंद करके विश मांग रहे होते हैं। नागी के मोबाइल पे मैसेज आ गया रहता है कि साची की तबीयत खराब है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। यहाँ पर उसकी मॉम भी बोलती है साची को कि मैंने तुम्हारे बड़े भाई को सारी बात बता दी है। साची को गुस्सा आ रहा होता है कि आपने क्यों उन्हें बताया, वो इतने लंबे वक्त के बाद गए थे और फिर मेरी वजह से अब उन्हें वापस आना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये लोग जब अपनी आंख खोलते हैं तो इन्हें दिखाई देता है कि यार ये क्या, नागी तो यहाँ पर है ही नहीं, वो कहाँ चला गया। वो बिना बताए ही साची को यहाँ पे आ गया रहता है। साची बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही होती है, उस पर कह रही होती है कि एक तो तुम इतने दिन के बाद गए थे मस्ती करने अपने दोस्तों के साथ और मेरी वजह से तुम्हें आना पड़ा। तो यहाँ पे साची को भी बहुत ज्यादा ही बुरा महसूस हो रहा होता है। नागी कहता है मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। और फिर वो मैसेज करके इन लोगों को बता देता है। शियोन सोच रहा होता है कि ओ माई गॉड, मैं इन दोनों लड़कियों के साथ अकेला हूँ, लेकिन वो तो इसे छोड़ के ऐसे ही भाग जाती है। बेचारे का कुछ नहीं होने वाला है, कोई भी इसे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा होता है। और फिर उसके आगे सारी बातें ये बता देता है मैसेज पर। और सोच रहा था कि पता नहीं वो लोग मेरे बारे में क्या सोचे हैं कि मैं अपनी बहन से इतना प्यार करता हूँ कि मैं उन्हें अकेला छोड़ के आ गया। उसे लगता है कि एरिका उसके बारे में बहुत ज्यादा बुरा भला बोलेगी, इसलिए वो पहले ही माफी मांगता है। लेकिन एरिका उससे कुछ कहती नहीं। एरिका कहती है कि तुम अब बहुत ही अच्छे बड़े भाई हो, तुम्हें अपनी बहन की बहुत ज्यादा फिक्र है। देखो वैसे साची मेरी भी छोटी बहन है एक तरीके से, सच कहूँ तो मेरी ही छोटी बहन है। उसे ऐसा लगा था कि एरिका इसका मजाक उड़ाएगी, ये कहेगी कि तुम्हें अपनी बहन पे क्रश है क्या, लेकिन वो ऐसा नहीं कहती है। वो तो इसकी तारीफ कर रही होती है कि तुम सचमुच अपनी छोटी बहन की बहुत परवाह करते हो। और ये चीज सुन के ये थोड़ा सा हैरान होता है कि क्या बात है। अब कमरे में यही चीज सोच रहा होता है कि मैं अपने पेरेंट्स से बात करता हूँ, उनसे मिलने के लिए जाता हूँ, लेकिन दूसरी तरफ जो एरिका है वो ना कभी अपने पेरेंट्स से मिलती है ना कभी बात करती है, बहुत कम मिलती है। लगता है इतने दिनों तक रहने के बाद भी मैं उसके बारे में ज्यादा अच्छी तरीके से कुछ जान नहीं पाया हूँ, मुझे इसके बारे में और भी अच्छी तरीके से जानना पड़ेगा कि आखिर बात क्या है। तो वो एक राज पता लगाने वाला था। और दूसरी तरफ हीरो और शिवान बात कर रहे होते हैं। जाते जाते शिवान कहता है कि याद रखना तुमने मुझसे क्या प्रॉमिस किया था, आपको तो वो प्रॉमिस याद ही होगा जो हमारी हीरो ने शिवान से किया रहता है अभी कुछ देर पहले। और फिर यहाँ पर हमें ये पता लगता है कि शिवान ने उस फोटो को देखा था, लेकिन उस फोटो में शिवान को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया था कि आखिर वो बच्चा है कौन फोटो में। जब वो लोग चले गए रहते हैं तो यहाँ एरिका के डैड आते हैं और उन्होंने जानबूझ के इस फोटो को यहाँ पे रखा हुआ रहता है। और इस फोटो में जो बच्चा रहता है वो नागी की तरह दिखता है, लेकिन वो नागी नहीं रहता है। आगे हम देखते हैं कि नागी आ चुका रहता है, जहाँ पे वो कहता है मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन वो पानी फेंक देती है और फिर वो भी उसके ऊपर पानी फेंक देता है। दोनों मस्ती मजाक कर रहे होते हैं और फिर वो कहता है कि मुझे तुमसे एक बात करनी है। आखिर तुम किसे ढूंढ रही हो, तुम किसे ढूंढना चाहती हो जिसके लिए तुम इतनी मेहनत कर रही हो, इतना ज्यादा फेमस होना चाहती हो, मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। एरिका कहती है क्या तुम सचमुच जानना चाहते हो, अगर मैंने तुम्हें यह बता दिया तो तुम्हारी जिंदगी पलट सकती है। लेकिन वो कहता है कि मुझे फिर भी जानना है। एरिका कहती है ठीक है तो तुम इसके लिए रेडी हो जाओ। एरिका नागी को अब वो सच बता देती है कि एरिका का एक बड़ा भाई भी है, इसका मतलब नागी का बायोलॉजिकल ब्रदर और एरिका का स्टेप ब्रदर एक तरीके से। और इधर नागी सोच रहा होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बचपन में हम दोनों मिले थे और हमें प्यार हो गया था और फिर हम दोनों बिछड़ गए, हमारी याददाश्त गुम गई है। तो नागी ऐसा ऐसा सोच रहा होता है, लेकिन एरिका कहती कि नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, तस्वीर में वो जो था वो तुम्हारा बड़ा भाई है और मुझे याद नहीं है कि अब वो कहाँ पर है और उसे ही ढूंढने के लिए मैं इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ। एरिका को लगता था कि जब वो नागी को ये बात बताएगी तो उसे शौक लगेगा, लेकिन नागी को बिल्कुल भी शौक नहीं लगा हुआ रहता है, क्योंकि वो बस इसी जानने के लिए क्यूरियस था कि ये बंदा बिल्कुल मेरी तरह दिखता है, वैसे रहता तो ये इसी का बड़ा भाई है तो क्या ही कर सकता। और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा इसे ढूंढने में, मगर वो कहता है कि नहीं, उसे ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और पेरेंट्स भी नहीं बताते हैं कि आखिर वो कहाँ पर है। और वो अचानक से चला गया था एक दिन और मैंने सोचा कि अगर अगर मैं
उस दिन कूदूंगी तो मेरे पेरेंट्स तुम्हारे साथ मैरिज कैंसिल करवा देंगे। तो मुझे पता नहीं था कि मेरी मैरिज तुम्हारे साथ होने वाली है। मैं इंस्टा पे पोस्ट डाल रही थी, वहाँ पे लाइव जा रही थी ताकि मेरा बड़ा भाई मुझे ढूंढ सके। मगर फिर क्या होता है कि तुम उस दिन आ गए और मुझे लगा कि मेरा बड़ा भाई मेरे सामने आ गया है, इसीलिए वो सारी चीज़ें। तब बात ये रहती है कि मुझे मेरे बड़े भाई को ढूंढना, मैं चाहती हूँ कि वो घर वापस आ जाए। वो कहाँ पर है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। तब नागी कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा उसे ढूंढने में। वो कहता है सच में मदद करूंगा मैं तुम्हारी। एरिका को मजाक लग रहा होता है। तब तक साची भी अब घर आ चुकी रहती है, मगर साची ने इस बात को बिल्कुल भी सुना हुआ नहीं रहता है। आगे हमें पता लगता है कि ये क्लास में सोच रहा होता है कि मेरा एक बड़ा भाई भी है और एरिका उसे ढूंढना चाहती है। मैं उसकी मदद जरूर करूंगा, मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। तो यहाँ पर अब ये घर में भी सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए नहीं है कि एरिका मेरे साथ इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरा शक्ल मेरे बड़े भाई से ज़्यादा मिलता और एरिका बचपन से उसके साथ में रही है। तो इसका मतलब यह है कि एरिका मुझे नहीं पसंद करती है, उसमें मेरे अंदर अपना बड़ा भाई दिखाई देता है, इसलिए वो मेरे साथ इतनी अच्छी तरीके से पेश आती है। अब यहाँ पे इसे गुस्सा आ गया रहता है कि अब मैं उस बंदे को ढूंढ के रहूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब वो जाने वाला रहता है। ये लोग पूछ रही होती है कहाँ जा रहे हो, तो अब ये कहता है कि मैं जा रहा हूँ तुम्हारे डैड के पास। वो कहती है कि डैड नहीं बताने वाले हैं तुम्हें, रुक जाओ कहाँ जा रहे हो, लेकिन वो चला जाता है। साची को भी पता चल गया रहता है कि एरिका का एक बड़ा भाई था, हालांकि उसका बड़ा भाई बिगड़ैल नहीं था, वो बहुत ही अच्छा था। तो यहाँ पर एक दिन वो जल्दी होमवर्क कर लेता और एरिका को पीछे ही छोड़ देता है। वो तो घर चला गया रहता है, लेकिन एरिका यहाँ पर बोर हो रही थी क्योंकि उसे होमवर्क करने में काफ़ी देर होती है। लेकिन वो देखती है कि कैसे उसका बड़ा भाई रुका हुआ रहता है और कहता है कि मैं घर इसलिए नहीं गया क्योंकि मैं अकेले गेम कैसे खेलूंगा, तुम्हें भी तो हराना है, तुम्हें हराने में मजा आएगा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए रुका हुआ था। तब साची कहती है मुझे लगा था कि जो अमीर लोग रहते हैं वो बहुत ज़्यादा बिगड़ैल रहते हैं, लेकिन तुम्हारा भाई तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो तो बहुत ही हम्बल है। तब वो कहती है कि सारे अमीर लोग बिगड़ैल बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। और फिर एरिका बोल रही होती है कि मेरा जो भाई है तुम समझ सकती हो क्योंकि तुम भी एक छोटी बहन हो किसी की और मैं भी एक छोटी बहन हूँ, और मेरा भी अपने भाई के साथ वही रिश्ता है जो तुम्हारा रिश्ता है। तब साची सोच रही होती है कि एरिका जैसा सोच रही वैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो साची है वो तो हमारे नागी को पसंद करती थी, अब वो बात खुल के कैसे बता सकती है इसे। तो एरिका जो बात भी बोल रही होती है इसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही होती है और फिर अब वो कुछ कह ही नहीं पा रही होती है। तो इसके बाद अब इनका प्लान पूरा एकदम सेट हो चुका रहता है और दोनों अपने बारे में ही डिस्कस यहाँ पर करते जा रहे होते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि जो एरिका के डैड रहते हैं वो नागी को तस्वीर दिखा रहे होते हैं। यहाँ पे वो पूछने की कोशिश करता है अपने बड़े भाई के बारे में, लेकिन उसके डैड साफ साफ मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि कौन सा बड़ा भाई, किसके बारे में तुम यहाँ पर बात कर रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तब नागी थोड़ा अच्छे सीरियस तरीके से उनसे पूछने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर भी टाल रहे होते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं कोई नहीं, बस एरिका ही है और कोई भी नहीं। और फिर वो मुस्कुरा रहे होते हैं, कहते हैं कि अगर तुम्हें सच जानना है तो तुम खुद से पता क्यों नहीं लगा लेते हो, मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ कि तुम्हारा कोई बड़ा भाई है या फिर नहीं है, मुझे क्या पता। ये नागी के रियल डैड रहते हैं तो वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं कि इसका सचमुच कोई बड़ा भाई है या फिर बड़ा भाई नहीं है। तो वो कहते हैं कि खुद से पता लगा लो। अब पूरा एकदम वो सोच रहा होता है और वो कहते हैं कि हिंट तुम्हारे सामने है, तुम समझ नहीं पा रहे हो। दूसरी तरफ हीरो यहाँ पर बच्चों को कुछ कहानियाँ सुना रही होती है, असल में वो नागी और एरिका की ही कहानी सुना रही होती है, किस तरीके से दो बच्चे बचपन में ही एक्सचेंज हो गए थे और किसी भी तरीके से वो एक कहानी बता रही होती है घुमा फिरा के, जहाँ पर बोलती है कि देखो प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व हो सकती है कि जो ये बेबी डॉल है यानी जो नागी है वो अपनी बहन साची से ही शादी कर ले, तो इस तरीके से इनकी मैरिज की प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व हो सकती है। और ये किसी भी तरीके से एकदम हिंट निकाल देती है, मतलब इसका अपना अलग ही गेम चल रहा होता है जो कि नागी साची और एरिका के ऊपर रहता है। तो यहाँ पर वो सॉल्यूशन बोलती है कि नागी साची से शादी कर ले, और यही बात नागी के डैड भी कहते हैं कि तुम साची से शादी क्यों नहीं कर लेते हो, वैसे भी तो तुम उसे बहुत लंबे वक्त से जानते हो। अब बेचारा एकदम ट्रॉमेटाइज हो गया था। फिर जब वो घर आता है तो कहता है हेलो, लेकिन वो देखता है कि कैसे ये दोनों जो रहती है स्विम सूट में रहती है, साची नहीं रहती है। वो कहती है कि ये समर टाइम है, चलो मेरी तस्वीरें खींचो। एरिका यहाँ पर तस्वीरें खिंचा रही होती है, साची ने स्विम सूट नहीं पहना हुआ रहता क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही होती है नागी जो यहाँ पर रहता है। तो यहाँ साची चली जाती है और कहती है कि मैं बाद में आती हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद ये दोनों पूछ रहे होते हैं, जहाँ पे वो कहता है कि तुम्हारे डैड ने मुझसे ये कहा कि मैं साची की शादी कर लूँ। एरिका कहती है मुझे पता था डैड इतनी आसानी से बिल्कुल भी नहीं मानने वाले हैं, वो पक्का घुमा फिरा के कुछ ना कुछ ज़रूर करने वाले हैं। तो वो सोच रहा होता है कि आखिर मैं किस तरीके से रिस्पॉन्ड करूं। लेकिन यहाँ पे एरिका को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है जब उसके और साची के बारे में बात हो रही होती है। अब यहाँ क्लास में भी ये बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है कि क्या किया जाए। हीरो देखती है कि अरे ये क्या, ये इतना ज़्यादा परेशान क्यों है। वो एरिका से पूछने की कोशिश करती है, तब एरिका उसे बताती है कि देखो ऐसी ऐसी बात है। और फिर ये सोचता है कि मुझे कुछ पोस्टर लगा देना चाहिए, लेकिन फिर वो लोग सोचेंगे कि आखिर मैं एरिका का कौन लगता हूँ, मुझे ये सब बात बाहर नहीं निकालनी है, तो मैं पोस्टर नहीं लगवा सकता हूँ ना ही किसी से पूछ सकता हूँ, तो आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। यहाँ पे बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान रहता है कि ये बात कहीं फैल ना जाए कि आखिर मैं एरिका का क्या लगता हूँ।
तो इसके बाद बेचारा भी बहुत ज्यादा परेशान रहता है। हीरो देखती है कि अरे ये क्या, ये तो सही में बहुत ज्यादा ही परेशान हुआ है। फिर हीरो उसे मैसेज करती है डेट पे चलने के लिए। अब जाता है घर, साची को बताता है कि मैं डेट पे जा रहा हूँ, उसने मुझसे साइकिल लाने को कहा है। साची कहती है कि मेरे साथ टाइम स्पेंड करो, लेकिन वो कहता है कि नहीं मुझे माफ़ करना, मुझे जाना है क्योंकि हीरो ने मुझे डेट पे बुलाया है और मैं डेट के लिए लेट बिल्कुल भी नहीं होना चाहता हूँ क्योंकि वो हीरो है। और फिर ये बहाना मार के किसी भी तरीके से वहाँ से निकल जाता है। अगले सुबह का सीन हमें यहाँ पर दिखाया जाता है, जहाँ पर ये तो एक नई साइकिल लाई थी, ये लोग साइकिलिंग पे जाने वाले थे और ये अपने मॉम डैड का साइकिल लेके आया रहता है जिस पर अजीब सा झंडा भी गड़ा हुआ रहता है। वो कहती है कि कोई बात नहीं चलो, हमें चलना है, 24 किलोमीटर चलना है, बहुत दूर तक जाना है और चिंता मत करो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, और कोई भी प्रॉब्लम हो तुम्हारे साथ तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब उसके बाद वो लोग साइकिलिंग करना शुरू कर देते हैं, जहाँ हमें पता लगता है कि जो हमारा नागी है वो काफ़ी तेज़ी के साथ पहले शुरुआत में साइकिलिंग कर रहा होता है, मगर फिर उसे पता लगता है कि कैसे इन्हें अभी और दूर जाना है, तो वो एकदम हैरान हो चुका रहता है कि क्या। और फिर वो धीरे धीरे साइकिलिंग कर रहा होता है। हीरो के पास तो पूरा गियर रहता है लेकिन नागी को तकलीफ हो रही होती है। और वो लोग जब आगे बढ़ते हैं तब नागी देखता है अपने डैड का होटल। सो वहाँ पे वो अपने डैड के होटल को देख के रुक जाता है और सोच रहा होता है कि मेरा रियल बाप सचमुच इतना ज़्यादा अमीर है और देखो मैं यहाँ पे साइकिल चला रहा हूँ। उसके बाद वो फिर से आगे बढ़ने लगता है और फिर देखता है कि ये आइसक्रीम खा रही थी और इसका जीभ ऐसा हो गया था, तो वो सोचता है मैं इसे किस ले लूँ लेकिन किस नहीं ले सकता था। फिर अब ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं और सोच रहा होता है कि मेरे डैड आखिर मुझसे क्या छुपा रहे हैं, आखिर वो मुझे क्यों चाची की शादी करवाना चाहते हैं। फाइनली अब सारा एकदम समझने के बाद ये पहुंचने वाला रहता है सी के पास में, जहां पे ये लोग रुके हुए रहते हैं। अब वो कह रही होती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि मुझे लग रहा था कि तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो, और अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो तुम मुझे बता सकते हो, हम लोग बिल्कुल एक फैमिली की तरह हैं, तुम्हें जो भी बोलना है तुम यहाँ पे चिल्ला के बोल सकते हो। तो यहाँ पर वो चिल्ला नागी ने चिल्ला लिया रहता है। उसके बाद हीरो भी यहाँ पर चिल्ला के कुछ कह रही होती है। उसके बाद वो हमारे नागी की तरफ बहुत प्यार से देखती है और कहती है कि चिंता मत करो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूँगी, ठीक है अब चलो घर चलते हैं। वो हीरो का ये रूप देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और सोचता है लगता है ये मुझे पसंद करती है, क्यों है ना। उसके आगे हम देख रहे होते हैं कि साची अंकल के साथ खाना खा रही होती है, जहाँ पर उसे पता लगता है कि ये प्राइम मिनिस्टर के साथ भी मतलब इसी रूम में आए थे और ये बहुत ज़्यादा महंगा होटल है। तो यहाँ पे वो सीधे सीधे उससे बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो कहते हैं कि तुम नागी से शादी क्यों नहीं कर लेती हो। अब ये सुन के साची को थोड़ा सा हैरानी होता है कि आखिर अंकल इस बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं। अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये बात बिल्कुल सही भी है, वो कर भी सकते हैं क्योंकि इसमें कोई बुरी बात नहीं है, वो वाला सीन नहीं है, पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा घुमाऊ वाला सीन है एक तरीके से। अगर समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो वापस से वीडियो देख सकते हो। हालांकि साची एकदम फ्रीज हो जाती है कि आखिर ऐसा कैसे, लेकिन फिर वो सोचती है कि ये बिल्कुल सही कह रहे हैं और फिर घर वापस आ जाती है। नागी पूछता है कि तुम इतनी देर तक कहाँ थी, वो बताती है कि लाइब्रेरी में थी, और फिर वो ऊपर जा रही होती तब ये कहता है कि कल भी तुम लाइब्रेरी में थी क्या इतनी देर तक। वो कहती है कि देखो अब मैं बड़ी हो गई हूँ और मेरे से तुम्हारा कुछ भी लेना देना नहीं है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ और तुम मुझे ऐसे परेशान बिल्कुल भी मत करो। नागी सोच रहा होता है कि आजकल ये कुछ ज़्यादा ही बोलने लगी है, मतलब हमारे मॉम डैडी यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब क्या ये जो चाहेगी वो बोलेगी क्या। साची यहाँ पे उसे बिल्कुल नहीं बताना चाहती थी कि वो नागी के रियल डैड से मिल के आ रही है यहाँ पर, तो इसीलिए वो चुपचाप ऊपर चली जाती है। अब नागी को यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि बताओ इसकी इतनी हिम्मत, मैं इसका बड़ा भाई हूँ आखिर ये मुझे समझती क्या है। वो गुस्से में जा रहा होता है ऊपर और कहता है अभी मैं इसे सबक सिखाता हूँ। वो कहता है कि बाहर निकलो साची, वो तुरंत ही निकलती और कहती कि मैं जा रही हूँ कन्वीनियंट स्टोर, मुझे कुछ खाना खाना है। तो वो कहता है इतनी रात में तो क्या मैं भूखे मर जाऊँ तुम्हारी तरह, तुम तो कुछ बना के देने नहीं वाले हो। सो ये लोग कन्वीनियंट स्टोर पहुँच के रहते हैं, जहाँ पे साची बहुत ज़्यादा शॉपिंग करने को कह रही होती है, लेकिन वो कहता है कि नहीं आज मंगलवार है और कल बुधवार को सामान और भी सस्ता मिलेगा, तो हम लोग इसे अभी बिल्कुल भी नहीं उठाने वाले हैं। साची सोचती है कि इतना बड़ा कंजूस आदमी मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, यहाँ तक कि एरिका के डैड ने इसे पैसे भी दिए रहते हैं खर्च करने के लिए हर महीने, लेकिन फिर भी ये खर्च नहीं कर रहा होता और साची पे ही उल्टा चिल्ला रहा होता है। लेकिन साची भी कम नहीं रहती, इसके दिमाग में एक आइडिया आता है। जब वो चला गया रहता है तो उसने एक चिप्स का पैकेट डाल दिया था अंदर में, अब चिप्स खाते जा रही होती क्योंकि नागी को पता नहीं था कि ये चिप्स साची ने पहले डाल दिया है। वो कहती कि अंकल तुम्हें पैसे देते हैं उड़ाने के लिए इतने सारे, फिर भी तुम उड़ा नहीं रहे हो, बचा रहे हो। वो कहता है कि देखो ये पैसे किसी और के, और हम बेमतलब का इसे बिल्कुल भी नहीं उड़ाने वाले हैं, अगर वो हमें पैसे दे रहे हैं तो हमारी अच्छाई के लिए दे रहे हैं और हमें पैसे बिल्कुल नहीं उड़ाने चाहिए। वो कहती कि ये लो चिप्स खाओ पहले आराम से, उसके बाद में बात करते हैं। तो वो कहता है कि आखिर अब ये तुम्हें क्या हो गया है, और फिर वो कहती है कि नहीं नहीं मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, याद है तुम्हें बचपन में हमने केक बनाया था क्रिसमस के दिन पे मॉम डैड के लिए, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे तो हम लोग सो गए थे, फिर सुबह मैं उठी थी तो मुझे एक नोट पड़ा हुआ मिला था कि सेंटा ने केक खा लिया है, और मैं उस दिन बहुत ज़्यादा रोई थी। फिर हमें बाद में पता चलता है कि सेंटा ने केक नहीं खाया था बल्कि मॉम डैड ने ही केक खा लिया था, और हमें पहली बार पता चला था कि तुम केक भी बना सकते हो। नागी कहता है वो इसलिए क्योंकि मैं मॉम डैड को ऑब्जर्व करता हूँ और तुम सिर्फ खाने के बारे में ही सोचती हो और कुछ भी नहीं। तो यहाँ जो साची रहती है अब घर में तो आ गया रहता है और ये पूछ रही होती है कि मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ, मान लो अगर मेरी और तुम्हारी शादी हो जाती है
तो इसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगे? नागी एकदम पूरा फ्रीज हो गया रहता है। वो कहता है कि आखिर ये तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम मेरी बहन की तरह हो, ऐसी बातें बिल्कुल भी मत करो। अब उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब वो आके क्या बोले। तब साची कह रही होती है कि बेवकूफ़ कहीं के, मैंने तुम्हें बुद्धू बनाया, इडियट है तुम एक नंबर के। फिर उसे जीभ दिखाती है और कहती है कि ठीक है अब मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। नागी सोचता है कि ये दोनों बहनें बिल्कुल एक ही तरीके से हैं, आखिर है तो दोनों बहनें, दोनों का कुछ भी नहीं हो सकता है, दोनों एक नंबर की पागल हैं। फिर उसके बाद वो चली जाती है। एरिका आती है और देखती है कि चाची इतना शर्मा क्यों रही है। वो पूछती तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है क्या? नागी कहता है कि नहीं हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ। नागी बेचारा इनोसेंट बंदा है, कहाँ से समझेगा।